The message Demonology, Religious Realm was delivered on 9th June 1953 at Roberts Park Amphitheater, Connersville, Indiana, USA. ये समाचार हमारे प्यारे भाई विलियम मेरियम बर्नम द्वारा 9 जून 1953 में रॉबर्ट्स पार्क एम्फीथिएटर कॉनर्सविले इंडियाना में प्रचारित किया गया, जिसका अंग्रेजी शीर्षक डिमनोलॉजी रिलीजियस रियलम और हिंदी शीर्षक प्रेत शास्त्र धार्मिक क्षेत्र है। बहुत अच्छा, आप में से कितने छोटे से गीत को जानते हैं कि जैसे मैंने आपको क्रिश्चियन फेलोशिप की अति शुभकामना और आज का मसीह प्रेम दिया है। आप में से कितने छोटे से गाने को जानते हैं, वो तेरी चिंता करता है, आप ये जानते हैं? ठीक है, देखते हैं यदि हम इसे लें। बहन आप जानती हैं, ये आप जानते हैं? He cares for you. He cares for you. Through sunshine or shadow, He cares for you. Oh, that's fine. Let's try it again now. ये अच्छा है, हम फिर से यत्न करेंगे। वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी चिंता करता है, उस धूप या छांव में वो आपकी चिंता करता है। Thou dost care for us, and has manifested thy love towards us in so much that you sent your own beloved Son there, the innocent Son of God, to take the place of guilty sinners. हमारे स्वर्गीय पिता विश्वास करते हैं कि तू हमारी चिंता करता है और हमारी ओर अपना प्रेम इतना अधिक प्रकट किया कि अपने प्रिय पुत्र को परमेश्वर का निर्दोष पुत्र दोषी पापियों का स्थान ले ले। How we thank thee that thou didst care for us and was mindful of us to do this, and we're so appreciative, Lord. और हम कैसे तेरा धन्यवाद करें कि तूने हमारी चिंता की और ये करने के लिए विचार मग्न था, और प्रभु हम बहुत आभारी हैं। Happy together here this afternoon under the canopies of the skies and ask your blessings upon this service. इस दोपहर पश्चात हम आकाश के झरोखों के तले जमा होकर आनंदित हैं और आपसे इस सभा के लिए आशीष मांगते हैं। Grant, Lord, that every man, woman, boy, or girl that's here may study deeply now in the Scriptures. प्रभु प्रदान करें कि प्रत्येक पुरुष, स्त्री, लड़का या लड़की जो यहाँ है इस पवित्र शास्त्र का गहन अध्ययन करने पाए। We're facing a world that's controlled by Satan. हम उस संसार का सामना कर रहे हैं जो कि शैतान द्वारा नियंत्रित है। And Father, we pray as we study the power of demons and what they do to people. That you will give us great faith and may many great signs and wonders be wrought, for we ask it in Christ's name and for God's glory. Amen. और पिता हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे कि हम दुष्ट आत्माओं की सामर्थ का अध्ययन करते हैं और जो वो लोगों के साथ करते हैं, कि आप हमें विश्वास देंगे और होने दें कि बहुत से महान चिन्ह और आश्चर्य कर्म घटित हों, क्योंकि हम ये मसीह के नाम में और परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हैं। Amen. We're studying this afternoon quickly into it. I get about 15 minutes early. It's still on demonology. इस दोपहर पश्चात हम इसका जल्दी अध्ययन कर रहे हैं। मेरे अनुमान से लगभग 15 मिनट पहले ये अब भी प्रेत शास्त्र पे चल रहा है। And I just got a message a while ago, Brother Beeler, from my friends, and I start in Africa the middle of July. So that settles it. We got it fixed now. और मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक संदेश मिला कि मेरे मित्रों में से भाई बीलर और मैं जुलाई के मध्य में अफ्रीका में आरंभ करने जा रहा हूँ, इसलिए ये तय हुआ है कि अब हमने इसे निर्धारित कर दिया है। और उस समय भाई बैक्स्टर नहीं जा सकेंगे, इसलिए मुझे स्वयं ही अफ्रीका जाना है। इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ, हो सकता है अब आपको मेरे लिए प्रार्थना करना है ताकि प्रभु मेरी सहायता करे।
क्योंकि मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता है। वहाँ उनके मध्य में उस सभा में मैं लगभग 2 लाख लोगों की आशा कर रहा हूँ। I've got a vision wrote out here. I want you people to get the benefit of it. It happened in December. मुझे एक दर्शन मिला है जिसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि लोग इसका लाभ उठाएं। ये दिसंबर में घटित हुआ। I was in the room one morning when the angel of the Lord came in. When I was over there, I disobeyed God and I picked up amoeba. एक प्रातः मैं कमरे में था कि जब प्रभु का दूत अंदर आया। आप जानते हैं जब मैं वहाँ था तो मैंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और मैं अमीबा से ग्रस्त हो गया। कोई भी व्यक्ति जानता है कि अमीबा क्या होता है। ये एक परजीवी है जो आपको लगभग मार डालता है। क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया जिसको परमेश्वर ने करने को मना किया था। ये कहानी आप में से कितनों ने सुनी है? मेरा अनुमान है आप में से कुछ यहाँ हैं। मैं जानता हूँ आराधनालय के आसपास कुछ लोग हैं जिन्होंने सुना है कि क्या घटित हुआ। God told me to go a place and to stay away from this place and to go back over to another place and I let the preachers talk me out of it. परमेश्वर ने मुझसे कहा है एक स्थान में जाओ और इस स्थान से अलग रहो और वापस दूसरे स्थान में जाओ, और मैंने प्रचारकों को स्वयं से इस पर बात करने दिया। Preachers are wonderful and they're my brothers, but you mind what God tells you. That's right. You got one mission. अब प्रचारक लोग अच्छे हैं और वे मेरे भाई हैं, परंतु आप ध्यान रखें कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। ये ठीक बात है, समझे? आपके पास एक ध्येय है। कितनों को स्मरण है कि एक बार बाइबल में 2 भविष्यद्वक्ता एक साथ थे? और उनमें से एक प्रभु ने उसे बताया, कहा कि तू अमुक स्थान पर जा और तू उस मार्ग से वापस ना आना, तू दूसरे मार्ग से निकल जाना, और आदि आदि, और कहा जब तक तू वहाँ रहे ना तो वहाँ खाना और पीना। And another true prophet met him and said, the Lord met me after he met you and said, come to my house. And the prophet listened to what the other said and lost his life by it. और दूसरा सच्चा भविष्यद्वक्ता उसे मिला और कहा तेरे से मिलने के पश्चात प्रभु मुझे मिला और कहा मेरे घर आ, और जो दूसरे ने कहा भविष्यद्वक्ता ने उसे सुना और इसके द्वारा अपना जीवन खो दिया। You do what God tells you to do in regards to what anybody else says. देखिए, आप वो करें जो परमेश्वर आपसे करने को कहे, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। Now, we are in this vision. He woke me up 13th of September, December. अब हम इस दर्शन में हैं। इसने मुझे सितंबर 13 या दिसंबर में जागृत कर दिया। And as I was sitting on the side of my bed, I was wondering what would be my future. और जैसा कि मैं अपने पलंग पर एक और बैठा हुआ था, मैं चकित था कि मेरा भविष्य क्या होगा। जब मैं यहाँ वापस आया तो वे मुझे कीटनाशक भवन में फेंकने को थे। परजीवी ने मुझे लगभग वहाँ पहुँचा दिया था। और जब मैं इस धरती पर आया तो उन्होंने मेरी जांच पड़ताल की और परमेश्वर के अनुग्रह से उन्होंने मुझे घर जाने दिया क्योंकि ये बहुत फैलता था। और मैंने प्रार्थना की और मैं उन सेवकों के पास गया। मैंने कहा प्रभु ने मुझसे कहा है उस ओर मत जाना। कहा ओ आपको छोड़ परमेश्वर ने किसी और से भी बात की है। मैंने कहा एक बार कोरा के पास भी यही विचार था। But I went and got some leaves and laid it over their feet and I said, remember, in the name of the Lord, if we take that trip there, it's going to be a failure and we'll all pay for it. और इसलिए परंतु मैं गया और कुछ अवकाश लेकर उनके कदमों पर डाल दी और मैंने कहा प्रभु के नाम में स्मरण रखिए, यदि हमने वहाँ की यात्रा की तो वो असफल होगी और हम सबको इसका भुगतान करना पड़ेगा। And we sure did. Oh my. We all like to die. और हमने बिल्कुल यही किया। ओ हम सब मृत समान थे। So then, coming back, you have so much to contend with in those foreign countries. इसलिए वापस आकर आप में इतना होना चाहिए कि आप उन देशों में उन बातों का मुकाबला कर सकें। For instance, the little flea would bite you. It causes you to have tick fever. And that little thing, when it bites you, if you feel yourself itching, you can't scratch it. उदाहरण के लिए एक छोटी मक्खी आपको काट लेगी, उससे आपको टिक बुखार हो जाएगा। और वो छोटी चीज जब वो आपको काटती है, यदि आपको चिरमिराहट अनुभव होती है
आप उसे खुजा नहीं सकते. You're looking, it's a little black fellow. Don't pull it off. It's got a little head. It bores its way into the skin, turns around like this and fastens itself. आप देखिए, यदि वहाँ कोई अश्वेत व्यक्ति है, उसे बाहर मत खींचिए. उसके एक छोटा सा सिर होता है, वो खाल में छेद करके और इस प्रकार से घूम जाता है और स्वयं को उसमें जड़ित कर लेता है. यदि आप बाहर खींचेंगे तो उसका सर उसी में तोड़ लेंगे. उसमें वायरस होता है, आपको पक्षाघात फालिज कर देगा. So don't scratch or don't pull him off. Just take some towel and he breathes through his back. Drop towel on it and he comes off. इसलिए खुजाई नहीं और उसे बाहर ना खींचे. बस थोड़ी सी चर्बी लें और वो अपने पिछले भाग से श्वास लेता है और उस पर चर्बी डालें और वो बाहर आ जाता है. Then he's a little mosquito. He doesn't make a bit of noise. He comes right through the air. He just touches. That's all. You've got malaria. इसे छोड़, वहाँ एक और छोटा मच्छर है. वो शोर मचाकर नहीं काटता. वो सीधा हवा में आता है और वो केवल आपको छूता है. बस आपको मलेरिया हो गया. And then there's what they call the mamba snake. If he hits you, you live just about 2 minutes after he hits you. और इसके अलावा वहाँ एक सांप, जिसे वे लोग मम्बा कहते हैं, यदि वो आपको काट ले, उसके काटने के पश्चात आप केवल 2 मिनट जीते हैं. And there's a yellow cobra. You live about 15 minutes after his bite. और वहाँ पीला कोबरा है, उसके काटने के पश्चात आप 15 मिनट जीते हैं. And one of them was close enough to my son is he could lay his hand on his head already up to strike before we got the shot like that. और उसमें से एक मेरे पुत्र के बहुत ही समीप था. वो अपना हाथ उसके सर पर रख सकता था. वो डसने के लिए उठ चुका था उससे पहले हमने उसे इस प्रकार मार गिराया. And a black cobra, oh, just everything. और वहाँ काला कोबरा, ओ वहाँ हर वो चीज है. And then the wild perils of the animals, of course, lion, tiger, or leopards, and everything else to contend with in the jungle. और तब वहाँ जंगली जानवरों का भय है. जी हाँ, बब्बर, शेर, बाघ, तेंदुए और हर चीज जंगल में उपस्थित है. And the diseases, there's just all kinds of diseases in there. और तब बीमारियाँ, वहाँ लगभग सभी प्रकार की बीमारियाँ. And you have all of that to face when you go. Besides that, then here's the witch doctor to challenge you on every hand, see? And all their superstitions and things. जब आप वहाँ जाते हैं, आपको सबका सामना करना पड़ता है. इसे छोड़, वहाँ जादू टोना करने वाले आपके हर कार्य में संघर्ष के लिए ललकारते हैं और उनके अंधविश्वास और बातें. But how, what a marvelous thing to see our Lord just wave it away from side to side like that and go on. परंतु हमारे प्रभु को देखना कितनी अच्छी बात है. एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसका इस प्रकार से सफाया कर दिया और आगे बढ़ गया. And that day I remember standing there how well what taken place. I'll tell you sometime in another meeting because I want to get on my subject this afternoon of demonology. और उस दिन वहाँ खड़े हुए मुझे स्मरण है कितनी भली प्रकार से जो घटित हुआ. किसी समय किसी और सभा में मैं बताऊंगा, क्योंकि इस दोपहर पश्चात मैं अपने विषय प्रेत शास्त्र पर आना चाह रहा हूँ. But now, in this, I was thinking about saying, what will the end be? परंतु अब और मैं वहाँ बैठा हुआ इस विषय पर सोच रहा था कि अंत क्या होगा. And we're coming back across the sea, I know we had around 100,000 conversions while we were in there. और समुद्र पार से वापस आते हुए मैं जानता हूँ कि जबकि हम वहाँ थे तो हमारे लगभग 1 लाख मत परिवर्तन लोग हैं. My old brother Bosworth came to me and said, I said, well, brother Bosworth, he said, I'm so proud of you, brother Branham, he said, you're just here, just the beginning of life. And he said, और पुराने भाई बॉसवर्थ मेरे पास आए, बोले. मैंने कहा, अच्छा भाई बॉसवर्थ. उन्होंने कहा, भाई ब्रणम, मुझे आप पर गर्व है. उन्होंने कहा, आप तो जीवन के आरंभ में हैं. और उन्होंने कहा, I said, well, I guess it's all over. I said, I'm past 40 years old. I guess I fought a good fight and finished the course. मैंने कहा, मेरा अनुमान है ये सब हो गया है. मैंने कहा, मैंने 40 पास कर दिए हैं. मैं समझता हूँ कि मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है और मार्ग को तय किया है. He said, past 40 years old. Said, I was that old before I got converted. Said, I'm still going good. He was pretty near going into his 80. Just... उन्होंने कहा, 40 वर्ष पार किए हैं. बोले, इससे पहले मेरा मत परिवर्तन होता, मैं इतने वर्ष का था. बोले, मैं अब भी ठीक हूँ. वो लगभग अपने 80वें दशक में प्रवेश कर रहे थे. I thought, well, maybe that's about right. मैंने सोचा, अच्छा तो ये लगभग ठीक है. So he said, no, you're just a brand new Branham now. You just know how to control your meetings better and everything. इसलिए उन्होंने कहा, नहीं, तुम तो अभी बिल्कुल नए ब्रणम हो. आप भली भांति जानते हैं कि अपनी सभाओं को किस प्रकार से नियंत्रित करना है और बाकी सब बातें. Said, just if you ever strike America in this right way, the right setup meeting where you can stay 6 or 8 weeks in a place,
and get it set up and advertised around, said you do something. But and for our Lord. कहा यदि आपने कभी अमेरिका पर सही प्रकार से प्रहार किया है तो सभा के सही सभा योजनाओं से जहां कि आप 6 या 8 सप्ताह तक एक स्थान में टिक सकते हैं और उसे सही व्यवस्थित और चारों ओर विज्ञापन करते हैं कहा आप केवल हमारे प्रभु के लिए कुछ कर सकते हैं so we went ahead just on like that. So it was very, very nice. इस प्रकार से हम आगे बढ़े इसलिए ये बहुत ही अच्छा था And it showed me that same meeting sitting there in front of Durban. तब कुछ समय पश्चात जब मैं अमेरिका में था तो मैंने दर्शन देखा और दर्शन मेरे पास आया और मुझे वापस अफ्रीका ले गया और इसने वही सभा दिखाई डर्बन के सामने बैठे हैं. And the first meeting faded away into history going towards the west. और पहली सभा इतिहास में उज्जवल हो गई पश्चिम में जा रही थी. The second meeting rose up and when it did it was still larger than the first meeting was. दूसरी सभा उभर कर आई और जब ये हुआ ये पहली वाली सभा से बड़ी थी. And I heard a scream, and an angel was coming out of heaven. And he had a great light. और वो मैंने एक चिल्लाहट सुनी और एक दूत स्वर्ग से निकलकर आ रहा था. उसके पास एक बड़ी ज्योति थी. And the angel of the Lord, which stands by us here, always stands by my right over on this side. और प्रभु का दूत जो हमारे पास यहाँ खड़ा होता है, वो खड़ा था. वो सदा मेरी दाहिनी ओर खड़ा होता है, यहाँ इस ओर. And he was standing there, and it was milling around, and I seen this man standing there. He's not. और वो वहाँ खड़ा था. और वो धुरी पर घूम रहा था और मैंने देखा ये व्यक्ति उसके नीचे खड़ा है उसका नहीं. Now that's not vision when you see him. It's just as real as you're looking at me. Well, you can hear him walk and talk to you and when he, anything, it's just as real. और जब आप उसे देखते हैं तो ये दर्शन नहीं होता है. वो तो वैसे ही वास्तविक है जैसे आप मुझे देख रहे हैं. क्यों आप उसे चलते हुए सुन सकते हैं और वो आपसे बात करता है और जब वो कुछ भी वो बिल्कुल वास्तविक है. It's not a vision. The man's just standing there, just same as you are. और ये दर्शन नहीं है. वो व्यक्ति वहाँ ऐसे ही खड़ा है जैसे कि आप खड़े हुए हैं. And his voice is just the same as mine would be or yours would be. और उसकी आवाज ऐसी ही है जैसे मेरी होगी या आपकी होगी. But a vision, something breaks before you and you see it like that. But this man just walks up and stands there. परंतु दर्शन कुछ जो आपके सामने प्रत्यक्ष होने लगता है और आप उसे इस प्रकार देखते हैं परंतु ये मनुष्य चलता है और वहाँ खड़ा होता है. So he told me that what was going to take place. इस प्रकार से उसने मुझे बताया कि क्या घटित होने जा रहा है. And he said that this angel came down and he told me to turn and look this way and it looked towards India now. और उसने कहा कि ये दूत नीचे आया और मुझसे कहा कि घूमकर इस ओर देखो और अब ये मुझे भारतवर्ष की ओर दिखा. I don't say it's in India, but it's near. मैं नहीं कहता कि ये भारतवर्ष में था परंतु ये उसके समीप है. But they were Indian people called the Africans are big, burly, heavy, fat-like people. Some of them nearly 7 foot tall and weigh 280 to 300 pounds, burly. परंतु वे भारतीय लोग थे क्योंकि अफ्रीकन लोग बड़े गठीले बड़े मोटे जैसे लोग हैं. उनमें से कुछ लगभग 7 फीट लंबे और भारी हैं. 283 pounds गठीले. Now the Shungai and Basuda and all these many different tribes. Zulus, Shundhi, or Basutos, or bahut si vibhinn adivasi. There's 15 different tribes sitting there that day I was speaking to. Us din wahan 15 vibhinn adivasi jatiyan wahan baithi thi. Main unse bol raha tha. I'd say one word like Jesus Christ, the Son of God, I'd go get a drink of water before it went through all interpreters. Jaise main ek shabd kahunga, Yesu Masih Parmeshwar ka putr, jab tak ve iska सब में अनुवाद होता मैं जाकर पानी पी सकता था. एक कहेगा और सब शोर. मैं सोचा करता था जब मैंने 35 लोगों की सभाओं में बोलते हुए सुना कि ये हो सकता है और एक प्रकार की आवाज में बोल रहा है और दूसरा दूसरे में बोल रहा है. संसार में ऐसा कैसे हो सकता है. परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि बाइबल सच्ची है और जानता हूँ कि ये है जब ये कहा गया कि एक भी आवाज बिना अर्थ के नहीं थी. उनमें से कुछ कहेंगे उनमें से एक कहेगा ब्ल 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 जिसका अर्थ है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र. दूसरा वाला कहेगा प्लक, 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 प्लक. ये उनकी भाषा में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है. So no matter what kind of sound it is, it's a meaning somewhere.
That's right. No matter what kind of a noise it is, it means something to someone somewhere. इसलिए इससे कोई मतलब नहीं कि किस प्रकार का शोर है, इसका कोई अर्थ है। ये ठीक बात है। इससे कोई मतलब नहीं कि किस प्रकार का शोर है, इसका कहीं किसी के लिए कोई अर्थ है। And when he was, they'd give that out. और जब वो था, वे उसे देते थे। And I noticed that over to my left, when that angel came down, and I seen a swarm like there, and there were a man with looked like they'd had a sheet around him like this, and it wrapped up and tied. Like around a small baby, the napkin. और मैंने अपनी बाईं ओर ध्यान दिया जब वो सरदूत नीचे आया और मैंने एक प्रकार की भीड़ भाड़ सी देखी। वे लोग थे, ऐसा लगता था कि उन्होंने एक चादर सी अपने चारों ओर लपेट रखी थी। इस प्रकार से लपेटे हुए थे जैसे छोटे बालक को लपेटते हैं, वो अंगोछा। और ये था, और जहाँ तक मैं देख सकता था वहाँ लोगों को छोड़ और कुछ नहीं था। And then this angel turned on a great oscillating light. And it began to sway back and forth like that, and I never seen so many people in my life. और तब ये सरदूत एक महान दोलन वाले उजियाले में परिवर्तित हो गया और आगे पीछे इस प्रकार से झूलने लगा और मैंने अपने जीवन में इतने लोग कभी नहीं देखे। And then this other angel came real close to me, and he said, "There's 300,000 of them in that meeting." और तब ये दूसरा सरदूत मेरे बहुत समीप आ गया और उसने कहा, "वे उस सभा में 30,00,000 लोग हैं." Now I've got it written down here. You write it in some kind of a piece of paper, like I told about the little boy being resurrected in Finland. और मैंने यहाँ नीचे लिख लिया है, और आप किसी कागज पर लिख लें, जैसा कि मैंने आपको छोटे लड़के के विषय में बताया था, जो कि फिनलैंड में जीवित किया गया था। You write that on a flyleaf of your Bible somewhere, and in this meeting there's going to be a meeting, and you'll hear it through some outlet of 300,000 people attend that meeting. आप अपनी बाइबल के बाहरी पन्ने पर लिख लें, या कहीं और। इस सभा में एक सभा होने जा रही है और आप किसी समाचार के द्वारा सुन लेंगे, 30,00,000 लोगों ne सभा में भाग लिया। That'll be three times the size of the other month, see? 300,000 people to attend the meeting. अब देखिए, यदि ये सही बात नहीं है तो ये उससे जो थी तीन गुना अधिक होगी, समझे? 30,00,000 लोगों को सभा में उपस्थित होना है। And I'm just so happy to get there. I don't know what to do, for I like to win souls to our Lord. और मैं होने के लिए बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं नहीं जानता कि क्या करूँ, क्योंकि अपने प्रभु के लिए प्राणों को जीतना मैं पसंद करता हूँ। And there at one time seeing 30,000 raw heathens come to Jesus Christ in one altar call. 30,000 raw heathens. और एक बार मैं देख रहा हूँ कि 30,000 केवल मूर्ति पूजक एक बार की ऑल्टर कॉल या बुलाहट में यीशु मसीह के पास आए, 30,000 पक्के मूर्ति पूजक। Now, let's go to our subject right quick. अब आइए हम जल्दी ही अपने विषय पर चलें। Yesterday we studied the technique of demons. बीते कल में हमने प्रेतों की तकनीक का अध्ययन किया। I've been thinking today as God dealing. आज मैं सोच रहा था जैसे कि परमेश्वर व्यवहार कर रहा है। You don't know what a liberty it is to get out. Now I'm not a teacher. I'm a long ways from being a Bible expositor. आप नहीं जानते कि बाहर निकलने की स्वतंत्रता क्या है। अब मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ। बाइबल का खुलासा करना मेरे लिए दूर की बात है। My education is limited to a seventh grade. और मेरी शिक्षा सातवीं कक्षा तक सीमित है। So that I come out of school about 25 years ago. So that's a long time off. इसलिए ये और ये कि मैं 25 वर्ष पहले विद्यालय से बाहर आ गया था, इसलिए बहुत समय बीत गया है। And I do not have very much of an education, but all that I know is what I receive through inspiration. और मेरे पास अधिक शिक्षा नहीं है, परंतु जो भी मैं जानता हूँ वो प्रेरणा के द्वारा मिला है। And if that inspiration doesn't compare with the Bible, then it's wrong. See, it's got to be the Bible. और यदि वो प्रेरणा बाइबल में से मेल नहीं खाती तो फिर वो गलत है, समझे? ये बाइबल में होनी ही चाहिए। Well, no matter what inspiration it is, it's got to come. Here is God's foundation. No other foundation is laid but this. इससे कोई मतलब नहीं कि वो प्रेरणा क्या है, इसे आना ही है। यहाँ परमेश्वर की नेव है, इसे छोड़ और कोई नेव नहीं डाली। And what this is, if what I would say would be contrary to this, you let my words be a lie, because this is the truth. See? और ये जो है, यदि मैं जो भी कहूँ और वो बाइबल के विरुद्ध है, तो मेरे वचन झूठे हैं, क्योंकि ये सत्य है, समझे?
And if an angel would tell you something, it would be different from this. Paul said, let him be unto you a curse. Even an angel of light. और यदि दूत आपको कुछ बताए कि इससे भिन्न हो, तो वो आपके लिए श्राप हो, यहाँ तक कि ज्योति में दूत भी। Now, there's many great things. I chose 2 days called to get this subject to the people. That was yesterday and today of the afternoon meetings. अब यहाँ बहुत सी महान बातें हैं। मैं केवल मैंने 2 दिन चुने हैं ताकि लोगों के लिए ये विषय लूँ, जो कि कल और आज दोपहर पश्चात की सभाएं थीं। Now, the reason I did this is to give myself a little try to see if God would help me. अब जिस कारण से मैंने किया, अपने से मैंने ये यत्न किया कि यदि परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। There's something on my heart, and this is that after this great message and after God Himself confirming what I have said to be the truth in His Word, by His Word first, and then through signs and wonders. मेरे हृदय पर कुछ है, और वो ये है कि इस महान संदेश के पश्चात और इसके पश्चात जो कि मैंने कहा है सत्य है, पहले इसकी परमेश्वर स्वयं अपने वचन में पुष्टि करे और तब चिन्हों और आश्चर्य कर्मों के द्वारा। Now I think with the gospel truth to the church, I'm under obligation to God to bring this to the church. That's right. अब मैं सोचता हूँ कि कलीसिया को सुसमाचार के सत्य के द्वारा मैं परमेश्वर के सन्मुख इस बात के लिए बाध्य हूँ कि इसे कलीसिया के पास लाऊं, ये ठीक बात है। They are so broke up in so many different organizations and sectarian parts of it, so that's wrong. वे विभिन्न संस्थाओं में इतने बटे हुए हैं और इसके सांप्रदायिक टुकड़े हैं कि ये सब का सब गलत हो गया। We're all God's children when we're born again, that's the thing. जब हम नया जन्म लेते हैं तो हम परमेश्वर के बालक हैं, देखिए ये है। And the truth of the thing is that God wants us to know that we're His children. और बात की सच्चाई ये है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम जाने कि हम उसके बालक हैं। Now remember, the temple of Solomon was cut out all over the world. अब स्मरण रखें कि सुलेमान का मंदिर समस्त संसार में विभाजित कर दिया गया था। Here comes one rock twisted this way and one rock twisted that way and one cut up this way and one cut that way. But when it come together, there wasn't a buzz of a saw or a sound of a hammer. Everything went right to its place. God was the instructor that. और यहाँ एक पत्थर आता है इस प्रकार से घूमा हुआ और दूसरा पत्थर इस प्रकार से घूमा हुआ और इस प्रकार से कटा हुआ और एक उस प्रकार से कटा हुआ, परंतु जब वे एक साथ एकत्र होते हैं तो वहाँ आरी का एक शब्द भी नहीं होता, ना ही हथौड़े की आवाज होती है, हर चीज अपने स्थान पर ठीक बैठती है। इसको निर्देशित करने वाला परमेश्वर था। God's got a church called His families and one the church of God and one to this and one to that. परमेश्वर की एक कलीसिया है जो कि असेंबली कहलाई, और परमेश्वर की एक कलीसिया है और एक ये और एक वो। Well, when they all come together, there'll be one big group of brotherly love and God will assemble that church together and take her on up into the skies. परंतु जब वे एक साथ एकत्र हुई तो वहाँ भाईचारे की प्रीति का एक बड़ा झुंड होगा और परमेश्वर उन कलीसियाओं को आपस में जोड़ेगा और उसे आकाश में ऊपर उठा लेगा। Every famous picture before it's ever hung in a hall of art, it has to be hung go through the hall of critics first. प्रत्येक प्रसिद्ध चित्र इससे पूर्व कि वो कला के भवन में टांगा जाए, उसे पहले आलोचना के भवन में टंगना होता है। The man who painted that gust or pardon me, I can't call his name. He painted the Last Supper, anyhow. It cost him his lifetime. He painted that picture. वो व्यक्ति जिसने गेस्टों ने या मुझे क्षमा करें, मैं उसका नाम नहीं ले सक रहा हूँ, जिसने अंतिम भोज का चित्र बनाया है, जो भी है, उसने अपना जीवन का सारा समय लगा दिया, उसने उस चित्र की चित्रकारी की है। It's about 20 years or 10 years, I believe, between painting Christ and Judas. मेरा विश्वास है ये लगभग 20 या 10 वर्ष के बीच यीशु से यहूदा के चित्र के बीच में रंगने में लगाए। And did you realize in that famous picture that the same man posed for Christ 10 years later posed for Judas? That's right, he did. और क्या आपने अनुभव किया कि उस प्रसिद्ध चित्र में उसी व्यक्ति ने मसीह का मुद्रा चित्रण किया, 10 वर्ष पश्चात यहूदा का मुद्रा चित्रण किया? ये ठीक बात है, उसने किया। 10 years of sin from a great opera singer to take the place of Christ come to the place of Judas. पाप के 10 वर्ष महान गायन नाट्यन से मसीह का स्थान लेना, फिर यहूदा के स्थान पर आना। You don't have to take 10 years, to take 10 minutes to do the same thing to you. It'll change your character in sin. आपको 10 वर्ष नहीं लेने हैं, आप इस कार्य को करेंगे तो आपको 10 मिनट लगेंगे, ये आपका चरित्र पाप में बदल देगा। But anyhow, that picture went through all the critics. परंतु जो भी है, वो चित्र सारी आलोचनाओं में से होकर निकला।
And that's what I think about the God's church, the group that's called. और यही मैं परमेश्वर की कलीसिया के विषय में सोचता हूँ, वो झुंड जो कहलाता है। Well, I don't mean this through any slam. I've sailed the seven seas and I'm on my third trip around the world, and the people say, holy roller, and I've searched the world and I've never found a holy roller yet. ठीक है, मेरा अर्थ किसी कटु निंदा में से होकर नहीं है। मैंने सात समुद्रों की यात्रा की है और अब मैं संसार का तीसरा चक्कर लगाने पर हूँ, और लोग कहते हैं पवित्र शोर, और मैंने संसार को खोजा और मैंने अभी तक कभी भी पवित्र शोर मचाने वालों को नहीं पाया। ये नाम तो शैतान ने लोगों को दिया है, बस यही है। There's no such a thing as a holy roller. पवित्र शोर करने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। Now I have statistics of every 668 different churches that there is organized in the world, is not one of them called holy rollers. और मेरे पास हर 668 विभिन्न कलीसियाओं के आंकड़े हैं, और संसार के सभाओं के उनमें से एक भी पवित्र शोर करने वाला नहीं कहलाया। That's from the government. There's not one holy roller church I know of. और ये सरकारी सूत्रों से भी है कि कोई भी पवित्र शोर कलीसिया नहीं है, मैं ये जानता हूँ। So, but just something the devil calls. इसलिए ये कुछ ऐसा था जो शैतान कहता है। But now, in all of this, all these things, God has painted a picture. परंतु अब इस सब में, इन सब बातों में परमेश्वर ने एक चित्र रंगा है। And one time, these little old churches used to be out here. Some of you, I watch these gray-headed men. और एक समय ये छोटी पुरानी कलीसियाएं बाहर हुआ करती थीं, आप में से कुछ, मैं उन सफेद बाल वालों व्यक्तियों को देख रहा हूँ। My boy yesterday, I was in the room studying, and a minister came by and said, "Like shake hands with your dad." बीते कल मेरा पुत्र, मैं कमरे में अध्ययन कर रहा था और एक सेवक आया और बोला, मैं तुम्हारे पापा से हाथ मिलाना चाहता हूँ। Of course, my boy's been raised up with Brother Baxter Nam, who just, oh, that's it, quickly. I don't like that. ये सही है कि मेरा पुत्र भाई बैक्स्टर के साथ पलकर बड़ा हुआ है, और उनके लिए जो केवल नहीं जल्दी में यही है, मैं ये पसंद नहीं करता। समझे? No matter if I, of course, I can't be servant of man and God too, but I think I like to shake hands with my brethren. I like to do that. इससे कोई मतलब नहीं यदि मैं, ठीक है, मैं मनुष्य का और परमेश्वर का दास भी नहीं हो सकता हूँ, परंतु मैं सोचता हूँ मुझे अपने भाइयों से मिलना अच्छा लगता है, मैं ये करना पसंद करता हूँ। There's something about it I like to shake the hands of a minister, not only a minister but any child of God. I like to do it. इसमें कुछ है, मैं सेवकों से मिलना पसंद करता हूँ, केवल सेवकों से ही नहीं परंतु परमेश्वर के किसी भी बालक से, मैं ये करना पसंद करता हूँ। I didn't know about it until my wife had told me a little later. इस विषय में मुझे कुछ भी नहीं मालूम हुआ जब तक कि मेरी पत्नी ने मुझे सब कुछ कुछ समय पश्चात नहीं बताया। Well, if he could have told that minister just a minute, he's back there in prayer, and I'll see what he can say. Well, that would have been better. So I give him a little correction on that, not to do that. See? अच्छा होता यदि वो उस सेवक को ये बता देता, थोड़ी देर में वो प्रार्थना से यहाँ आएंगे और मैं उससे मिलूंगा, जो भी वो कहेगा तो ये और भी अधिक अच्छा होता। इसलिए इस पर मैंने उसको थोड़ा सा सुधारा कि ये ना करे, समझे? And so, it's true, you can't just be right out, as the brother said a while ago. If you do, then at night time, I'm warned, you see. और इसलिए ये सत्य है, जैसा कि भाई ने अभी कुछ क्षण पहले कहा है, कि आप एकदम से सही नहीं हो सकते। यदि आप करते हैं, तो फिर रात्रि के समय मुझे चेतावनी मिली, आप समझे? The people go to talking, and everyone has maybe a sickness, and when they go to speaking about it, quickly, there's the angel of the Lord, right there to tell about it. लोग बातें करते हैं, और हो सकता है हर किसी को बीमारी हो, और जब वे इस विषय में बताने वाले होते हैं तो ठीक वहीं पर प्रभु का दूत होता है कि इस विषय में बताए। There's someone sitting looking right at me now knows that to be true from just a few minutes ago or about an hour and a half ago. वहाँ कोई बैठा है जो इस समय मेरी ओर देख रहा है, अब से कुछ मिनटों पहले वो जानता है कि ये सत्य है, या एक आध घंटा पहले। A lady sitting here who didn't know what it was that the angel Lord spoke to her the other night and told her something and she couldn't understand it. एक महिला यहाँ पर बैठी है जिसे नहीं मालूम कि ये क्या था कि परमेश्वर का दूत उसे उस रात्रि में बोला, उसे कुछ बताया और वो इसे नहीं समझ सकी। But today it happened, so she knows now what it means when he was speaking to her. परंतु आज ये हुआ, इस प्रकार से वो अब ये जान सकी कि ये इसका क्या अर्थ है जब वो उससे बातें कर रहा था।
And I was standing there talking to her. The angel of the Lord went right straight back out and told her what her trouble was and what was all about and what she was thinking about. और कैसे वहाँ खड़े हुए उस महिला से बातें कर रहा था. प्रभु का दूत सीधा पीछे बीते समय में गया और बताया कि उसकी क्या परेशानी थी और इस सब के विषय में क्या था और वो किस विषय पर सोच रही थी. और उसका एक प्रियजन और कैसे परमेश्वर बोला था और कहा कि उसने इसकी पुष्टि कर दी थी और क्या घटित होने जा रहा था. इसलिए ये ठीक उसी प्रकार से होगा. समझे, परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा है. अच्छा, अब उस विषय में क्या है जो कभी तब प्रत्येक दर्शन आपको इतना दुर्बल करता है. समझे, और पहली बात आप जानते हैं कि जब आप रात्रि में कलीसिया के बीच आते हैं आप इतनी बुरी तरह से थक जाते हैं कि आप समझ नहीं पाते कि क्या करें. And you pray for me now, see, because it's out of one meeting to another. अब आप मेरे लिए प्रार्थना करें क्योंकि एक सभा से दूसरी सभा फिर दूसरी से दूसरी. This is the only meeting it would be different. If I was going home now, I wasn't going to do that for a couple months. Go out and get my fishing line and go fishing. केवल एक यही सभा थी. ये भिन्न होगी. यदि अब मैं घर गया तो मैं एक दो महीने के लिए कुछ नहीं करूंगा. बाहर जाकर अपनी डोर लेकर मछली पकड़ूंगा. But I got to go from one meeting right to another, from one right to another. You see, that's what makes it. परंतु मुझे एक के बाद दूसरी सभा में जाना है, एक से सीधे दूसरी में. आपने देखा, इसी रीति से ही होता है. And you all pray, you people back here in the audience. They told me last night that I did not respond to the call. That's pretty dangerous. You see. आप जो सभा में हैं, आप प्रार्थना करेंगे. उन्होंने मुझे गत रात्रि बताया कि टेलीफोनों का उत्तर नहीं दिया. अब ये भयानक बात है, आप समझे. जब उन्होंने ये कहा, देखिए, कभी कभी ये बत्तियां नहीं चमकती तो वो वहाँ बीच के अंतरताल में अंधेरा होता है. और मैं देखता हूँ प्रभु का दूत जब यहाँ खड़ा रहता है, मैं इसे अनुभव कर सकता हूँ. तब मैं अनुभव करता हूँ कि वो मेरे पास से चला और मैं देखूंगा कि ये मुझे छोड़ेगा और कहीं जाएगा और वहाँ थोड़ा रुकेगा और मैं ये देख सकता हूँ और वो चमकेगा और वहाँ दर्शन आता है. तब मैं दर्शन देखूंगा. मैं ध्यानपूर्वक देखूंगा व्यक्ति किस प्रकार का दिखाई देता है. वो वहीं कहीं है. मैं व्यक्ति को खोजता हूँ तब मैं बोलता हूँ ये घटित होता है. यही है जो होता है. You don't have to tell everybody that, but that's what takes place, you see. It's all in the spiritual realm. आप ये सबको नहीं बताते हैं परंतु यही होता है. आप समझे, ये सब आत्मिक क्षेत्र में है. And if that person don't respond, it'd be like reading the Bible here and saying nothing to it, walk away from it, see. So that makes it pretty bad. तब यदि वो व्यक्ति उत्तर नहीं देता है तो ये वैसा ही होगा जैसे यहाँ बाइबल पढ़ रहा हो और कह रहा हो इससे कोई मतलब नहीं और यहाँ से चला जाए. समझे, इसलिए ये बुरा लगता है. So be on alert. Be listening. Be watching. When he speaks, answer. See, just be ready to answer at any time. इसलिए चौकस रहें, सुनते रहें, ध्यान रखें. जब वो उत्तर देता है, देखिए, उत्तर देने के लिए किसी भी समय तैयार रहें. And so my wife and brother Beeler and many of them this morning was telling me about it. That was calling a man about his brother somewhere that had something wrong with him and so forth. और इसलिए मेरी पत्नी और भाई बीलर और उनमें से बहुत से इस प्रातः मुझे इस विषय में बता रहे थे कि वो एक व्यक्ति को उसके भाई के विषय में पुकार रहा था. उसके साथ कहीं पर कोई गड़बड़ी थी और आदि आदि. And the man did not respond to the call, so that can't be helped. That's between God and the man. और उस व्यक्ति ने उस पुकार का उत्तर नहीं दिया, इसलिए उसकी सहायता नहीं की जा सकी. ये परमेश्वर और मनुष्य की बीच की बात है. The vision left me then. I couldn't find it no more because it didn't answer. So be watching, be on alert. तब दर्शन मुझसे अलग हो गया. तब ये फिर मुझे नहीं मिला क्योंकि उसने उत्तर नहीं दिया. इसलिए ध्यान रखें और चौकस रहें. Now, taking this subject of demonology and speaking about demons. अब प्रेत शास्त्र को लेते हुए और प्रेत के विषय में बोलते हुए. Now people, when you say demon, right quick they begin to think, oh, some fanaticism or something. अब लोगों, जब आप प्रेत कहते हैं,
तभी वे एकदम से सोचना आरंभ कर देते हैं, ओ कुछ हठधर्मिता या ऐसे ही कुछ। But demons is just as real as angels. They're just as real. परंतु प्रेत ऐसे ही वास्तविक हैं जैसे स्वर्गदूत, वे वैसे ही वास्तविक हैं। And the devil is just as real a devil as Jesus Christ is the Son of God. He's a devil. और शैतान शैतान के समान ही वास्तविक है जैसे यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो एक शैतान है। Heaven is just as real, and there is no such a thing as hell. There's no such a thing as heaven. स्वर्ग वैसे ही वास्तविक है, यदि नरक जैसी कोई चीज नहीं है तो स्वर्ग जैसी भी कोई चीज नहीं है। If there is no eternal blessed, eternal punishment rather, there's no eternal blessed. और यदि अनंत आशीष जैसी कोई चीज नहीं है, अनंत दंड बल्कि कोई अनंत आशीष नहीं है। If there's no day, there's no night. See? But as sure as there's day, there's night. यदि कोई दिन नहीं है तो कोई रात भी नहीं है, समझे? परंतु यदि दिन निश्चित रूप से है तो रात भी है। ऐसे ही निश्चित जैसे कि एक मसीह निश्चित है तो एक ढोंगी का भी होना है। ऐसे ही जैसे निश्चित रूप से कोई वास्तव में परमेश्वर से है तो कोई उसकी नकल करने वाला भी है, समझे? It's just exactly pro and con, black and white, right on down through life, on everything, true and false, everywhere. ये बिल्कुल ठीक पक्ष और विपक्ष, काला और सफेद, हर चीज में जीवन की गहराई में होते हुए हर जगह सत्य और झूठ है। And there's a false gospel, there's a true gospel. There's a true baptism, there's a false baptism. और एक झूठा सुसमाचार है और एक सच्चा सुसमाचार है, एक सच्चा बपतिस्मा है, एक झूठा बपतिस्मा है। There's a make believe and there's a real. There's a true American dollar, there's a false American dollar. There's a genuine Christian, there's a genuine hypocrite. See? It's just impersonating. एक बनावटी विश्वासी है, एक वास्तविक है, एक सच्चा अमेरिकन डॉलर है तो एक झूठा अमेरिकन डॉलर है, एक वास्तविक मसीह है, एक वास्तविक ढोंगी, देखा, वो केवल एक नकल मारता है। So you find that. So it all goes together. Now we can't separate it. God lets the rain fall. इसलिए आप पाते हैं कि ये एक साथ चलते हैं, अब हम इसे अलग नहीं कर सकते, परमेश्वर वर्षा होने देता है। May you let me speak here just a little bit. होने दे कि वो मुझे यहाँ थोड़ा सा बोलने दे। How many preachers is here? Raise up your hands. All around preachers. Let's see your hand. Well, God bless you, brethren. यहाँ पर कितने प्रचारक हैं? अपने हाथ खड़े करें। चारों ओर जितने प्रचारक हैं, हम जरा आपके हाथ देखें। अच्छा भाइयों, परमेश्वर आपको आशीष दे। Now, you don't take this for doctrine now, but just before we approach this vital subject, I tell you one. अब इसको धार्मिक मत के लिए ना लें। परंतु इससे पहले ये इस जीवन संबंधी विषय को लें, मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। How many Pentecostal people here? Raise up your hands all around everywhere. Well, you're all Pentecostals. All right? यहाँ कितने पेंतिकोस्तल लोग हैं? अपने हाथ खड़े करें। चारों ओर, सब ओर, ठीक है। आप सब पेंतिकोस्तल हैं, ठीक है। I'll tell you what I had when I first come into your rank. आपको बताने जा रहा हूँ कि मुझे क्या मिला जब मैं पहली बार आपके क्षेत्र में आया। I was right here in Indiana. At a certain place called Mishawaka. मैं ठीक यहाँ एक अमुक स्थान इंडियाना में था जो कि मिशावाका कहलाता है। The first group of Pentecostal people I ever seen is called the Pentecostal Assemblies of Jesus Christ, I believe, or something like that. Wonderful bunch of people. ये पहले पेंतिकोस्तल लोग थे जो मैंने कभी देखे। वे पेंतिकोस्तल असेंबली ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट कहलाते थे, मेरा विश्वास है, या ऐसे ही कुछ। बहुत अच्छे लोगों का झुंड। Now they organized together and called it United Pentecost. वे एक साथ संस्थागत हुए और उन्हें यूनाइटेड पेंतिकोस्तल कहा। They break up from the rest of them because of an issue of water baptism. वे बाकी लोगों से पानी के बपतिस्मे के मामले को लेकर अलग हो गए। That don't make them any hypocrites. There's many a genuine, real, genuine Holy Ghost born again Christian in the ranks. वे उन्हें कोई ढोंगी नहीं बनाते। वहाँ बहुत से वास्तविक, सच्चे पवित्र आत्मा पाए, नए जन्म पाए मसीह लोग उनमें हैं। And God gave them the Holy Ghost by being baptized in Jesus' name, and they give the others the baptism of the Holy Ghost, being baptized in Father, Son, Holy Ghost. So God gives them the Holy Ghost who obeys Him. So who obeyed Him? There you are. और परमेश्वर ने उन्हें यीशु के नाम में बपतिस्मा लेने से पवित्र आत्मा दिया, और दूसरों को पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दिया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बपतिस्मा लेने से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा देता है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए जो जिन्होंने पाया जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप यही हैं। If you're just forgetting them, it wants to be one way, let them be, and you go ahead and be brothers. That's all. Don't. यदि आप थोड़ा भूल जाएं और उन्हें जो उस प्रकार से चाहते हैं उन्हें करने दें और आप भाइयों की रीति पर आगे बढ़ते जाएं, बस यही है, ऐसा है ना? What done it was breaking away. See,
What is breaking, tearing up brotherhood, setting out and separating yourselves. No, sir. We're not separated. We're one. That's right. क्या किया है? उन्हें अलग अलग कर दिया, तोड़ दिया, समझे? क्या? टूट रहे थे, अलग अलग, भाईचारा तोड़ रहे थे, स्वयं को अलग अलग स्थापित कर रहे थे. नहीं श्रीमान, हम लोग अलग अलग नहीं हैं, हम एक हैं, ये ठीक बात है. But when I was standing there, I was watching those people. परंतु जब मैं वहाँ खड़ा हुआ था, मैं उन लोगों को ध्यानपूर्वक देख रहा था. Now, me just come out of a regular little old Southern Baptist church. Well, I'd see those people. I went in there and they were clapping their hands, hollering, one of them, glad I say I'm one of them. I thought, my. अब मैं पुराने छोटे दक्षिणी कलीसिया से निकल कर आया हूँ. मैं क्यों उन लोगों से मिलूं? मैं उन लोगों में गया और वे अपने हाथों से ताली बजा रहे थे, आनंद कर रहे थे. उनमें से एक हूँ मैं आनंद से कहता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ, गा रहे थे. मैंने सोचा, ओह वाह. First thing you know, here comes somebody down through there dancing as hard as they could dance. I thought, what church manners? I never heard such things as that. पहली बात, आप जानते हैं यहाँ कोई जितनी जोर से नाच सकता है, नाचता हुआ आता है. मैंने सोचा, इस कलीसिया का क्या ही आचरण है, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं सुनी थी. I kept watching around, wondering, well, what in the world's the matter with those people? मैं उन्हें चारों ओर से देखता रहा, आश्चर्य किया, भाई संसार में इन लोगों के साथ क्या मामला है. Now you've heard me tell my life story where I hit that meeting there, but this is one thing I've never told it before in public. अब आपने मेरी जीवन कथा में मुझे कहते हुए सुना होगा कि कहां से मैं उस सभा में था, परंतु ये एक बात मैंने कभी नहीं बताई, इससे पहले लोगों में ये बात नहीं बताई. So they, now if you want to rub it off your recorder, well, you can do so. All right. इसलिए वे, अब आप यदि इसे अपने लेखों में से मिटाना चाहें, क्यों, ये कर सकते हैं, ये तो ठीक है. Now, in this, I watched, and I thought, well, them people is the happiest people I ever seen in my life. They wasn't ashamed of their religion. अब इससे मैंने देखा और अब मैंने सोचा कि अच्छा, ये लोग सबसे ज्यादा खुशहाल लोग हैं जो अब तक मैंने अपने जीवन में कहीं देखे हैं. वे अपने धर्म से लजाते ना थे. We Baptists get this little bit of shame once in a while, you know. And when they go to pray, you know, get behind the fan, you know. हम बैप्टिस्ट थोड़ा बहुत लजाते हैं, आप जानते हैं, कभी कभी, समझे, आप जानते हैं, जब वे प्रार्थना करने जाते हैं, पंखे की आड़ में हो जाते हैं, आप जानते हैं. And but them people wasn't. Brother, they had religion all inside, outside, and all over them. और परंतु वे लोग ऐसे नहीं थे. भाई, उनमें अंदर बाहर चारों ओर धार्मिकता भरी हुई थी. Well, I remember that night when I got on the platform. That all preachers on the platform is a convention. जब मैं मंच पर था तो मुझे वो रात्रि स्मरण है. कहा था, सारे प्रचारक मंच पर, ये बेदारी सभा थी. They had to have it up here in the north on account of the colored problem, the Jim Crow law of the south. So they all met there from everywhere. रंग भेद के कारण उन्हें ये यहाँ उत्तर में करनी थी, जिम क्रो लो, जो दक्षिण के हैं, इसलिए वे सब हर स्थान से वहाँ पर मिले. So I was sitting up there and he said, and now there's, I heard all preachers through that day and that night. इसलिए मैं वहाँ पर बैठा हुआ था और वो बोला, ठीक है, अब वहाँ मैं सब प्रचारकों को उस दिन और रात्रि में सुना. He said some old preacher is an old colored man come out just a little bit of rim of hair around his head like that, big old long frock tail preacher coat on, you know, velvet collar in hot weather. उन्होंने कहा, कोई बूढ़ा प्रचारक, वो एक बूढ़ा अश्वेत व्यक्ति निकल कर आया, उसके सर के चारों ओर बालों की एक रेखा इस प्रकार की थी, एक बड़ा पुराना पीछे से कटा हुआ कोट प्रचारक ने पहन रखा था, आप जानते हैं, मखमली कॉलर वाला, मौसम गर्म था. Poor old fellow come out there like this. He said, my dear children, I won't tell you. Got to testify. और वो बेचारा बूढ़ा व्यक्ति वहाँ इस प्रकार निकल कर आया, उसने कहा, मेरे प्यारे बालको, उसने कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, गवाही पर था. I'd about the youngest one sitting on the platform. मंच पर मैं लगभग सबसे अधिक युवा था. So then he said, I tell you, he took his text from over in Job, where were you when I laid the foundations of the world, declaring to me where you're fastened. और तब उसने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, उसने अपना मूल पाठ अय्यूब में से लिया, जब मैंने पृथ्वी की नींव रखी, आप कहाँ थे, मुझे बता, वे कहाँ स्थिर थे. All these other preachers have been preaching about Christ along the regular run. I listened to them, enjoyed. बाकी सारे प्रचारक उस लीक पर मसीह के विषय में प्रचार कर रहे थे, मैंने उनको सुना, आनंद किया. But now that old boy, he went back under about 10,000 years before the world ever started. परंतु उस बूढ़े लड़के को नहीं, वो वापस पीछे 10,000 वर्ष चला गया, इससे पहले कि संसार कभी आरंभ हुआ.
He went up into the heavens and come plumb down across the sky. That's what was taking place. वो स्वर्गों में गया और नीचे आकाशों की छोर पर पहुंचा कि क्या घटित होने जा रहा था। What they was preaching on going on the daytime, he was preaching what was taking place in heaven. वे जिस पर प्रचार कर रहे थे वो दिन में चल रहा था, स्वर्ग में क्या चल रहा है वो इस पर प्रचार कर रहा था। He brought Christ back on the horizontal rainbow back there somewhere in eternity. वो मसीह को वापस मेघ धनुष के तल पर ले आया, वहाँ पीछे कहीं अनंतता में था। Well, he had been preached about 5 minutes. That old fellow something got a hold of him. He jumped up in the air and kicked his heels, got a hard. Whoopee! उसने भी 5 ही मिनट प्रचार किया होगा, तब तक वो बूढ़ा किसी चीज ने उसको जकड़ लिया, वो हवा में उछला और अपनी दोनों एड़ियों को आपस में टकराया और आनंद से चिल्लाया, वो भी। उसके पास इतना ही स्थान था जितना यहाँ मेरे पास है। उसने कहा, मेरे प्रचार करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त स्थान नहीं है, और एक और वो हटा। Well, I thought if that'll do that to a man about 80 years old, what would it do to me? That's what I want. That's what I want. अच्छा, मैंने सोचा यदि इस व्यक्ति को जो लगभग 80 वर्ष का है, ये करेगा, तो ये मेरा क्या करेगा? मैं भी यही चाहता हूँ। यही है जो मैं चाहता हूँ। But what got me was this. Now we're talking on demons now. परंतु जो मुझे मिला वो ये था। अब हम प्रेतों के विषय में बातचीत कर रहे हैं। What got me? I watched two men, one sat at one side and one the other. मुझ में क्या है? मैंने दो व्यक्तियों को देखा, एक एक ओर बैठा था और दूसरा दूसरी ओर। And when the spirit would fall, then man would raise up and speak in tongues and shout and turn white around the mouth. And I thought, oh my, if I could only have that. See, how wonderful. Oh, that's, I just love that. और जब आत्मा उतरेगा, वे व्यक्ति उठ खड़े होंगे और अन्य भाषा में बोलते और चिल्लाते हैं और मुंह के पास से सफेद हो गए। और मैंने सोचा, ओ यदि मुझे केवल यही मिल जाए, समझे तो कितना अच्छा हो। ओ ये तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मैं भुट्टे के खेत में चला गया और मैंने आपको अपनी जीवन कथा में बताया, आप उस पुस्तक में पढ़ते हैं। मैं सारी रात्रि सोया और अगली प्रातः वापस आया, इसलिए मैंने सोचा मैं जरा परखूंगा। I have a way of doing things that nobody knows but God and I. ये करने के लिए मेरे पास विधि थी जिसको मेरे और परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं जानता था। So that I take up a parable and go to meet a man's spirit. You see it right here on the platform. इसलिए मैंने एक दृष्टांत लिया और उस मनुष्य की आत्मा से मिलने चल दिया। आप इसे यहाँ मंच पर देखते हैं, समझे? And so then I got to talking to one of those men. I seen him. They sat close together, and they just hold hands and dance and shout. I thought, "Oh my, that sounds real to me." और इसलिए फिर मैं उनमें से एक व्यक्ति से बात करने लगा। मैं उन्हें देखता हूँ, वे एक साथ बैठे हैं और वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचते और चिल्लाते हैं। मैंने सोचा, ओह, ये तो मुझे वास्तविक लगता है। And I took hold of one of his hands. I said, "How do you do, sir?" He said, "How do you do?" और मैंने उसमें से एक का हाथ पकड़ा। मैंने कहा, "श्रीमान, आप कैसे हैं?" उसने कहा, "आप कैसे हैं?" Very nice man, gentleman type fellow. He said, I said, are you a minister? He said, no, sir, I'm just a lay member. बहुत अच्छा व्यक्ति, सज्जन प्रकार का व्यक्ति। उसने कहा, मैंने कहा, क्या आप सेवक हैं? उसने कहा, नहीं श्रीमान, मैं केवल एक साधारण सदस्य हूँ। And I got to carry a little conversation with him so I could catch his spirit. See, he didn't know that. Nobody knew it. I never said anything about it. Years afterwards before mentioning it. और मुझे उससे थोड़ी सी बातचीत करनी थी ताकि मैं उसकी आत्मा को पकड़ सकूं, समझे? उसे ये मालूम ना था कि कोई नहीं जानता था। मैंने इस विषय में कभी कुछ नहीं कहा था। वर्षों पश्चात इससे पहले मैं इसका उल्लेख करता। So then, but when I come to find out, it rang true just as perfect a Christian man. That man was absolutely a saint of God. इसलिए वे परंतु जब मैंने ये पाया तो ये बिल्कुल सत्य था, उतना ही सिद्ध जैसे एक मसीह व्यक्ति। वो व्यक्ति सही में परमेश्वर का संत था। I thought, brother, that's fine. मैंने सोचा, भाई ये तो बहुत ही अच्छा है। But the strange part, when I got a hold of the other man, it was contrary. परंतु ये अजीब बात थी, जब मैंने दूसरे व्यक्ति को पकड़ा तो ये विपरीत था। He was even living with a woman that wasn't his wife. That's right. यहाँ तक कि वो एक ऐसी स्त्री के साथ रह रहा था जो कि उसकी पत्नी नहीं थी। ये ठीक बात है। और एक दर्शन मिला जिसमें मैंने उसे देखा। मैंने सोचा, ओह प्रभु, ये ऐसा नहीं हो सकता। And the man, I thought, now this spirit among them people is wrong. That's all there is to it.
और वो व्यक्ति, मैंने सोचा अब ये आत्मा तो इन लोगों के बीच में गलत है, बस वो यही था। So that night when went to the meeting and the blessings was falling, I would pray to God and the Holy Spirit, the angel of the Lord, give witness that it was the Holy Ghost. इसलिए उस रात्रि जब सभा में गए और आशीषें बरस रही थी, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और पवित्र आत्मा, परमेश्वर के दूत ने ये गवाही दी कि वो पवित्र आत्मा ही था। And the same spirit was falling on this man, was falling on that man. वही आत्मा इस मनुष्य पर उतरा जो दूसरे मनुष्य पर उतरा था। And when the spirit would fall, both of them get up and they both shout and scream and praise the Lord and speak in tongues and dance. और जब आत्मा उतरता तो दोनों ही खड़े हो जाते और दोनों ही चीखते और चिल्लाते और प्रभु की स्तुति करते और अन्य भाषाओं में बातें करते और नाचते। I said, I just can't get it, Lord. I can't see it in the Bible where that could be right. मैंने कहा मैं नहीं समझ सकता प्रभु, मैं बाइबल में इसे नहीं सकता जहाँ पर ये ठीक हो। Now I said, maybe I'm deceived. अब मैंने कहा हो सकता है कि मैंने ही धोखा खाया। I said, now here I'm strictly fundamental in the Bible. It's got to be this. See? देखा, मैंने कहा अब यहाँ मैं नहीं कर सकता, मैं तो पूरी तरह से बाइबल में मौलिक हूँ, इसे तो इसमें होना ही चाहिए, समझे। Now I said, Lord, you know my condition, and I've got to see it in your word, and I can't understand. मैंने कहा प्रभु आप मेरी दशा को जानते हैं और मुझे आपके वचन में देखना है और मैं इसे नहीं समझ सकता। When the Holy Spirit's falling on this man, the Holy Spirit's falling on that man, and one of them is a saint and the other is a hypocrite. Now I know it is. जब पवित्र आत्मा इस मनुष्य पर उतर रहा है, अब पवित्र आत्मा उस मनुष्य पर उतर रहा है और उनमें से एक संत और दूसरा ढोंगी है और मैं जानता हूँ कि ये यही है। I know that. I could have tucked the man out and proved it to him. Or called him out right there and told him about it. मैं बगैर किसी उसके जानता हूँ, मैं उस मनुष्य को बाहर बुलाकर उसे ये सिद्ध कर सकता था या उसे सीधा बाहर बुलाकर और उसे इस विषय में बता सकता था। जैसे कि गत रात्रि वो मनुष्य वहाँ बैठा हुआ था और कुछ नहीं, केवल एक नकल मारने वाला था यदि वो वहाँ बैठा हुआ था। और मुझे उसे बाहर बुला लेना चाहिए था, परंतु वो खड़ा होकर झगड़ा आरंभ कर सकता था, इसलिए मैंने उसे सभा के कारण जाने दिया, परंतु मैं जानता था कि जी हाँ श्रीमान। दूसरी रात्रि में उन दो में से एक जो वहाँ पीछे बैठे थे, उस नगर की दूसरी कलीसिया में से था, मैंने उन्हें देखा, वे वास्तव में समालोचक थे। परंतु यदि आप आरंभ में ही परेशानी खड़ी कर दें, मैंने ये बहुत बार किया था, मैंने उन्हें छोड़ दिया, ये ठीक बात है, परमेश्वर जानता है, वो न्यायी है। वे मुझे जरा एक बार बुलाएं और तब आप देखेंगे कि कुछ घटित होता है, आप देखते हैं, उसे करने दें। Like the demon, I never called the demon out. He just comes to me and challenged me. Then's when God went to work. See, that's right. You've seen what's taking place. जैसा कि प्रेत आत्मा, मैंने कभी प्रेत आत्मा को बाहर नहीं निकाला। वो आया और मुझे ललकारा। तभी परमेश्वर कार्य करता। देखिए ये ठीक बात है। और आपने देखा है कि क्या घटित होता है। All right, but I just let it go. Made a meeting hard. Well, that spirit was moving right in on me all the time. See, and so I just kept on. ठीक है। परंतु मैं बस जाने देता हूँ, वो आत्मा सारे समय मेरे ऊपर नीचे घूमता है, मैं उसके लिए वो सभा परेशानी का कारण बना देता हूँ और इस प्रकार मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। But now, these men, I couldn't understand it, and it was 2 years later or three, when I was up at Green's Mill, Indiana, here the Scout Reservation, I was back in an old cave where I go to pray. परंतु इन व्यक्तियों को मैं नहीं समझ सका और ये दो या तीन वर्षों पश्चात जब मैं वहाँ ग्रीन मिल इंडियाना में था, यहाँ स्काउटों का स्थान था, मैं वहाँ पुरानी गुफा में था जहाँ मैं प्रार्थना करने जाया करता था। और वहाँ पीछे मैंने कहा प्रभु मैं नहीं समझ सका, वे तो वहाँ उन्हीं लोगों का झुंड बन गया है। मैंने अपने जीवन में इतने अच्छे लोग कभी नहीं देखे, मैं ये नहीं समझ सका कि वो आत्मा कैसे गलत हो सकता है। If then you know the integrity of my heart, you know how I love you and how I've served you. जबकि वो यदि तब आप मेरे हृदय की निष्कपटता को जानते हैं, आप जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ और कैसे मैंने आपकी सेवा की है।
And the same spirit that's here with me was on them people, and here it was on that guy there just the same. So I couldn't understand. और वही आत्मा यहाँ पर मेरे साथ है जो उन पर था और उधर उस पर था वही इसलिए मैं नहीं समझ सका. And the Lord come down in His mercy and showed me. Here's where it was. It has to be scriptural first. और प्रभु अपने अनुग्रह में नीचे उतर आया और मुझे दिखाया यहाँ जो था पहले इसे वचनानुसार होना चाहिए. He said, "Take up your Bible." And I picked up my Bible, and I guess I held that Bible for 10 minutes without anybody any more word coming. उसने कहा अपनी बाइबल उठाओ और मैंने अपनी बाइबल उठाई. मैं समझता हूँ बिना किसी के मैं वो बाइबल 10 मिनट तक उठाए रहा कि कोई शब्द आ रहा है. I waited just a few moments. I heard him say again, "Turn to Hebrews 6 and start reading." मैंने कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा की. मैंने उसे कहते सुना इब्रानियों 6 अध्याय निकालो और पढ़ना आरंभ करो. And I did. And it would come down there where it said the rain cometh off upon the earth to water it and prepare it, dress it for which is but the thorns and thistles which is nigh unto rejecting whose end is to be burned. And I caught it right there. और मैंने किया जब यहाँ वो आया जहाँ उसने कहा वर्षा भूमि को सींचने और उसे तैयार कर जो कि उसे चौरस परंतु कटीलियां और झाड़ियां जिनका बहिष्कार किया जाना निकट है जिसका अंत जलाया जाना है और इसे मैंने वहां पर समझा. I thought, there it is. Thanks be to God. There it is. See? मैंने सोचा परमेश्वर का धन्यवाद हो यही है वो समझे. Now Jesus said a sower went forth sowing seed, didn't he? अब यीशु ने कहा एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला क्या वो नहीं निकला. You're all Christians here. Everyone held up their hands anyhow. Pentecostal, born again Christians. All right. यहाँ आप सब मसीही हैं, जो भी हैं, सब एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं. Pentecostal, नया जन्म पाए हुए मसीह, ठीक है. And he said a sower went forth sowing seed. And while he slept, his death between seed. And while he slept, an enemy came and sowed tares in that field. और उसने कहा एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और जब वो सो गया उसका विश्राम मृत्यु इस बीच समझे और जब वो सो गया एक शत्रु आया और खेत में जंगली दाने बो गया. What is terriers? Weeds, briars, name. जंगली पौधे क्या हैं? घास पात कटीली झाड़ियाँ और ऐसी चीजें. Now, and when the husbandman, the preacher saw these terriers growing, so let me go pull them up. He said, no, you pull up the wheat also. Let them both grow together. और जब खेत के बोने वाले यानी प्रचारक ने इन जंगली पौधों को उगते देखा तो कहा मैं जाकर इन्हें उखाड़ देता हूँ. उसने कहा नहीं नहीं तुम गेहूं को भी उखाड़ लोगे दोनों को एक साथ बढ़ने दो. There's a wheat field out here. There's creepers, nettle balls, stank weed, everything else in it. Is that right? But now in there there's wheat. वहाँ खेत में गेहूं था वहाँ बेलें बिच्छू घास कटीली झाड़ी हर चीज वहाँ पर है क्या ये ठीक बात है. परंतु अब उसमें वहाँ गेहूं भी है. Now the rain comes off upon the earth to water it. अब भूमि को सींचने के लिए वर्षा होती है. Now what's the rain for? Not to water the nettle ball. अब ये वर्षा किस लिए है? बिच्छू घास को पानी देने के लिए नहीं है. Now watch and pay close attention. Not to water the creeper. अब देखें और ध्यान दें. ना ही कटीली बेल को पानी देने के लिए. The rain sent for the wheat. But the nettle ball and the weed is just as thirsty as the weed is. And the same rain that falls on the wheat falls on the weed. वर्षा गेहूं के लिए भेजी गई, परंतु बिच्छू घास और खरपतवार भी वैसी ही प्यासी थी जैसे गेहूं है और वही वर्षा जो गेहूं पर गिरती है खरपतवार पर भी गिरती है. And the little wheat will stand right straight up like that and happy and rejoicing just as much as the little wheat will stand up and stand itself up. और वो छोटी सी खरपतवार इसी प्रकार से सीधी खड़ी हो जाएगी और प्रसन्न और आनंदित उसी प्रकार से होगी जैसे छोटा गेहूं खड़ा होगा और स्वयं से उठेगा. But by their fruits, you shall know them. There you are. परंतु उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे. यहाँ आप हैं. Now the same Holy Spirit can bless the hypocrite. समझे अब वही पवित्र आत्मा एक ढोंगी को आशीषित करता है. That knocks some of you Armenians out, but that's the truth. That's the truth. वो उनमें से कुछ आर्मेनियन को गिरा सकता है परंतु ये सत्य है जिन्हें पवित्रता ही सिखाई गई है कि मैं विश्वास करता हूँ कि होलीनेस में भी है. But, the same spirit, the rain falls on the just and the unjust. But by their fruits you shall know them. परंतु वही पवित्र आत्मा वर्षा धर्मी और अधर्मी दोनों पर होती है.
परंतु उनके फलों से तुम उनको जान जाओगे। If I look out here and go to get wheat, I get wheat. But the weeds is all bound up and they live on the same rain that fell for the wheat. यदि मैं यहाँ पर देखूं और गेहूं लेने जाऊं, मुझे गेहूं मिलता है, परंतु घास फूस ने उसे चारों ओर से घेर रखा है और वे भी उसी वर्षा से जीवित हैं जिससे गेहूं जीवित है। And the rain was not sent for the weeds, it was sent for the wheat. और वर्षा घास फूस के लिए नहीं भेजी गई, वो तो गेहूं के लिए भेजी गई। But the rain being in the weeds being in the wheat field got just as much benefit out of the rain as the rest of it did, and the same rain that made the wheat live made the weed live. परंतु चूंकि वर्षा खेत में हो रही है, गेहूं है, खरपतवार यानी घास फूस गेहूं के खेत में है, वर्षा से वैसे ही लाभ उठाता है जैसे बाकी अन्य ने उठाया, और उसी वर्षा ने गेहूं को जीवन दिया, खरपतवार को जीवन दिया। All things in the natural types of spiritualists we're teaching. वे सारी बातें जो प्रकृति में है आत्मिक का प्रतीक है जैसे कि हम सीख रहे हैं। There it is, demonology, demons impersonating Christianity yet with the blessing. प्रेत शास्त्र प्रेत यही है, मसीहत की नकल फिर भी आशीषित है। That's not skim milk, brethren, if you can take it. See, it's truth. ये मलाई उतारा हुआ दूध नहीं है भाइयों, यदि आप ले सकते हैं, समझे। अब यही सत्य है। So I'm not saved today because I can shout. इसलिए मैं आज बचा हुआ नहीं हूँ क्योंकि मैं चिल्ला सकता हूँ। I'm saved not because I feel like I'm saved. I'm saved because I met God's conditions of this Bible. मैं बचा हुआ नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने आप को बचा हुआ अनुभव करता हूँ। इसलिए मैं बचा हुआ हूँ क्योंकि मैंने परमेश्वर की शर्त जो बाइबल में है पूरी की है। Jesus said, He that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life and shall not come into condemnation but pass from death to life. I believe that. That's right. यीशु ने कहा, वो जो मेरे वचन को सुनता और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है उसके पास अनंत जीवन है और वो दोषी नहीं ठहरा जाएगा परंतु मृत्यु से जीवन में चला गया। मैं ये विश्वास करता हूँ, ये ठीक बात है। So. और इन स्थितियों में मैं बचा हुआ हूँ क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। If he told me you're saved because somebody said a rushing mighty wind hit me in the face, that's wonderful. But I want to know where that rushing mighty wind come from or hit me in the face. यदि वो मुझे बताए आप बचे हुए हैं क्योंकि किसी ने कहा एक बड़ी जोरदार हवा मेरे मुंह पर लगी, ये बहुत अच्छा है, परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जोरदार हवा का झोंका कहाँ से आया इससे पहले कि वो मेरे मुंह से टकराता। देखा, Now, what kind of a life are you going to live if that rushing mighty wind hits you? See? अब उस जोरदार हवा के टकराने के पश्चात आप कैसा जीवन जी रहे हैं, समझे? See, it's by your fruits you're known. देखिए, आप अपने फलों से पहचाने जाते हैं। So demons can work right amongst Christians. इसलिए प्रेत ठीक मसीहों के बीच कार्य कर सकता है। You believe that? आप विश्वास करते हैं? Look at Paul. Paul said, "Now here's where the latter day rain. If there's any of you here, forgive me if I'm saying anything against you. I wouldn't say any more against you than would the assemblies or any of the Baptists or anybody else. It's truth is what's truth." पौलुस को देखिए, पौलुस ने कहा, अब यहाँ अंतिम दिन की वर्षा, यदि आप में से कोई यहाँ हो तो मुझे क्षमा करें यदि मैं आपके विरुद्ध कुछ कह रहा हूँ, मैं आपके विरुद्ध अधिक कुछ ना कहूँगा बजाय इसके कि झुंडों या किसी बैप्टिस्ट के विरुद्ध या किसी के विरुद्ध बोलूँ। ये वो सत्य है जो कि सत्य है। जहाँ से आप विचलित हो गए थे वो ये है कि आप उन लोगों में से भविष्यद्वक्ता बनाते हैं और वे बातें जो कि भविष्यद्वक्ताओं की नहीं है। Prophets are not laid on the hands and sent out. Prophets are born. भविष्यद्वक्ता वो नहीं है कि हाथों को रखा और भेज दिया। भविष्यद्वक्ता जन्म से ही होते हैं, समझे? In the Bible, there's a gift of prophecy. That's where your mistake was between the gift of prophecy and a prophet. बाइबल में भविष्यवाणी का वरदान है। यहीं पर आप त्रुटि पर थे, भविष्यवाणी के वरदान और भविष्यद्वक्ता में। The gift God in sundry times and divers manners spoke to the fathers through the prophets in this last days through His Son Christ Jesus. वरदान, परमेश्वर ने बीते समय में भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पितरों से बात की, इन अंत के दिनों में अपने पुत्र मसीह यीशु के द्वारा बातें की। The body of Christ has 9 spiritual gifts operating in it. और मसीह के देह में 9 आत्मिक वरदान कार्य करते हैं। And it might be on this woman tonight, prophecy may never be the rest of her life. और हो सकता है आज रात्रि इस महिला को भविष्यवाणी हो सकता है बाकी जीवन में फिर कभी ना हो। It may be on this woman the next time, maybe on this man the next time, maybe on that one back there the next time. अगली रात्रि इस महिला पर हो सकता है, अगली रात्रि इस व्यक्ति पर हो सकता है, अगली रात्रि
उस पर पिछले वाले पर हो. That doesn't make her a prophet. Doesn't make no one a prophet. It's the gift of prophecy in you. ये इस महिला को भविष्यद्वक्ता नहीं बनाता, किसी को भी नहीं भविष्यद्वक्ता बनाता. ये भविष्यवाणी का वरदान आप में है. And before that man or that prophecy can be given to the church, it has to be judged before two or three spiritual judges. Is that right? और इससे पहले वो मनुष्य या वो भविष्यवाणी कलीसिया को दी जा सकती है और इसे दो या तीन आत्मिक न्यायियों के सामने परखा जाए. ठीक बात है ना? Now Paul said you all may prophesy one by one. अब उसके अनुसार पौलुस ने कहा तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो. Something be revealed to this and that in the Holy Spirit. Well, that will make the whole bunch prophets then, according to the teaching of today. यदि किसी पर कोई बात प्रकट की गई है तो दूसरा शांति रखे. ठीक है, तो आज की शिक्षा के अनुसार ये सबको भविष्यद्वक्ता बना देगा. No, Pentecostal church, we've got things all scrupled up. And that's the reason God can't come in until we get the things straightened out and on the Bible. Right. कोई भी पेंतिकोस्तल कलीसिया नहीं, हमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है. यही कारण है कि परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं आ सकता जब तक हम सारी बातें बाइबल के अनुसार ठीक ना कर लें. ठीक है ना? You got to get the right path. How you go to build a house without looking at the blueprint? See? You got to start right. आपको सही मार्ग लेना है. आप बिना नक्शे को देखे कैसे भवन का निर्माण करेंगे? आपको सही आरंभ करना है. Now in there, a prophet, you never seen anybody stand before Isaiah, Moses. अब यहाँ पर एक भविष्यद्वक्ता, आपने कभी भी किसी को यशाया और मूसा का सामना करते हुए नहीं देखा? One did stand Korah one day and tried to dispute with him, and God said, "Separate yourself, go to open up your ethnic." एक खड़ा हुआ था, एक दिन कोरा ने उसके साथ विवाद करने का यत्न किया था और परमेश्वर ने कहा कि अपने आप को अलग कर, मैं भूमि को खोलने जा रहा हूँ. A prophet is born, gifts and callings out repentance. That's the foreordination of God from the baby up. एक भविष्यद्वक्ता जन्म से होता है. वरदान और बुलाहटे बिना प्राश्चित के हैं. ये तो परमेश्वर द्वारा पहले से ठहरा होता है उसके बालकपन से. Everything was perfectly right along, exactly what he said was the truth and vindicated and brought out. It's a word of God comes to the prophet. But a gift of prophecy is in the church. हर चीज उसके साथ सिद्ध चलती है. वो जो कहता है वो सत्य था और प्रमाणित था और सामने आया. ये परमेश्वर का वचन है जो भविष्यद्वक्ता के पास आता है, परंतु भविष्यवाणी का वरदान कलीसिया में है. Now you said, well, the prophets were the Old Testament. Oh no, the New Testament had prophets. Agabus was a New Testament prophet. आप कहते हैं अच्छा तो भविष्यद्वक्ता पुराने नियम में है. ओ नहीं, नए नियम में भी भविष्यद्वक्ता है. अगबुस नए नियम का भविष्यद्वक्ता है. Look at the spirit of prophecy falling down there and telling Paul about. देखिए भविष्यवाणी का आत्मा वहाँ आता है और पौलुस इस विषय में बताता है. From Jerusalem and found Paul and tied his girdle around him and turned over and said, "Thus saith the Lord, a man that wore this will be bound and chained when he gets to Jerusalem." यहाँ अगबुस यरूशलम से आता है और पौलुस को पाता है और उसका पटुका लेकर अपने चारों ओर बांधता है और मुड़कर बोला, यहोवा यूं कहता है, जो पुरुष इसे बांधता है जब वो यरूशलम जाएगा जंजीर से बांधा जाएगा. Agabus, who stood up and foretold what would take place, he was a prophet. Not a man with the gift of prophecy. अगबुस जो खड़ा हुआ और पहले से ही बता दिया कि क्या घटित होगा, वो भविष्यद्वक्ता था, न कि एक व्यक्ति भविष्यवाणी के वरदान के साथ. And the gift of healing and all those gifts, my Pentecostal friends, you got it mixed up. और चंगाई का वरदान और दूसरे सारे वरदान, पेंटिकॉस्टल भाइयों, आपने सब मिला दिए. The gifts are in the church, subject to any persons in the church, anybody that's baptized into the body. By one spirit we're all baptized into. And वरदान कलीसिया में है. कलीसिया में का कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो देह में बपतिस्मा पाए हुए है, एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने उसमें बपतिस्मा लिया. The Bible said, well, I got the gift of healing. Well, the Bible said, confess your fault one to another and pray one for the other. Every person pray one for the other. और बाइबल ने कहा, ठीक है, मेरे पास चंगाई का वरदान है. ठीक है, बाइबल ने कहा अपने अपने अपराधों को एक दूसरे के सामने मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो. We're not a divided group, we're a collective gathered group. See? हम बटे हुए झुंड नहीं हैं, हम संयुक्त रूप से जुड़े हुए झुंड हैं, समझे? Now, and there's how demons sometimes work in. अब और ऐसे ही कभी कभी प्रेत कार्य करते हैं. Now watch what Paul said. If one speaks with tongues and the other interprets, and whatever he said, let it be judged for us, for the church can receive it. अब देखिए पौलुस ने क्या कहा, यदि एक अन्य अन्य भाषा बोले और दूसरा अनुवाद करे और जो कुछ भी वो कहे उसे इससे पहले कलीसिया स्वीकार कर सके उसे परखे. Now, it won't be a quoting of scripture or something other like that. God don't repeat himself. But it'll be a warning to the church. अब ये पवित्र वचन का उल्लेख नहीं होगा या ऐसे ही कुछ,
परमेश्वर अपने को दोहराता नहीं, परंतु ये कलीसिया के लिए चेतावनी होगी। तब यदि अच्छे परखने वाले कहते हैं हम इसे स्वीकार करें, ठीक है, ये प्रभु की ओर से था। Second one says, let's receive it. दूसरा कहता है हम इसे ग्रहण करें। The mouth of two or three witnesses, let every word be established. दो या तीन की गवाहियों से हर एक बात ठहराई जाए। Then the church receive it and go make ready for it. तब कलीसिया इसे ग्रहण करती है और इसके लिए तैयार होती है। If that doesn't come to pass what that said, then you've got an evil spirit among you. That's right. यदि ये घटित नहीं होता जो कहा गया, तो फिर तुम्हारे मध्य में प्रेत आत्मा है, ये ठीक बात है। If it does come to pass, then thank God. The spirit of God's among you. See? और यदि ये घटित होता है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर का आत्मा आपके मध्य में है, समझे? Now that's where you have to watch and be careful. अब ये आपको ध्यान देना है और चौकस रहना है। So don't try to press. I couldn't make myself have brown eyes when I got blue. See? I have to be satisfied with blue eyes. इसलिए जबरदस्ती करने का यत्न न करें। मैं अपने से भूरी आंखें नहीं बना सकता जबकि मेरी आंखें नीली हैं। देखा, मुझे नीली आंखों के साथ संतुष्ट रहना है। Now that's where demons work in the realm of spiritual people. अब ऐसे ही आत्मिक क्षेत्र में प्रेत लोगों में कार्य करते हैं। Now, we got a deep something coming here, and I hope it's not too deep. अब हमें यहाँ कुछ गूढ़ बात मिल रही है और मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत गूढ़ नहीं है। Now, over in 1 Samuel 28, I want to read some scripture here right at this time. I want you to listen closely. अब यहाँ पहले सैमुएल 28 में मैं यहाँ अभी कुछ इस समय कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान से सुने। And I want to bring demons, show you how they work right in the church and how Satan has a counterfeit for every real there is. और मैं प्रेत आत्माओं को उजागर करके ये दर्शाना चाहता हूँ कि कैसे वे कलीसिया में कार्य करते हैं और कैसे शैतान धोखा देने के लिए बारीकी से हर वास्तविक बात की नकल करता है। Now you can see according to the Bible that demons come among Christians and they impersonate. बाइबल के अनुसार अब आप देख सकते हैं कि प्रेत आत्माएं मसीहों के मध्य में आती हैं और वे नकल करती हैं। And many times we have declared people to be Christians when they said, I believe in Jesus Christ. Why the devils believe the same thing? And tremble. That's no sign you're saved. और बहुत सी बार हमने लोगों को मसीही घोषित कर दिया जब उन्होंने कहा मैं यीशु में विश्वास करता हूँ। क्यों? प्रेत आत्माएं भी यही विश्वास करती हैं और थरथराती हैं। आप बच गए हैं, इसका ये कोई चिन्ह नहीं है। One of these nights I want to get on election and then you'll see what salvation means. See? इन्हीं रात्रियों में मैं चुनाव को लेना चाहता हूँ और तब आप देखेंगे उद्धार का क्या अर्थ होता है, समझे? There's nothing you had to do with it in the first place or the last place or nothing you can do about it. God saves the man unconditionally. आपको इसमें कुछ नहीं करना है, पहले या बाद में, यानी आप इस विषय में कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर मनुष्य को बिना किसी शर्त के बचाता है। Oh, that sunk deep, didn't it? लड़को, ये बात गहराई में चली गई, क्या नहीं गई? I might as well get that out of your system while we're at it. All right. अब जितनी सामर्थ है उस तंत्र से बाहर निकल आइए जबकि हम इस पर हैं, ठीक है? Abraham was the beginning of our faith, is that right? अब्राहम हमारे विश्वास का आरंभ है, क्या ये ठीक बात है? Oh, Abraham had the promise. Oh, अब्राहम के पास प्रतिज्ञा थी। And God called Abraham because he was a great man, I guess. No, sir. मेरा अनुमान है कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया क्योंकि वो एक महान पुरुष था, नहीं श्रीमान? He come down out of Babylon in the land of Chaldea in the city of Era, and God called him and made his covenant with him unconditionally. वो बाबुल से बाहर निकलकर कसदियों के देश में से ऊर नगर में आया। परमेश्वर ने उसे बुलाया और बिना शर्त उससे वाचा बांधी। I'm going to save you and not only you, Abraham, but your seed unconditionally. मैं तुझे बचाने जा रहा हूँ और अब्राहम केवल तुझे ही नहीं परंतु तेरे वंश को भी बिना किसी शर्त के। God made a covenant with man and man breaks his covenant every time. परमेश्वर ने मनुष्य से वाचा बांधी और मनुष्य ने हर बार उसकी वाचा को तोड़ा। Man never did keep his covenant with God. मनुष्य ने कभी भी परमेश्वर की वाचा का पालन नहीं किया। The law was never kept. They couldn't keep the law. व्यवस्था का कभी पालन नहीं किया, वे व्यवस्था का पालन नहीं कर सके। Christ was come and broke the law himself. Because grace had already provided a savior, Moses, provided a way of escape and then the escape rather and then the people after that they still wanted something to do. मसीह आया था और स्वयं व्यवस्था को तोड़ा,
क्योंकि अनुग्रह पहले से ही बचाने वाले की पूर्ति कर चुका था। मूसा ने बच निकलने के मार्ग की पूर्ति की और तब बचे हुए, बल्कि और तब उसके पश्चात वे अब भी कुछ करना चाहते थे। मनुष्य सदा अपने को बचाने का यत्न करता है, जबकि आप ये नहीं कर सकते, ये उसका स्वभाव है। अदन वाटिका में जैसे ही उसे मालूम हुआ कि वो नंगा है, उसने अंजीर के पत्ते के अंगरखे बनाए, क्या ये ठीक बात है? परंतु वो जान गया कि इससे काम नहीं चलेगा। Nothing a man can do can save yourself. God saves you unconditionally. All down through the age, and then when you're saved, you're saved. मनुष्य अपने को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। पिछले सारे कालों में देखें, परमेश्वर आपको बचाता है बिना शर्त के, और जब आप बच गए तो आप बच गए। Look at Abraham. There that fellow was went over, God gave him the land of Palestine and told him not to leave there. Any Jew that leaves Palestine was backslid. अब्राहम को देखिए, वो व्यक्ति वहाँ से निकला था और परमेश्वर ने उसे फिलिस्तीन देश दिया और कहा इसे मत छोड़ना। कोई भी यहूदी जो फिलिस्तीन देश छोड़ता है वो पिछड़ जाता है। God told him to stay there. परमेश्वर ने उससे कहा वहीं रुके रहो। If God tells you to do something and you don't do it, then you're backslid. Is that right? यदि परमेश्वर आपसे कुछ और करने को कहे और आप न करें तो आप पिछड़ गए, क्या ये ठीक बात है ना? All right, a drought come on to try Abraham's faith. ठीक है, एक अकाल पड़ा कि अब्राहम का विश्वास परखा जाए। And instead of Abraham staying there, no, he couldn't stay there. He ran off and took Sarah and went about 300 miles. Wish I had time to get on that. Down to another land. बजाय इसके कि अब्राहम वहाँ टिका रहे, वो वहाँ टिक ना सका, वो भाग गया और सारा को लेकर लगभग 300 मील दूर चला गया। मेरी क्षति यदि समय होता तो इसे देखते, दूर दूसरे देश में। And when he got down there, and then he got this great king down there, Amalek. और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे ये महान राजा अबीमेलेक मिला। He was a young fellow and he was looking for a sweetheart. So he found Abraham's wife Sarah and fell in love with her. वो एक नवयुवक था और वो अपने लिए एक प्रिया को खोज रहा था। इस प्रकार से उसने अब्राहम की पत्नी सारा को पाया और उससे प्रेम करने लगा। And Abraham said, "Now you tell him that you are my sister and I'm your brother." और अब्राहम ने कहा, अब तुम ये बताना, तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। So that pleased Amalek. So he said, "All right, we'll just take her over to the castle and I guess the women fixed her up and just go to marry her the next day." इसलिए ये बात अबीमेलेक को अच्छी लगी, इसलिए उसने कहा, ठीक है, हम उसे किले में ले चलते हैं। और मेरा अनुमान है कि सहेलियों ने उसे तैयार कर दिया था और वह उससे अगले दिन विवाह करने जा रहा था। Amalek was a good man, a righteous man. और अबीमेलेक एक भला व्यक्ति था, एक धर्मी था। And that night while he was sleeping, the Lord appeared to him and said, "You're as good as a dead man." और उस रात्रि जब वो सो रहा था, प्रभु उस पर प्रकट हुआ और कहा, तू एक मरे हुए के समान है। He said, the woman that you got out there to marry is another man's wife. I what? Another man's wife. उसने कहा, वो महिला जो तूने विवाह के लिए ली है, वो दूसरे व्यक्ति की पत्नी है। अब ध्यान दें, दूसरे व्यक्ति की पत्नी। Why he said, "Lord, you know the integrity of my heart. A righteous, holy man. You know the integrity of my heart. That man told me that was his sister. And didn't she tell me herself that that was my brother?" क्यों? उसने कहा, प्रभु, आप मेरे हृदय की निष्कपटता को जानते हैं। एक धर्मी पवित्र मनुष्य, आप मेरे हृदय की निष्कपटता को जानते हैं। उस मनुष्य ने मुझे बताया है कि वो उसकी बहन है, और क्या उस स्त्री ने मुझे नहीं बताया कि वो उसका भाई था? He said, God said, "I know the integrity of your heart, and that's the reason I kept you from sinning against me. But that's my prophet." Hallelujah. उसने, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे हृदय की निष्कपटता को जानता हूँ, और यही कारण है कि मैंने तुझे अपने विरुद्ध पाप करने से रोके रखा, परंतु वो मेरा भविष्य दखता है। हालेलुया। What was he? Backslid and a little lying shyster. Is that right? वो क्या था? परमेश्वर से पिछड़ा हुआ और एक छोटा सा धोखेबाज, ये ठीक है ना? नहीं, ऐसा छोटा सा सफेद झूठ नहीं होता, या तो वो काला झूठ है या फिर झूठ ही नहीं है। The man sitting out there telling a pine blank lie, saying that was his sister when it was his wife, beating around the bush and backslid. वो व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ सीधा सीधा झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि वो उसकी बहन है, जबकि वो उसकी पत्नी है,
इधर उधर की बातें बना रहा है और परमेश्वर से पिछड़ा हुआ है. And here was a righteous man standing before God and said, Lord, you know my heart. और इधर एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख खड़ा है और बोला, प्रभु आप मेरे हृदय को जानते हैं. But I'll not hear your prayer, Amalek, but take her back and let him pray for you. He's my prophet. I'll hear him. परंतु अभिमेलेक, मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, परंतु उसे ले और उसे वापस कर दे और वो तेरे लिए प्रार्थना करे. वो मेरा भविष्य रखता है, मैं उसकी सुनूंगा. A backslider, a liar, but that's my prophet. जी हाँ, परमेश्वर से पिछड़ा हुआ, झूठा, परंतु वो मेरा भविष्य रखता है. That's truth. That's the Bible. ये सत्य है, ये बाइबल का है. I don't go plumb too far over here on a Calvinistic side, once in grace, always in grace, because you're getting disgraced. See? Calvinवाद की ओर अधिक दूर ना जाएं कि एक बार का अनुग्रह सदा का अनुग्रह हो गया, क्योंकि आप लज्जाजनक हो जाएंगे, समझे? Just a moment. We'll get time this week to bring that up and show you how level it is. अब जरा एक क्षण, इस सप्ताह हम समय निकालेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस सीमा तक यह है. But don't think it's because you've done something wrong, you're gone forever. परंतु ये ना सोचें क्योंकि आपने कुछ गलत कर दिया है तो आप सदा के लिए चले गए. You're a child of God, you're born to the Spirit of God, you're sons and daughters of God. And the fruits will bear record of itself. There you are. आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के आत्मा से जन्मे हैं, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, और फल स्वयं में ही गवाही रखता है, आप यही हैं. Now here we are, sitting in the land. Now, I want to read here the sixth verse. अब हम यहाँ हैं, इस राष्ट्र में बैठे हैं. अब मैं यहाँ छठवां पद पढ़ना चाहता हूँ. And when Saul inquired of the Lord answered him not, neither by dream or by the Urim, nor by prophet. और जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा. And then said Saul unto his servant, seek me a woman with a familiar spirit, that I may go to her and inquire of her. तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्ध करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं. मैं यहाँ कुछ मापदंड के लिए रख सकता हूँ. Seek me a woman with a familiar spirit. मेरे लिए भूत सिद्ध करने वाली स्त्री को ढूंढो. And his servant said unto him, Behold, there is a woman that has a familiar spirit in Endor. और उसके कर्मचारी ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली स्त्री रहती है. And Saul disguised himself and put on raiment, other raiment. And he went to, and two men with him, and they came to the woman by night. तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर दो मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया. And they said, I pray thee, bind him to me by thy familiar spirit, and bring me up whom I shall name unto thee. और उन्होंने कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा, और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे. And the woman said unto him, Behold, thou knowest that Saul has cut off all those that have familiar spirits and wizards out of the land. Therefore layest thou a snare for my life and cause me to die? स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से नाश किया है, फिर तू मेरे प्राणों के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले? And Saul answered, swear to her by the Lord, saying, As the Lord liveth, there shall be no punishment happen unto thee. और शाऊल ने उत्तर दिया, यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड ना मिलेगा. Then said the woman, Whom shall I bring up thee? And he said, Bring me up Samuel. स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको ऊपर बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए ऊपर बुला. And when the woman saw Samuel, she cried with a loud voice. And the woman spake to Saul, saying, Why hast thou deceived me, for thou art Saul? जब स्त्री ने शमूएल को देखा, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है. And the king said unto her, Be not afraid, for what sawest thou? And the woman said unto Saul, I saw gods ascending out of the earth. राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है.
And he said unto her, what form was he of? उसने उससे पूछा उसका कैसा रूप है? And she said, an old man cometh up, and he is covered with a mantle. उसने कहा एक बूढ़ा पुरुष बागा उड़े हुए चढ़ा आता है. And Sam as a prophet's mantle, of course. It is. और जी हाँ वो भविष्यद्वक्ता का वस्त्र है समझे. Perceived that it was Samuel, and he stood with his face to the ground and bowed himself. तब शाऊ ने निश्चय जानकर कि वो सैमुएल है औंधे मुंह भूमि पर गिरकर दंडवत किया. And Samuel said unto Saul, why hast thou disquieted me and bring me up? सैमुएल ने शाऊ से पूछा तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? And Saul answered and said, I am sore distressed because of the Philistines make war against me, and God has departed from me and answers me not, neither by prophet, neither by dream. शाऊ ने कहा मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ क्योंकि फिलिस्तीन मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया और अब मुझे ना तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और सपनों के. Therefore I called unto thee that thou would make known unto me what I should do. इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि मुझे जता दे कि मैं क्या करूं. And then said Samuel, wherefore dost thou ask me, seeing that the Lord has departed from thee, and is become thine enemy? शमूएल ने कहा जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया तब तू मुझसे क्यों पूछता है? And the Lord has done unto him as he spake to me, for the Lord has rent his kingdom out of the hand and has given it unto even David. यहोवा ने तो जैसे मुझसे कहलवाया था वैसे ही उसने व्यवहार किया है. उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर दाऊद को दे दिया है. Now, many of you are familiar with this. Now we want to go right in and God help us now. अब आप में से बहुत से इस बात से परिचित हैं. अब हम सीधे इसमें जाना चाहते हैं. अब कुछ क्षणों के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इसके अंदर इसे अंदर से देखें. Now watch. There was a man, Saul, who was once considered a prophet, for he prophesied with the prophet. अब ध्यान दें कि वहाँ एक व्यक्ति शाऊल था जो कि कभी एक बार भविष्यद्वक्ता माना गया क्योंकि उसने भविष्यद्वक्ताओं के संग भविष्यवाणी की. Is that right, teachers? शिक्षकों क्या ये ठीक बात है? Now here the man was backslidden. Is that right? अब यहाँ परमेश्वर से पिछड़ा हुआ एक व्यक्ति है क्या ये ठीक है? But remember where Samuel said he would be with him at the next day. Prematurely gone, see? All right. परंतु स्मरण रखिए जहाँ शमूएल ने कहा कि वो उसके साथ होगा उसके अगले दिन अपरिपक्व अवस्था में चला गया. देखा ठीक है. You won't mind God, God will take you off the earth. यदि आप बुरा ना माने परमेश्वर आपको पृथ्वी पर से हटा देगा. Look in the Corinthian letter there, how Paul set those people in order. कुरिन्थियों की पत्री में देखिए कि कैसे पौलुस ने उन लोगों को क्रमवार बैठाया. He said, first I thank God for you that there's no such things among you and so forth and how that you come short of no spiritual gift, telling them what they was positionally in Christ. उसने कहा पहले मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि तुम्हारे मध्य में ऐसी कोई बात नहीं है और कैसे तुम आत्मिक वरदानों की घटी में आ गए हो. उन्हें बता रहा है कि वे मसीह में कहाँ स्थित थे. Then he began to let the hammer down on them. Tell them about their women preachers and how they were doing and how they were eating at the Lord's table. तब वो उन्हें ताड़ना देना आरंभ करता है और उन्हें उनकी स्त्री प्रचारकों के विषय में बताता है और वे कैसे चल रहे हैं और वे कैसे परमेश्वर की मेज पर से खा रहे हैं. And even one man living with his stepmother, and he said to this man in Christ, turn him over to the devil for the destructions of the flesh that the soul might be saved. That's it. Turn him over. और यहाँ तक कि एक मनुष्य अपनी सौतेली माँ के साथ रह रहा है और उसने मसीह में इस मनुष्य से कहा उसे शैतान को दे दो कि उसका शरीर नष्ट किया जाए ताकि उसका प्राण बच सके. देखिए यही है उसे दे दो. Bible said for this cause many are sick and weakly among you and men are asleep gone on prematurely because of sin God taking you out of the way. It's a good sign you was a Christian if he has taken. बाइबल ने कहा इसी कारण से तुम्हारे बीच में बहुत से बीमार और दुर्बल हैं और बहुत से सो भी गए पाप के कारण अपरिपक्व अवस्था में चले गए. परमेश्वर आपको बीच में से हटा लेता है तो मसीह होने का ये एक अच्छा चिन्ह है यदि आप हटा दिए गए हैं. So, now notice, in years Saul was considered one of the prophets or among the prophets because he prophesied. अब यहाँ ध्यान दें शाऊल को भविष्यद्वक्ता माना गया था
उसकी भविष्यवाणी के कारण जो भविष्यद्वक्ताओं के बीच की थी। And now he had backslid because he disobeyed God, and his kingdom was ran out of his hands and placed into the hands of David, who God had anointed by Samuel with the cruse of oil. और अब वो परमेश्वर से पिछड़ गया था, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसका राज्य उसके हाथों से छीनकर दाऊद के हाथों में दे दिया, जिसे परमेश्वर ने सैमुएल के द्वारा अभिषेक के तेल के द्वारा अभिषिक्त किया था। Notice, then there were three ways that they had of finding out things from God. अब ध्यान दें, तब परमेश्वर से पूछने की तीन विधियां थीं। The first was the prophet. The second was a dream, and the third was the Urim and Thummim. And they neither would answer. पहली भविष्यद्वक्ता, दूसरी स्वप्न और तीसरी थुमीम के उरीम के द्वारा उनमें से किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। Now you know what a prophet is. You know what a spiritual dream is. And you know what the Urim and Thummim was. अब आप जानते हैं कि भविष्यद्वक्ता क्या होता है, आप जानते हैं कि आत्मिक स्वप्न क्या है, और आप जानते हैं कि थुमीम का उरीम क्या था। You know, the other day I asked a man what about the Urim and that man couldn't tell me what it was. आप जानते हैं, एक दिन मैंने एक मनुष्य से उरीम के विषय में पूछा और वो मनुष्य मुझे नहीं बता सका कि क्या था थुमीम का उरीम। ठीक है, परमेश्वर इनके द्वारा उत्तर देता था, समझे, और शैतान हर चीज की नकल बनाता है। वे ओझे, झूठे भविष्यद्वक्ता और चमकने वाला जादू का गोला, पत्थर का। See now the Urim and Thummim hung on Aaron's breast here, and the Urim and Thummim covered over that stones, and they hung it in the temple. अब ये थुमीम का उरीम हारून की छातियों पर लटका रहता था। यहाँ थुमीम का उरीम पत्थरों से ढका रहता था और वे मंदिर में टंगे रहते थे। And when they wasn't sure, they go before God and answer, and a light would flash on that Urim and Thummim, which whether it was God's will or not. और जब वे निश्चित नहीं होते थे, तो वे परमेश्वर के सम्मुख जाते कि उत्तर मिले। और थुमीम के उरीम से प्रकाश निकलता जो ये दर्शाता कि ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं। Now, when the Urim and Thummim would answer, now that was the direct answer from God. अब जब थुमीम का उरीम उत्तर नहीं देता, अब ये परमेश्वर की ओर से सीधा सीधा उत्तर था। Now, the Urim and Thummim of today, the fortune teller took a crystal ball to pattern that, a false thing. अब थुमीम का उरीम आज का भावी बताने वाले स्फाटिक दर्शन की गेंद लेते हैं, उसी विधि पर एक गलत चीज। God's in a trinity, God's powers is in a trinity, and the devil's in a trinity, and his powers is in trinity. I can prove it by the Bible. परमेश्वर त्रिएकता में है, परमेश्वर की सामर्थ त्रिएकता में, और शैतान त्रिएकता में, और उसकी सामर्थ त्रिएकता में, और ये बाइबल से सिद्ध कर सकता हूँ। And that Urim and Thummim was only the crystal ball that the devil uses today. और वो थुमीम का उरीम केवल स्फाटिक दर्शन की गेंद थी जो कि आज शैतान प्रयोग करता है। And the false prophet back here today, the one that we have now, was the witcher, the fortune teller out yonder, took the place of the prophet on the devil's side. और आज के झूठे भविष्यद्वक्ता यहाँ एक जो हमारे यहाँ अब है, या भूतनी या भावी बताने वालों ने भविष्यद्वक्ताओं का स्थान ले लिया है शैतान की ओर। See what I mean? देखा मेरा क्या अर्थ है? Now, then the Urim and Thummim today is this Bible. अब आज थुमीम का उरीम बाइबल है। If somebody has a give a prophecy or a dream and it don't compare or echo with God's Bible, it's false. Don't believe it. यदि कोई भविष्यवाणी या स्वप्न बताता है और वो परमेश्वर की बाइबल के अनुसार या उससे प्रतिध्वनित नहीं है, तो गलत है, उसका विश्वास न करें। A man came to me not long ago from India, where he's fixing to go, a fine little preacher. भारत से अधिक समय नहीं हुआ, एक मनुष्य मेरे पास आया जहां अब मैं जाने पर हूं, एक अच्छा छोटा प्रचारक। He said, Brother Branham, I come over here, said a woman had the Holy Ghost and said she was just a sweetest, nicest woman. उसने कहा, भाई ब्रनम, बोला मैं यहां आया हूं, एक स्त्री के पास पवित्र आत्मा था और कहा वो बहुत ही सुंदर सज्जन महिला है। He said, and she had been married four times and was living with her fourth husband. And I said, well, how could that be, Lord? उसने कहा, और उसने चार बार विवाह किया है और अपने चौथे पति के साथ रह रही है, और मैंने कहा, भाई वो प्रभु कैसे हो सकता है? Said, I went to him and said, oh, glory to God, said, hallelujah, praise the Lord, just one of that type, you know. Said, hallelujah, praise the Lord. Said, the Lord told me, here, I'm going to give you a dream.
और कहा, मैं उसके पास गया और कहा, ओ परमेश्वर की महिमा हो, कहा हैलेलुया परमेश्वर की महिमा हो। देखिए, वैसे ही उसी प्रकार से बोला, हैलेलुया प्रभु की महिमा हो। बोला, प्रभु ने मुझे बताया है, अब मैं तुझे स्वप्न दिखाने जा रहा हूँ। और बोला, मैंने स्वप्न देखा, मेरी पत्नी मैंने उसे व्यभिचार में जीते हुए देखा। And she come back to me and said, oh, will you forgive me, Victor? Will you forgive me? I said, sure, I'll forgive you and take you back. और वो मेरे पास वापस आई और बोली, विक्टर, क्या तुम मुझे क्षमा करोगे? क्या तुम मुझे क्षमा करोगे? मैंने नहीं किया। क्यों? मैंने कहा, अवश्य मैं तुम्हें क्षमा करूंगा और मैं तुम्हें फिर रख लूंगा। He said, now that's what I did. Said, see, I forgive. उसने कहा, अब मैंने यही किया। बोला, देखा, मैंने क्षमा कर दिया। I said, Victor, your dream was mighty lovely, but the devil gave it to you. मैंने कहा, विक्टर, तुम्हारा स्वप्न बहुत ही प्यारा है, परंतु ये शैतान ने तुम्हें दिखाया है। He said, why? उसने कहा, क्यों? I said, don't compare with God's word. She's living in adultery. Absolutely. She can't live with four men. Right. मैंने कहा, ये परमेश्वर के वचन के साथ मेल नहीं खाता। वो तो पूर्णतः व्यभिचार में रह रही है। वो चार पुरुषों के साथ नहीं रह सकती। ठीक है? She leaves that and goes back to her first. She's worse off than she was at the beginning. She has to live single the rest of her life. वो ऐसे रहती है और फिर वापस अपने पहले पति के पास वापस चली जाती है। तो वो पहले से भी बुरी हो जाती है। उसे अपने सारे बाकी जीवन में अकेले ही रहना है। I said, you know, that don't compare with God's word. So her dream was false. And I said, it won't compare with this. मैंने कहा, आप देखिए कि ये परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाता, इसलिए आपका स्वप्न गलत था। मैंने कहा, ये इसके साथ मेल नहीं खाता। और जब भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है और वे बोले और देखना चाहते थे कि यदि वो ठीक थी, वे थुमीम के उरीम के सामने रखते थे, और यदि परमेश्वर का शब्द थुमीम का उरीम से ज्योति चमकाता है, तो ये पूर्णतः सत्य है। And if a man gives an interpretation, gives a dream, gives something of the Bible and, or something other, and it don't compare with God's Bible, it's false. और यदि एक मनुष्य अनुवाद करता, स्वप्न बताता, बाइबल की कोई भी बात बताता है और या कुछ और वो परमेश्वर की बाइबल से मेल नहीं खाता, तो वो गलत है। There's the Urim Thummim today. God's word speaks and that's direct the voice of God, like the Urim Thummim was before the Bible was written. आज भी थुमीम का उरीम है, परमेश्वर का वचन बोलता है और वो परमेश्वर की सीधी सीधी आवाज है, जैसे कि थुमीम का उरीम बाइबल के लिखे जाने से पहले थे। Amen. Hallelujah. I feel kind of religious right now. Don't take me as a fanatic if you do. I know where I'm at. I'm not excited. That's right. Amen. Hallelujah. मुझे इस समय धार्मिकता किसी अनुभूति हो रही है। मुझे कट्टरपंथी ना समझें। यदि आप समझ रहे हैं, मैं जानता हूं कि मैं कहां हूं। मैं उत्तेजित नहीं हूं। ये ठीक बात है। Here is the truth, God's word. यहाँ परमेश्वर के वचन का सत्य है। I don't care what kind of dream you had or what kind of prophecy you given. If it isn't God's word, it's wrong. So don't compare with that word. मैं चिंता नहीं करता कि आपने किस प्रकार का स्वप्न देखा या किस प्रकार की भविष्यवाणी आपने की है। यदि ये परमेश्वर के वचन से नहीं है, तो ये गलत है। यदि ये परमेश्वर के वचन के साथ मेल नहीं खाता। That's what's the trouble today. One has a dream, one has a vision, one has a tongue, one has a revelation. It's got the whole thing so messed up and everything. You got denominations and broke up everything. आज यही परेशानी है। एक को स्वप्न दिखता है, एक के पास दर्शन है, एक के पास अन्य भाषा है, एक के पास प्रकाशन है, और ये सारी बातें गड़बड़ हो गई हैं। और इस सब में आपको नामधारी मत मिल गए हैं और सब कुछ गड़बड़ कर दिया। You ought to bring it back to the final foundation, and that's God's word. That's true. आपको इसे अंतिम नेव पर लाना था और वो परमेश्वर का वचन है। ये सत्य है। और कलीसियाएं एक पर बनी हैं। ओ यीशु सफेद घोड़े पर आ रहा है, मैं जानता हूँ, मैंने उसे दर्शन में देखा है। उन्होंने उसी प्रकार की कलीसिया बना ली। Oh, hallelujah, he's coming on a cloud. They make it in that kind. Break them up and separate and call one another. Buzzard roost and louse hang out and everything like that. ओ, वो बादलों पर आ रहा है। वो उसे उस प्रकार का बना देते हैं, टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं और एक दूसरे को बांस का अड्डा और जू का कंगा, इस प्रकार के बहुत कुछ कहते हैं। Why, brother, it goes to show in the first place your heart's not right with God when you do that. Right, we are brothers.
क्यों भाई, सबसे पहले तो ये दर्शाता है कि आपका हृदय परमेश्वर की ओर ठीक नहीं है। जब आप ये कहते हैं, ये ठीक बात है, हम भाई हैं। We must stick by one another. We need one another. हमें एक दूसरे से मिले रहना चाहिए, हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। Now look, Saul had backslid, and he goes up. God had turned his face from him. अब देखिए, शाऊल परमेश्वर से पिछड़ गया और वो ऊपर जाता है। उसने परमेश्वर ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया। And he went up and he inquired with the prophets. The prophets went and tried to prophesy, and God cut off and gave a vision. और वो गया और उसने भविष्यद्वक्ताओं से पूछा और भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी करने का यत्न किया। परमेश्वर अलग हो गया, कोई दर्शन नहीं देता। Prophet came out and said, I can't know. He never told me nothing about you. भविष्यद्वक्ता ने बाहर आकर कहा, मैं नहीं बता सकता। नहीं, उसने उसे मुझे आपके विषय में कुछ नहीं बताया। Well, then he said, Lord, give me a dream. Night after night, no dream come. अच्छा, तो फिर उसने कहा, प्रभु मुझे स्वप्न दिखा। रातों के बाद रातें बीत गईं, कोई स्वप्न नहीं आया। Then he goes into the Urim and Thummim and he said, Oh God, I've tried the prophets, I've tried the dreams. Now you help me, will you do it? Cut it off, no light flash at all. तब थुमीम के उरीम के समक्ष गया और उसने कहा, ओ परमेश्वर, मैंने भविष्यद्वक्ताओं से यत्न किया, स्वप्न का यत्न किया, अब आप मेरी सहायता करो, क्या आप करेंगे? अलग हो गया, कोई ज्योति नहीं चमकी। Then he resorted to a witch. Low, degraded. तब वो जादूगरनी की ओर मुड़ा, नीच, घटिया। And he went to her and crawled in there and disguised himself. And this witch goes out and calls up the spirit of Samuel. और वो उसके पास गया, वहाँ खिचड़ता हुआ गया और अपना भेष बदला, और ये जादूगरनी गई और शमूएल की आत्मा को बुला कर लाई। I know what you're thinking. Many said that wasn't Samuel, but the Bible said it was Samuel. And it was Samuel. अब मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। बहुत सो ने कहा वो शमूएल नहीं था, परंतु बाइबल कहती है कि वो शमूएल था, वो शमूएल था। Strange how I catch that, isn't it? आश्चर्य, आपने ये कैसे जान लिया है कि नहीं? But that was Samuel, the Bible said it was. परंतु वो शमूएल था, बाइबल ने कहा वो था। And that witch could call him up. And she called up Samuel, and Samuel was somewhere else, but was conscious of what was going on, and was still standing with his prophet's mantle on him. और वो जादूगरनी उसे बुला सकती थी, और उसने शमूएल को बुलाया, और शमूएल कहीं और था, परंतु सचेत था कि कहा क्या घटित हो रहा है, और अब भी अपने भविष्यद्वक्ता वाली वेशभूषा में खड़ा है। So brother, when you die, you're not dead, you're living somewhere else. इसलिए भाई, जब आप मरते हैं तो आप मृत नहीं हैं, आप कहीं और हैं। Let me stop just a minute to get this demonology down just a little bit. अब मैं थोड़ा सा एक मिनट रुकूं और थोड़ा सा इस प्रेत विज्ञान को लूं। She was a demon, but she was in close contact with the spirit world. वो प्रेत थी, परंतु वो आत्मिक संसार से जुड़ी हुई थी। Now today, there's many spiritualists that know really more about the spiritual world and people who profess themselves to be Christians. Yet she's a demon. आज बहुत सारे प्रेत विद्या के जानने वाले हैं, जो कि आत्मिक संसार के विषय में उन लोगों से अधिक जानते हैं जो अपने को मसीही कहते हैं, तो भी वो प्रेत हैं। In the Bible times, it's the same thing. बाइबल के दिनों में भी ऐसा ही था। When Jesus was here on earth, there was them professors and scholars and teachers, some of the best there was, out of the better seminaries than we could produce today, and holy renowned man they had to be. जब यीशु यहाँ पृथ्वी पर था, उस समय प्रोफेसर और ज्ञानी और शिक्षक थे, उनमें से बहुत से अच्छे थे, उनसे जो कि आज धार्मिक विद्यालयों में से निकलते हैं, और वे पवित्र प्रसिद्ध व्यक्ति उन्हें होना ही था। If a Levite was found, he had to be found blameless, righteous in every way, and yet that man knowed more about God than a rabbit knows about snowshoes. यदि लेवी मिलता था तो उसे दोष रहित और हर प्रकार से धार्मिक होना था, और तब भी वो व्यक्ति परमेश्वर के विषय में उतना नहीं जानता था जितना खरगोश अपने बर्फानी जूतों के विषय में जानता था। When Jesus came, he failed to recognize him, and he called Jesus a devil. He said he's Beelzebub, the prince of the devil. Is that right? जब यीशु आया तो वो उसे पहचानने में असफल रहा, और उसने यीशु को शैतान कहा, वो बालजबूल है, शैतान का राजकुमार, ठीक है ना? And here come the lowest type of a demon.
that had a man bound out under the tombs and everything, and they called out, the devil himself said, we know who you are. You're the Son of God, the Holy One. Is that right? और यह घटिया प्रकार का प्रेत है जिसने कब्रों में एक मनुष्य को बांध रखा था और आदि आदि और उन्होंने पुकारा शैतान ने स्वयं कहा हम जानते हैं कि तू कौन है तू परमेश्वर का पुत्र पवित्र जन है ठीक है ना Witches and wizards, devils recognize him the son of God while educated theological seminary preachers recognize him to be Beelzebub. जादूगरनिया और ओझे प्रेत उसे परमेश्वर का पुत्र है पहचानते हैं जबकि शिक्षित धार्मिक विद्यालयों के प्रचारक उसे बालजबूल करके पहचानते हैं Which was right, the devil or the preacher? The devil was. कौन ठीक था प्रेत या प्रचारक प्रेत ठीक था Brother, it hasn't changed too much today. They don't recognize the power of God. और भाई आज भी ये बहुत नहीं बदला वे परमेश्वर की सामर्थ को नहीं पहचानते No matter how much teaching you got, you can drum that into you. God's not big words. God's an honest heart. इससे कोई मतलब नहीं आपने कितनी शिक्षा ली है आप उसे अपने में एकत्र कर लें परमेश्वर बड़ी बड़ी बातों में नहीं है परमेश्वर निष्कपट हृदय में है You might say your stupid words like, I don't know what. That doesn't bring you closer to God. आप यहाँ खड़े हो सकते हैं बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हैं जैसा कि मैं जानता वो क्या जो आपको परमेश्वर के समीप नहीं लाता You can stand and practice how to repeat your sermon and say these things. That don't get you closer to God. आप खड़े होकर अभ्यास कर सकते हैं कि कैसे अपने उपदेश को दोहराएं और ये बातें कहें जो कि आपको परमेश्वर के समीप नहीं लाती You can learn dictionary to you, sleep with one, and it still wouldn't get you closer to God. आप इतना शब्दकोश सीख सकते हैं कि आप उसी के साथ सो जाएं और तब भी वो आपको परमेश्वर के समीप नहीं लाएगा A humble, submitted heart in the simplicity is what brings you to God. That's true. Amen. एक नम्र साधारणता में समर्पित हृदय है जो कि आपको परमेश्वर के पास लाता है और ये सत्य है आमीन A humble heart, God loves. Now, no matter if you don't know your ABCs, that don't make any difference. Just a humble heart. परमेश्वर नम्र हृदय से प्रेम करता है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि यदि आप अपना कह कह गए नहीं जानते हैं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता केवल एक नम्र हृदय God dwells in a humble heart, not in educations, not in schools, not in theology seminaries, not in all these other different places, not in big words, not in classical places. God dwells in human heart. परमेश्वर नम्र हृदय में वास करता है न कि शिक्षा में वो विद्यालय में नहीं है न ही धार्मिक विद्यालय में न ही इन सब विभिन्न स्थानों में न ही बड़ी बड़ी बातों में या न ही विशेष स्थानों में परमेश्वर मानव हृदय में वास करता है The lower you can break yourself down, the more simple you can become greater in the sight of God. और जितना आप स्वयं को नीचा करेंगे और अधिक साधारण आप परमेश्वर की दृष्टि में महान बन सकते हैं Let me give you something. I see your fields are full of wheat out here. मैं आपको कुछ दे दूं मैं देखता हूं कि आपके खेत यहाँ गेहूं से भरे हुए हैं A full head of wheat always bows. गेहूं की भरी बाल नीचे झुकी होती है A little old sprig sticks up there and flopping around like it knows everything. It ain't got us in the head. एक छोटी पुरानी लकड़ी की टहनी वहाँ है और ऐसे लहरा रहती है जैसे सब कुछ जानती हो ये गेहूं से भरी बाल में नहीं होता That's the way of a lot of these guys that think they got a whole lot in their head and nothing in their heart or a holy head about. To the power to recognize Jesus Christ as the Son of God and believe His works and He's the same yesterday. और इसी प्रकार से बहुत से लोगों में होता है जो कि सोचते हैं कि उनके मस्तिष्क में सब कुछ है और उनके हृदय में कुछ नहीं या पवित्र मस्तिष्क सामर्थ के सामने झुकेगा और यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र जानकर मान्यता देगा और उसके कार्यों का विश्वास करता है और ये बीते कल भी ऐसे ही था और वे उसे इतिहास के दृष्टिकोण से पहचानते हैं परंतु ये इतिहास की चीज नहीं है People stand up and say, oh, I'll be Pentecost when they have the great outpouring and things like that and paint a fire. लोग खड़े होकर कहते हैं ओ मैं पेंटिकॉस्ट का विश्वास करता हूँ जब आप उन पर महान वर्षा और इस प्रकार की बातें हुई और आग को रंगते हैं A freezing man can't be warmed by a painted fire. Painted fire don't warm. एक जमा हुआ व्यक्ति चित्रकारी की आग से गर्म नहीं हो सकता चित्रकारी की आग गर्म नहीं करती That's what they want. What is it today if he's the same yesterday, today, and forever? That's painted fire. वे यही थे वही ये आज हैं
यदि वो कल आज और सर्वदा एक सा है, यही चित्रकारी की आग है। कोई व्यक्ति ठंड से जमकर मर रहा है, कहता है उस बड़ी विशाल आग को देखो जो कि थी, क्यों वो आपको गर्म नहीं करेगी? उन्होंने पेंतिकोस्त पर क्या किया, जो उनके पास आरंभिक वाचा में था, वो आज हमारे पास है। और जैसे ही परमेश्वर बातों को सुधारेगा और कलीसिया एक साथ एकत्र होगी, रैप्चर आ जाएगा। परंतु हम तो दिव्य चंगाई के लिए विश्वास नहीं ले पाते। रैप्चर को तो छोड़ दो, क्योंकि हम सब भटक गए, एक इस ओर और दूसरा उस ओर। और डॉक्टर अमुक अमुक ने कहा कि वो ये था, भाई मेरे प्रचारक ने कहा वो ये था। कुछ समय पहले एक महिला ने कहा, मेरे पादरी ने मुझे बताया है कि वो केवल धोखेबाज था। मैं चाहता हूँ कि उसका पादरी एक बार यहाँ आए, हम देखेंगे कि कौन धोखेबाज है। जी हाँ, हम देखेंगे कौन धोखेबाज है। आओ परखो। यहाँ बहुत समय नहीं हुआ कि हर्लिंगन टेक्सास में हमारी सभा हो रही थी और उन्होंने सारी कारों पर बड़े बड़े चिन्ह चिपका रखे थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बताया FBI वहाँ मुझे एक धोखेबाज को वहाँ प्रकट करने पर थी। So a little girl had been healed up in Texas there somewhere. She'd way up, and I guess around 1,000 miles, way up around Panhandle. This is way down in Harlingen, down on the border. इसलिए कि एक छोटी लड़की वहीं कहीं टेक्सास में चंगी हुई थी, वो वहाँ थी, और मेरा अनुमान है कि वहाँ पेहेंडल के लगभग 1,000 मील के आसपास, और वहाँ नीचे हर्लिनी मेन बॉर्डर पर थी। Brother Baxter comes and Brother Branham said, "You never seen such a mess down there? About 4,000 or 5,000 people." And said, "And then all around the FBI is going to catch you on the platform tonight and expose you." भाई बैक्स्टर आए और कहा, भाई ब्रनम, आपने इतनी बड़ी भीड़ कभी नहीं देखी? वहाँ लगभग 4,000 या 5,000 लोग, और कहा कि चारों ओर से FBI आपको आज रात्रि मंच पर पकड़ने जा रही है और आपको अनावरत करने जा रही है। Yeah, I said, "Well, I'm sure glad of that." मैंने कहा, ठीक है, निश्चय ही मैं बहुत आनंदित हूँ। कहा, आप जानते हैं, वो जो छोटी लड़की उस रात्रि चंगी हुई थी, मैं वहाँ से आकर और अपने कमरे में जा रहा था, मैंने किसी चीज को चिल्लाते सुना और चारों ओर देखा, मैंने सोचा हो सकता है किसी पर आक्रमण हो गया, वो एक लड़की किसी आवाज थी। और मैंने पीछे देखा, मैंने कहा, और मैं वापस गया, मैंने कहा, महिला क्या बात है? और वहाँ वो दो छोटी लड़कियाँ खड़ी थीं, उनके हाथ एक दूसरे के गले में पड़े थे, 17-18 वर्ष की थीं, चिल्ला रही थीं, कहा, भाई ब्रनम, तब मुझे मालूम हुआ कि वो मुझे जानती है। कहा कि हम इसे यहाँ लाए हैं, इसे पागल खाने जाना था, और वो छोटी लड़की लुबलुक टेक्सास में मेरी सभा में थी, और कहा कि मैं जानती हूँ, यदि मैं इसे यहाँ ले आऊंगी और आप इसके लिए प्रार्थना कर देंगे, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इसे चंगा कर देगा। Well, I thought, what faith? मैंने सोचा, भाई कितना अच्छा विश्वास है। And I said, well, my sister, can you get her? And just then I said, you come down here in a yellow roadster, didn't you? Said, yes. और मैंने कहा, आप ठीक है बहन, क्या आप उसे ला सकती हैं? और तब मैंने कहा, आप यहाँ एक पीली खुली कार में आई हैं, क्या नहीं आई हैं? बोली, हाँ। Now, I said, your mother's an ambulance. She said, that's right. और मैंने कहा, तुम्हारी माँ अमान्य है। उसने कहा, ये ठीक बात है। I said, you belong to the Methodist Church. She said, that's exactly the truth. मैंने कहा, आप मेथोडिस्ट कलीसिया से संबंधित हैं। उसने कहा, ये बिल्कुल सत्य है। And I said, on the road down, you almost turned over. You and this girl was laughing when you come around where it's half concrete and half asphalt and you turn into a bench. और मैंने कहा, राह में आते हुए आप लगभग पलट जाती, आप और ये लड़की हंस रहे थे, जब आप वहाँ पहुँची जहाँ ये आधी सीमेंट और आधी तारकोल की थी, आप वहाँ एक मोड़ मुड़ रही थी।
said, Brother Branham, that's the truth. I said, and thus saith the Lord, the girl's healed. उसने कहा भाई ब्रणम ये सत्य है. मैंने कहा प्रभु यूं कहता है कि लड़की चंगी हो गई. The next day she is burning the town up, telling everybody, going around about it. Of course, they didn't know her there, whether she was ever in that condition or not. अगले दिन उसने नगर में सबको चारों ओर ये बताते हुए शोर मचा दिया. ठीक है, वहाँ वे नहीं जानते थे कि ये कभी ऐसी दशा में नहीं थी या नहीं. And then that day, Brother Baxter said, Brother Branham, so them girls were down there packing their suitcase. और उस दिन भाई बैक्स्टर ने कहा भाई ब्रणम वो लड़कियां वहाँ अपनी अटैची बांध रही हैं. And this is one thing that he didn't know what I know. Our finances had went plumb down. I never let him talk about it, but one of them girls had put $900 in that offering the night before that and put that finance on the top. और ये एक बात थी कि वो नहीं जानते थे कि मैं ये जानता हूँ कि हमारी वित्तीय स्थिति गिर गई है. मैंने उन्हें इस विषय में बात नहीं करने दी, परंतु उनमें से एक लड़की ने इससे पहले उस रात्रि चंदे में $900 डाले और हमारे वित्त स्थिति को चोटी पर पहुंचा दिया. अब वो आज तक ये नहीं जानते, परंतु मैं ये जानता था. देखा, परमेश्वर ने मुझे बता दिया था कि ये ठीक हो जाएगा. Brother Baxter said, Brother Branham said, you better let me make a little pull. So they've had some of these your divine healers down here just pull this people. और भाई बैक्स्टर ने कहा, भाई ब्रनम कहा, अच्छा हो कि आप मुझे थोड़ा सा चंदा लेने के लिए कह दें. इनके यहाँ कुछ दिव्य चंगाई करने वाले थे, उन्होंने इन लोगों से लिया. मैंने कहा कुछ नहीं श्रीमान, आप ये नहीं करेंगे. भाई बैक्स्टर, जब कभी भी आप इस प्रकार से पैसों के लिए जोर देंगे तो फिर वो समय होगा कि मैं और आप एक मित्र के समान हाथ मिलाएंगे. मैं अकेला चला जाऊंगा, समझे. I said, you don't do that. I said, God owns the cattle on 1,000 hills and everything belongs to him. I belong to him. He'll take care of me. He said, all right. मैंने कहा आप ये मत करना. मैंने कहा परमेश्वर के हजारों जानवर पहाड़ों पर हैं और हर चीज उसी की है. मैं उसी का हूँ, वो मेरी चिंता करेगा. उन्होंने कहा ठीक है. And that very night he said, Brother Branham, look here. Somebody look here. Here's an envelope in here, no name on it. It's got 9 $100 bills. It is just exactly what we need to catch up. और उसी रात्रि उन्होंने कहा भाई ब्रणम यहाँ देखिए, किसी ने यहाँ देखिए, यहाँ इसमें एक लिफाफा है, इस पर कोई नाम नहीं है, इसमें $900 के नोट हैं, बिल्कुल उतने ही जितने की हमको आवश्यकता थी. I said, Brother Baxter, he said, oh, forgive me. So then I know it was that girl. मैंने कहा भाई बैक्स्टर, उन्होंने कहा मुझे क्षमा करें, इसलिए तब मुझे मालूम हुआ कि ये वो लड़की थी. So then the next day, Brother Baxter said, Brother Branham, they're down there packing up their clothes, crying. तब अगले दिन भाई बैक्स्टर ने कहा भाई ब्रणम वे वहाँ अपने कपड़े बांध रही हैं, रो रही हैं. I said, what's the matter? मैंने कहा क्या बात है. Said, you better go down and see them. कहा अच्छा हो कि आप जाकर उनसे मिलें. Now I went down to the room where they asked what room they're in. I went down there and knocked on the door. I heard them crying. I knocked on the door and a girl comes over. She said, oh, Brother Branham, I'm so sorry. She said, I've called you all this trouble. मैं वहाँ नीचे कमरे में जहाँ वे थी गया. मैंने कहा वे कौन से कमरे में है. मैंने वहाँ जाकर दरवाजा खटखटाया. मैंने उन्हें रोते हुए सुना. मैंने दरवाजा खटखटाया, लड़की दरवाजे पर आई, बोली, ओ भाई ब्रणम मुझे खेद है. उसने कहा मैंने आपके लिए परेशानी खड़ी कर दी. मैंने कहा परेशानी बहन, क्या बात है. उसने कहा ओ मैंने आपके पीछे FBI को लगा दिया. और मैंने कहा ओ क्या ये ठीक बात है. बोली हाँ. कहा मेरा अनुमान है कि मैंने चारों ओर आज यहाँ नगर में बहुत गवाही दी है और आदि आदि. No. मैंने कहा नहीं. And she said, Brother Branham, the FBI's over there. It's over there going to expose you tonight. और उसने कहा भाई ब्रणम FBI वहाँ है, आज रात्रि आपको अनावृत करने जा रहे हैं. I said, well, if I'm doing anything wrong, I need to be exposed. See? मैंने कहा ठीक है, यदि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आवश्यकता है कि अनावृत किया जाए, समझे. I said, sure. If preaching the gospel, it needs to be exposed. Well, let's do it. See? मैंने कहा निश्चय ही, यदि सुसमाचार प्रचार को अनावृत की आवश्यकता है तो अच्छा है, हम इसे करें, समझे. I said, I live by this Bible, and what this Bible don't say, this is my defense right here. See? मैंने कहा मैं इस बाइबल के द्वारा जीवित हूँ, और वो जो ये बाइबल नहीं कहती यहाँ, ये मेरी रक्षा है, समझे. And I said, and she said, well, she said, I'm just sorry that I did what I did. I said, you never done nothing, sister. और मैंने कहा, और वो, उसने कहा, ठीक है, कहा, मुझे खेद है कि जो मैंने किया, सो किया. मैंने कहा, बहन, आपने कुछ नहीं किया.
She said, well, aren't you afraid to go over there? And I said, no. उसने कहा, आप वहाँ जाने से नहीं डर रहे हैं? और मैंने कहा, नहीं. She said, well, the FBI is there. I said, well, I had him come in my meeting before and he got saved. I said, Mr. Al Farrar. उसने कहा, FBI वहाँ है. मैंने कहा, वे इससे पहले मेरी सभा में आए हैं और वे बचाए गए. मैंने कहा, श्री एल फरार. Captain Al Farrar, many of you know this conversion up there in Tacoma, Washington, was saved right down the shooting gallery. कैप्टन अल फरार, आप में से बहुत से उनकी बातचीत को जो टकोमा वाशिंगटन में हुई थी जानते हैं. वे वहाँ एक जो निशानेबाजी का मैदान है वहाँ बचाए गए थे. सभा में आकर उन्होंने कहा, मैं इस व्यक्ति के पीछे 2 वर्षों से हर जगह गया हूँ और पैसों के विषय में सुना और मैंने ये देखा है और कहा, ये सत्य है. आप आज रात की धर्मांधता को नहीं सुन रहे हैं, आप सत्य को सुन रहे हैं. कहा, पुलिस बल का एक व्यक्ति, मेरे पास एक डॉक्टर था जो उसके बालक को देख रहा था और उसे प्रार्थना पंक्ति में भेजा और कहा, बालक को बिल्कुल ठीक वही बताया गया जो उसके साथ गड़बड़ थी और उसके साथ क्या हुआ था. और कहा, 8 दिन के भीतर ये विद्यालय जाएगा, एक पोलियो रोगी. और कहा, 8वें दिन बालक विद्यालय गया. बोला कि मैं 2 वर्ष से इसका पीछा कर रहा हूँ 10,000 लोगों के समक्ष. यही है, यह उसका चित्र है आपकी पुस्तक में, सीटेल सभा. उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप जान जाएं कि आप लोग किसी नकली धार्मिक को नहीं सुन रहे हैं, आप सत्य को सुन रहे हैं. कैप्टन अल फरार, the next day I'll let him to God and receive the baptism of the Holy Ghost in a shooting gallery down in his big place out there. कैप्टन अल फरार, अगले दिन मैं उसे परमेश्वर के पास ले गया और उसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया वहाँ बड़े से निशानेबाजों के मैदान में. I said, maybe this guy will do the same. मैंने कहा, हो सकता है ये व्यक्ति भी वैसा ही करेगा. So, she said, are you afraid to go over there? इसलिए लड़की ने कहा, क्या आप वहाँ जाने से डरते हैं? I said, afraid? Well, certainly not. Certainly not. Why should I be afraid when God sent me to do it? He's the one to fight the battle, not me. मैंने कहा, डर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं क्यों डरूं? जब परमेश्वर ने मुझे ये करने के लिए भेजा है, वही है जो युद्ध करता है, ना कि मैं. So I said, I want all of you to stay away. And so we went over to the meeting that night. Place is packed out, and the custodian there come out and said, Reverend Branham, I heard 10 Mexican children. Said, look at here, Reverend Branham, to be exposed tonight by FBI, a fanatic religious or something like that. इसलिए मैंने कहा, अब मैं चाहता हूँ कि आप सब अलग रहें. और इस प्रकार से उस रात्रि हम सभा में गए, सभागार भरा हुआ था और परिरक्षक आया और बोला, रेवरेंड ब्रैनम, मैंने मेक्सिको के 10 बच्चों को किराए पर लिया है. कहा, रेवरेंड ब्रैनम, यहाँ देखिए, आज रात्रि FBI द्वारा एक धर्मांधता को अनवरत किया जाना है और ऐसा ही कुछ. और कहा, ये उनमें से प्रत्येक की कार पर लगा है. कहा कि मैंने 10 मेक्सिकन बालकों को किराए पर लिया है जो कि वो कागज छुड़ाकर यहाँ रख देंगे. कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है यदि मैं उस व्यक्ति को पकड़ लूं. I said, don't worry, sir. God will get a hold of him. See, I said, just let him alone. मैंने कहा, श्रीमान, चिंता मत करिए, परमेश्वर उसे पकड़ लेगा. देखिए, मैंने कहा, बस उसे उसके हाल पर छोड़ दें. So I come on over, and that night when we come in, I'll never forget it. Walked into the room. Brother Baxter saying, only believe his. इस प्रकार से वो आया और उस रात्रि जब हम भीतर आए, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा. मैं कमरे में गया, भाई बैक्स्टर ने ओनली बिलीव वाला गाना गाया. Said, now, Brother Branham says tonight for us to leave the building. So I'm going back at the back end and sit down. उन्होंने कहा, आज रात्रि अब जब भाई ब्रैनम हमारे लिए कहते हैं कि हम इस इमारत को छोड़ दें, कहा कि मैं पीछे अंत में जा रहा हूँ और बैठूंगा. He said they are fixing to expose him tonight here on the platform. He said I've seen him in many hard battles and seen God take his place. That I'm just going back to sit down. उन्होंने कहा कि आज रात्रि उन्होंने तय किया है कि उन्हें यहाँ मंच पर अनावरत करेंगे. और उन्होंने कहा, मैंने इन्हें बहुत सारे कठिन संग्रामों देखा है और देखा कि परमेश्वर इनका स्थान ले लेता है और कहा कि मैं बस अब पीछे जाकर बैठ रहा हूँ.
I walked up, I said, I was just reading a little article here that where I was to be exposed tonight at the platform here. I said, I want the FBI agents now to come forward and expose me up here on the platform. मैं ऊपर गया, मैंने कहा, मैं अभी यहाँ एक छोटा सा लेख पढ़ रहा था जिसमें कि आज रात्रि मुझे मंच पर अनावरत किया जाना था। मैंने कहा, मैं चाहता हूँ कि अब FBI के प्रतिनिधि यहाँ सामने आए और यहाँ मुझे मंच पर अनावरत करें। I said, I'm standing here in defense of the gospel. I want you to come to expose me. मैंने कहा, मैं यहाँ सुसमाचार की रक्षा हेतु खड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप आए और मुझे अनावरत करें। Maybe they're not here yet. I know where I was at. He'd already showed me my room up yonder, what was going to happen before I left, you see. मैंने प्रतीक्षा की, मैंने कहा हो सकता है कि वे अभी यहाँ ना हो, मैं जानता था कि मैं कहाँ पर था, वो तो मुझे वहाँ पहले ही कमरे में दिखा चुका था कि क्या घटित होने जा रहा था इससे पहले कि मैं वहाँ के लिए चलता देखा। Maybe I'll wait just a little bit, maybe sing a hymn and somebody come up and sing a solo. और मैंने कहा मैं थोड़ी सी प्रतीक्षा करूंगा, हम एक भजन गा सकते हैं, और कोई आया और एकल गीत गाया। I said, Mr. FBI agent, are you inside or out? I'm waiting to be exposed. Would you come forward? Nobody come. मैंने कहा, श्री FBI के प्रतिनिधि, क्या आप अंदर हैं या बाहर? मैं अनावरत होने की प्रतीक्षा में हूँ, क्या आप सामने आएंगे? कोई नहीं आया। I kept wondering where it was at. The Lord told me that what it was is two backslidden preachers, and I was watching. मैं आश्चर्यचकित हो रहा था कि ये कहाँ था। प्रभु ने मुझे बताया था कि ये क्या था, ये दो परमेश्वर से पिछड़े हुए प्रचारक थे और मैं देख रहा था। I seen a black shadow hanging in the corner. I knew where it was at. मैंने काली छाया को कोने में खड़े देखा, मैं जान गया कि वो कहाँ था। I looked over there and it moved right up and went up into the gallery like this, a man with a blue suit on, one with a gray. मैंने उधर की ओर देखा और वहाँ से चली और इस प्रकार से वहाँ गैलरी में चली गई और एक नीला सूट पहने हुए व्यक्ति एक स्लेटी में। I said, friends, there's no FBI. What the FBI's got to do with preaching the Bible? I said, certainly not. मैंने कहा, मित्रों, यहाँ कोई FBI नहीं है। FBI को बाइबल के प्रचार से क्या लेना देना है? मैंने कहा, निश्चय ही नहीं। It wasn't two FBI agents to expose me, but here's the exposure. There they sat right up there, them two preachers right there, and they got down. I said, don't get down like that. मुझे अनावरत करने हेतु वे दो FBI के प्रतिनिधि नहीं थे, परंतु यहाँ रहस्य उद्घाटन था। वे वहाँ बैठे हैं, वे दो प्रचारक ठीक वहाँ, और वे नीचे को हो गए। मैंने कहा, इस प्रकार से नीचे को ना झुकिए। और दो बड़े टेक्सास के रहने वाले उन्हें पकड़ने के लिए जा रहे थे। मैंने कहा, नहीं भाइयों, ये मांस और लहू का मामला नहीं है, केवल शांत बैठे, परमेश्वर इसकी चिंता करेगा। Under witchcraft, I was bewitching the people. मैंने कहा, देखिए भाइयों, अब जबकि आप लोग वहाँ पर हैं, इधर देखिए। मैंने कहा, यदि आपने कहा है कि मैं शमौन टोना करने वाला हूँ और जादू से मैं लोगों को सम्मोहित कर रहा था। I said, if I am Simon the sorcerer, then you are the man of God. Now you come down on this platform. And if I be Simon the sorcerer, let God strike me dead. मैंने कहा, यदि मैं टोना करने वाला शमान हूँ तो आप परमेश्वर के जन हैं। अब आप यहाँ मंच पर आए, और यदि मैं शमान टोना करने वाला हूँ तो परमेश्वर मुझे मार डाले। And if I be God's prophet, you come down and let God strike you dead. Now we'll see who's right and wrong. Now you come on down. We'll sing a hymn. और यदि मैं परमेश्वर का भविष्य रखता हूँ तो फिर आप आए और परमेश्वर आपको मार डाले। अब हम देखेंगे कि कौन सही और गलत है। अब आप आए, हम एक भजन गाएंगे। Out of that building they went and we never seen them since. See? वे भवन से बाहर चले गए और तब से हमने उन्हें फिर कभी नहीं देखा, समझे? I said, come on, if I'm Simon the sorcerer, let God strike me dead. And if I'm God's prophet, then God will strike you dead when you come to this platform. If I am truth before God, God will let you die on this platform. मैंने कहा, आइए, यदि मैं शमौन टोना करने वाला हूँ तो परमेश्वर मुझे मार डाले, और यदि मैं परमेश्वर का भविष्य रखता हूँ तो परमेश्वर आपको मार देगा जब आप इस मंच पर आएंगे। यदि मैं परमेश्वर के सम्मुख सच्चा हूँ तो परमेश्वर आपको इस मंच पर मार डालेगा। They know it better. That's right. They know it better. They heard from other places. That's right. So don't never think that what God's still God. He answers. वे भली भांति जानते थे कि ये ठीक है, वे अच्छी तरह जानते थे, उन्होंने दूसरे स्थानों से सुना था, ये ठीक बात है, इसलिए कभी ना सोचिए, परंतु जो परमेश्वर है वो अब भी परमेश्वर है, वो उत्तर देता है। Now, this witch of Endor. She called up the spirit of Samuel, and Saul talked to Samuel.
अब ये इंदौर की जादूगरनी, उसने शमूएल की आत्मा को ऊपर बुलाया और शाऊल ने उससे बातें की। Now you might wonder how that could be done. It cannot be done today. No, sir. अब आपको ये आश्चर्य हो सकता है कि ये कैसे हो सका था? ये आज नहीं हो सकता, नहीं श्रीमान। Because the blood of bulls and goats was only awaiting for the time of fulfillment. क्योंकि बैलों और बकरों का लहू समय के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहा था। When a man died in them days, preachers, back me up if you think it's right. जब व्यक्ति उन दिनों में मरता था, प्रचारकों, यदि आप सोचते हैं कि ये सही है तो आप मेरा समर्थन करें। When a man died, he died under the atonement of an animal. And his soul went into paradise. And there he stayed until that to the day of redemption. And his soul was in there. जब एक मनुष्य मरता था तो वो पशु के छुटकारी की आधीनता में मरता था और उसका प्राण अधोलोक में गया और वहाँ वो छुटकारे के दिन तक रुका रहा और उसका प्राण वहाँ था। Let me draw you a little picture here. मैं आपके लिए यहाँ एक छोटा सा चित्रित करूंगा। How many read my article or the article they wrote about me in Reader's Digest here about in October, November's issue? All right? कितनों ने मेरा लेख पढ़ा है या वो लेख जो उन्होंने मेरे विषय में रीडर डाइजेस्ट में लिखा लगभग अक्टूबर या नवंबर के अंक में? ठीक है। You notice how that was? क्या आपने ध्यान दिया कि वो कैसा था? Did you notice about two or three weeks before that, this great famous medium here, it's been tried since way long time ago, her, Mr. Pepper? क्या आपने दो तीन सप्ताह पहले ध्यान दिया कि एक प्रसिद्ध प्रेत माध्यम बहुत समय से यत्न कर रही थी, वो कुमारी पीपर? Did anybody read that, Miss Pepper's article in the Reader's Digest? क्या किसी ने कभी रीडर डाइजेस्ट में कुमारी पीपर का लेख पढ़ा है? Is it strange how them two spirits? क्या ये आश्चर्यजनक नहीं कि वे दो आत्माएं? How much time have I got? Not but just a little, 28 or just, I have to hurry. I know we got, look, excuse me for a minute. मेरे पास कितना समय है? नहीं, परंतु केवल थोड़ा सा, मुझे 20 मिनट हो गए हैं। मैं जानता हूँ आपके पास, देखिए मुझे एक मिनट के लिए क्षमा करें। You know there's false, is there true and a false of everything. आप जानते हैं कि एक झूठ है, हर एक चीज का एक सत्य और झूठ है। If I give you a dollar and I say is this a good dollar and you look at it, it has to look pretty much like a real dollar, you wouldn't believe it. Is that right? So it'll have to be really a good imitation. यदि मैं आपको एक डॉलर दूं और मैं कहता हूं कि क्या ये अच्छा डॉलर है और आप उसे देखेंगे, ये आपको वास्तविक डॉलर के समान सुंदर दिखेगा या आप उसका विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है ना? इसलिए कि ये वास्तविक की एक नकल होगी। And Jesus said the two spirits in the last days would be so close it would deceive the very elect if possible. Religious people. और यीशु ने कहा कि अंत के दिनों में दो आत्माएं इतनी समानता में होंगी, यदि हो सके तो चुनौतियों को भी भरमा दें, धर्मी लोगों को। Now remember, now there ain't nothing out there in them old cold, cold formal outside to have just the form of godliness, you see. अब स्मरण रखें, वहाँ उन पुराने ठंडे कहलाने वालों में कुछ नहीं है, उनके पास केवल दिखाने की भक्ति है, आप समझे? But these two spirits are real spirits to be so close to deceive the very elect, how he's working side by side. परंतु ये दो आत्माएं इतनी समानता में होंगी कि यहाँ तक कि चुनौतियों को भरमा दें, अंत के दिनों में वे किस प्रकार से साथ साथ कार्य करेंगी? Did Jesus say that? He did. क्या यीशु ने ये कहा? हाँ, उसने कहा। Now watch, friends, we'll draw you a little picture. I want you to look at here just a minute and give me your undivided attention, because we're going to give you a parable, and then you see it. अब ध्यान दें, मित्रों, मैं आपके लिए एक चित्र खींचने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप एक मिनट के लिए इधर देखें और मेरी और पूरी तरह से ध्यान दें, क्योंकि मैं एक दृष्टांत देने जा रहा हूं और तब आप इसे देखेंगे। Now in the Reader's Digest, it wrote up there. I was standing out there. We had 2,700 people waiting to get prayed for, standing out there. You read the article. अब रीडर डाइजेस्ट में वहां लिखा है, मैं वहां खड़ा था, वहां 2,700 लोग खड़े हुए प्रार्थना के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। आपने लेख पढ़ा है। And a man come down from Canada. And he had a little boy that had been to Mayo's and John Hopkins, a serious brain disease, that drawed his little hands in like this and drawed his legs up under it. And they said there's not even an operation or nothing can be done. और एक व्यक्ति कनाडा से आया था और उसके पास एक छोटा लड़का था जो कि गंभीर मस्तिष्क की बीमारी के लिए मायो और जॉन हॉपकिंस के यहाँ गया था, जिसमें कि उसका हाथ और पैर इस प्रकार से अंदर की ओर खिंच गए थे और उन्होंने कहा कि इसकी तो शल्य चिकित्सा भी नहीं हो सकती। So he took it back to Canada. He said, "I'm not whipped yet." इसलिए वो उसे वापस कनाडा ले गया। उसने कहा, मैं अभी तक घबराया नहीं। You get November's issue of the Reader's Digest, and it's called the miracle of Donnie Martin. Reader's Digest का आप नवंबर का अंक लें, और इसे डॉनी मार्टिन का आश्चर्यकर्म कहा गया। And
and then said that in there that that the man said, "I'm not whipped yet, because I know a faith healer named William Branham that caused two of my friends who was deaf and dumb to speak and hear." और तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं अभी तक घबराया नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक विश्वास से चंगा करने वाला जिसका नाम विलियम ब्रनम है, जिसने मेरे दो मित्रों को जो बहरे और गूंगे थे चंगा किया। और उन्होंने ये मालूम करने का यत्न किया कि मैं अमेरिका में कहाँ हूँ, और मैं कैलिफोर्निया के कोस्टा मेसा में था। और ये एक लेख है, और जब आप इसे पढ़ेंगे तो रोने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये आपके हृदय को तोड़कर रख देगा। किस प्रकार से वो बालक के साथ गिरती हुई बर्फ में से निकला और बहुत सी बातें। He said, "Be careful, Donnie." Said, "Now we're not defeated." And the little boy couldn't even smile hardly. He was so afflicted. Said, "We're not defeated. We're going to ask God. We'll go to God's prophet and ask Him." उसने कहा, डॉनी बहुत ही सावधान, अब हम हारे हुए नहीं हैं। और ये छोटा बालक मुस्कुरा भी नहीं सकता था, वो इतना पीड़ित था। कहा कि हम हारे हुए नहीं हैं, हम परमेश्वर से कहने जा रहे हैं, हम परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के पास जाएंगे और उससे कहेंगे। So then they come through the snow, and they finally got down there, and the mother was coming with them, and they didn't have money enough to go by airplane, so they sent the mother back. इस प्रकार से वे बर्फ में से होते हुए आए, और अंत में वे वहां आ पहुंचे, और माँ उनके साथ आ रही थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि हवाई जहाज से जाते, इसलिए उन्होंने माँ को वापस भेज दिया। And the boy and daddy had to come on a bus and how they rode all the way from Winnipeg, Canada to Costa Mesa, California. और उस लड़के और पिता को बस से आना पड़ा, और किस प्रकार से वे कनाडा से विनपेग से कोस्टा मेसा कैलिफोर्निया आए। And they got in there broke, and the father tells about how they had changed the little diapers on the little boy about 7 or 8 years old, just perfectly helpless. वे बुरे हाल में वहाँ पहुँचे, और पिता ने बताया कि उसे किस प्रकार से उसकी गुदड़ी बार बार बदलनी पड़ती, एक छोटा लड़का लगभग 7 या 8 वर्ष का बिल्कुल असहाय। And how he would, couldn't get a chance to eat or nothing, and said his little boy could just hear him talk, and he could tell the way his eyes looked that he was trying to smile, you know, and know that he's telling different sights he was seeing over in America. और कैसे वो खाने पीने का अवसर तक ना पा सका, और बताया कि उसका लड़का उससे बातें करते हुए सुन सकता था, और वो आंखों के इशारे से बता सकता था। आप देखिए कि उसने हंसने का यत्न किया और जान गया कि वो उसे अमेरिका के विभिन्न दृश्यों को जो वो देख रहा था बता रहा था। And when they got him there to California, they said to the traveler's aide, what he'd come to see, and he said, "Come to see a divine what?" And a big question mark. Of course, you can imagine what America said about it, you see. और जब वे पर्यटक सहायक के पास कैलिफोर्निया पहुंचे, उन्होंने बताया कि वे क्या देखने आए हैं। उसने कहा, तुम क्या दिव्य देखने आए हो? और बड़ा प्रश्न चिन्ह। जी हाँ, आप कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिका ने इस विषय में क्या कहा, आप समझे। We so smart, we know everything, you know, and there's no need to tell us anything. We got it all wrote down. देखिए, हम यहाँ हैं, हम जो बहुत समझदार हैं, हम जानते हैं, आप सब जानते हैं, और हमें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास सब लिखा रखा है, समझे। So a divine what come all the way from Winnipeg, Canada? Well, they thought that was horrible. इस प्रकार से एक दिव्य क्या इतनी दूर से विनिपेग कनाडा से आए, क्यों उन्होंने सोचा ये एक भयानक बात थी। Anyhow, the newspaper attached a car and sent him over there. जो भी है, एक कार पर एक अखबार चिपका था और उसे वहाँ भेज दिया। And he said when they got to the line, where was that? The 2,700 people was waiting to be prayed for. और उसने कहा, जब वो पंक्ति में खड़ा हुआ, जहाँ ये बताया गया है कि 27 लोग प्रार्थना करवाने की प्रतीक्षा में हैं। But they, when they seen that deformed little orphan boy and that poor daddy with his cap on, his ragged coat. परंतु कहा, जब उन्होंने इस छोटे से विकृत बालक को देखा और उसके पिता ने अपने फटे कोट पर टोपी लगा रखी थी, कहा कि हर कोई एक और खिसक गया और उसे उसका स्थान दे दिया। When you hit the platform, it's against the rules to swap a prayer card. Somebody must come to the meeting and get your own card. जब वो मंच पर पहुंचा, प्रार्थना पत्र अदल बदल करना ये नियम के विरुद्ध है, किसी को भी सभा में आना चाहिए और अपना कार्ड लेना चाहिए। If you're ever caught in the line swapping prayer cards on somebody else, the prayer card's dishonored. See? यदि आप कभी भी पंक्ति में पकड़े जाते हैं और किसी का प्रार्थना पत्र या कार्ड लिया है, तो प्रार्थना पत्र मान्य नहीं है, समझे? Because you must come hear the instructions and know how to receive it. It's up to you. You can't get it for someone else. You have to come get it yourself. So you hear. क्योंकि आपको निर्देश सुनने के लिए आना चाहिए और जाने कि कैसे प्राप्त करें, ये आप पर निर्भर करता है। आप किशोर के लिए नहीं ले सकते, आपको आकर स्वयं लेना है,
ताकि आप सुन सकें. Some big person said, "Well, I don't believe nothing in this thing, but maybe if he heal me, I see." And then that causes a fuss at the platform, so they just call that thing out before he gets there. किसी बड़े व्यक्ति ने कहा, यदि ठीक है, मैं इन बातों में अधिक विश्वास नहीं करता, परंतु हो सकता है यदि वो मुझे चंगा कर देगा. देखा आपने? और तब ये मंच पर गड़बड़ी का कारण होगा. इससे पहले वो वहां पहुंचे, उन्हें चुनना होगा. So when the boy started, the father started on the platform ahead of the people. Billy asked him for his prayer card. He didn't have any. He said, "Then I'm sorry, sir." Said you'll have to wait. इसलिए जब लड़के ने आरंभ किया या पिता ने लोगों के आगे से मंच पर चढ़ना आरंभ किया, बिली ने उसके प्रार्थना पत्र के लिए उससे पूछा. उसके पास कुछ नहीं था. कहा, श्रीमान, मुझे खेद है, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी. Said, all right. Said, I'll wait. Said, I'll just take my turn like the others. And said, I didn't know I had to do this. उसने कहा, ठीक है, कहा, मैं प्रतीक्षा करूंगा, तो फिर मैं औरों के समान अपनी बारी की प्रतीक्षा करूंगा. कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ये करना है. And so I was talking to someone. I had to hear it. I seen that father go away. And I said, what was the matter? He said, he didn't have a prayer card. और मैं किसी से बातें कर रहा था. मैंने ये सब सुना. मैंने देखा कि पिता चला गया और मैंने कहा, क्या बात थी? उसने कहा, उसके पास प्रार्थना पत्र नहीं था. And something said to me, bring him back. So I said, bring him here. किसी चीज ने मुझसे कहा, उसे वापस बुलाओ. इसलिए मैंने कहा, उसे वापस लाओ. And the father come up and the tears running down his face needing shaving. And he walked up. And the, here's the Reader's Digest. And the... और पिता ऊपर आया और आंसू उसके मुख पर लुढ़क रहे थे. दाढ़ी बनाने की आवश्यकता थी. वो चला गया. और यहाँ रीडर डाइजेस्ट ने कहा, समझे? I asked no questions, but looked right straight in the face of the baby, told the baby where it was from, it had been to Mayo's clinic, all about what was the matter with it, how sick it had been and everything. मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा, परंतु सीधा उस बालक के मुख की ओर देखा. उस बालक को बताया कि वो कहाँ से था. वो मायो चिकित्सालय में था और वो सब कुछ की उसके साथ क्या मामला था, वो कितना रोगी है और सब कुछ. And so the father started crying and started to leave. And said he started off a platform and he turned around. He said, that's right, sir. He said, but will my baby ever live? I said, that I can't say. और इस प्रकार पिता रोने लगा और जाने लगा और कहा कि वो मन से जाने लगा. और वो घूमा, उसने कहा, श्रीमान, ये ठीक बात है. उसने कहा, परंतु क्या मेरा बालक कभी जीवित रहेगा? मैंने कहा, ये मैं नहीं कह सकता. I said, just a moment. I've seen a vision appear. I said, you won't want to believe this because Mayo's and Hopkins both said that operation couldn't be performed on that brain. But I'll tell you what you do. मैंने कहा, एक मिनट. मैंने देखा, दर्शन प्रकट हुआ. मैंने कहा, तुम इसका विश्वास नहीं करना चाहोगे, क्योंकि मायो और हॉपकिन दोनों ने कहा है कि शल्य चिकित्सा मस्तिष्क में नहीं हो सकती है. परंतु मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है. You tomorrow, you just go ahead with this baby. Within the next 3 days, you're going to meet a black-headed woman on the street, and that woman's going to ask you what's the matter with that baby. कल तुम इस बालक के साथ आगे बढ़ जाओ. अगले 3 दिनों में तुम गली में एक काले सिर वाली स्त्री से मिलोगे और महिला तुमसे पूछेगी, इस बालक को क्या हो गया. And then she's going to tell you of some little country doctor out here that can perform that operation. And you won't want to believe it because that Mayo's turned it down and says it's impossible to be done. और तब वो तुम्हें एक छोटे से गांव के डॉक्टर के विषय में बताएगी जो इस शल्य चिकित्सा को कर सकता है, और तुम विश्वास ना करना चाहोगे क्योंकि मायो ने मना कर दिया है कि ये करना संभव नहीं था. But that's the only chance your baby has through the power of God, the mercy of God, and that operation. परंतु केवल यही अवसर होगा कि तुम्हारा बालक परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के अनुग्रह और वो शल्य चिकित्सा. Now if you believe me to be his prophet, go do as I tell you. Like putting the figs on Hezekiah and so forth. अब यदि तुम मुझे उसका भविष्यद्वक्ता होने का विश्वास करते हो, तो जाओ जैसे मैं बताता हूँ करो, जैसे कि हिस्किया पर अंजीर रखना और आदि आदि. उसने कहा, वो घूमा और कहा, धन्यवाद, चला गया. 2 days or more passed and he's down the street one day and a lady walked up and said, what's the matter with your baby? 2 या कुछ दिन बीत गए. एक दिन वो गली में था और एक महिला आई और बोली, इस बालक के साथ क्या मामला है? He said, it's got a brain disease and he's going on talking like that and well they thought it was awful bad, you know. कहा कि इसे मस्तिष्क का रोग है और इस प्रकार से वो बातें कर रहा था और ठीक है, उन्होंने सोचा कि ये बहुत ही खराब है, समझे आप? So he said, just a few minutes, something taking place. She said, sir, I know someone who can do that operation. इस प्रकार उसने कहा, कुछ ही मिनटों में कुछ घटित हो गया. उसने कहा, श्रीमान, मैं जानती हूँ जो इस शल्य चिकित्सा को कर सकता है. He said, lady, look, Mayo brothers give it up.
and said, it can't be done. Said, a man up here is praying for it named Brother Branham. Said, he's made a prayer for the baby. उसने कहा, देखिए, my brothers ने मना कर दिया है और कहा, ये नहीं हो सकता. कहा, यहाँ एक व्यक्ति इसके लिए प्रार्थना कर रहा था. उसका नाम ब्रदर वणम है. कहा कि उसने इस बालक के लिए प्रार्थना की है. Said, wait a minute. Black-headed, wearing a gray coat suit. Said, that's her. Said, where is that doctor? And he told him, took him up there, and the doctor performed the operation. The baby got well. उसने कहा, जरा एक मिनट. काले सिर वाली सलीटी सूट पहने. कहा, यही है. वो कहाँ है वो डॉक्टर? उसने उस महिला को बताया. उस डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने शल्य चिकित्सा की. बालक ठीक हो गया. Now, that comes through the Reader's Digest, you see. And Mayo Brothers called me in on an interview for that. अब ये Reader Digest में आया. देखा, आपने Mayo Brothers ने मुझे इसके संबंध में साक्षात्कार के लिए बुलाया. Said, Reverend Branham, what did you do to the baby? I said, nothing. I never touched it. I only told what God told me to tell it. The man obeyed it. कहा, Reverend Branham, आपने उस बालक के साथ क्या किया? मैंने कहा, कुछ नहीं. मैंने तो उसे कभी छुआ तक नहीं. मैंने केवल वही बताया जो परमेश्वर ने मुझसे करने कहने को कहा. उस व्यक्ति ने उसका पालन किया. Now, the funny thing about it, about 2 weeks after that, or 2 weeks before that, or three, in the Reader's Digest, maybe a month ahead, Miss Pepper's article come through. इस विषय में मजेदार बात, उसके दो सप्ताह बाद या उससे दो सप्ताह पहले या तीन हो सकता है, एक महीने बाद कुमारी पीपर का लेख रीडर डाइजेस्ट में आया था. Now she's a genuine witch or a medium. Now there's a real one, and there's somebody impersonating. वो तो वास्तविक जादूगरनी या माध्यम है. वास्तविक वाले भी हैं और कोई कोई नकल मारने वाले भी. They've had that woman since 1897. She's over 100 years old now in New York. Both deaf as a post. उनके साथ ये महिला 1897 से है. अब वो 100 वर्ष से ऊपर है. न्यूयॉर्क में हैं दोनों. खंबे के समान बहरी. The Reader's Digest, I think it will come along about 2 months or a month before mine. You can find it in the early fall. Reader's Digest में मैं सोचता हूँ कि मेरे वाले से ये 2 माह पहले था. आप इस आरंभिक बर्फ काल में ढूंढ सकते हैं. Mr. Baxter had it here today. If I'd thought of it, I'd had it. You know, I was going to say this. I'd had it with it. And I can get it for you. And it gave about 12 or 14 pages. उस दिन यहाँ श्री बैक्स्टर के पास था. यदि मैं ये याद कर सकूँ तो संभवतः उनके पास था. यह मैं जानता हूं कि मैं ये कहने जा रहा हूं, संभवतः वो मेरे पास था. मैं आपके लिए ला सकता हूं. और ये 12 या 14 प्रश्नों में दिया गया था. She was just an ordinary housewife, and she fell into a trance one day while in suffering, and she began to speak to the dead. वो एक साधारण सी गृहिणी थी और एक दिन वो समाधि यानी आत्मविस्मृति में चली गई, जबकि वो उस स्थिति में थी और उसने मृतकों से बात करना आरंभ कर दिया. And they've had that woman all over the world. Everywhere. और वे उस महिला को समस्त संसार में ले गए. वे उसे इंग्लैंड ले गए, यहाँ तक कि उसके कपड़े कई बार बदले यदि कोई भूल चूक या कुछ था, और वहाँ जाकर किसी के मुख पर यूनानी मुखौटा लगाकर छिपाया, एक अंग्रेज के समान व्यवहार किया और उसने सब कुछ बता दिया. और वो अपने किन्हीं मृतकों साथियों को बुलाना चाहता था. Now the only thing all over the world, and here's the Reader's Digest, said there here a few nights ago, or a few months ago, one of them things was exposed. अब केवल एक चीज थी कि वो सारे संसार में, और यह Reader's Digest ने कहा कि कुछ रात्रियों या कुछ माह पहले उनमें से एक बात अनावृत हो गई. A man was supposed to kiss the ghostly hand of his mother. And the next day it was proved in police court that he only kissed a piece of cheesecloth. A lot of people impersonating a medium. एक मनुष्य अपनी माँ के आत्मिक हाथ को चूमना चाहता था और अगले दिन पुलिस न्यायालय में सिद्ध हो गया कि उसने एक विशेष कपड़े को चूमा था. बहुत सारे लोग माध्यमों की नकल करते हैं. There are only these little readers sitting out on the side of the street which are not mediums in the beginning. They're nothing but bogus impersonators, but there is a real medium. ये केवल छोटे पुराने से लोग जो गलियों के किनारे बैठे पड़ते हैं, जो कि वे माध्यम होते ही नहीं हैं, वे कुछ नहीं, केवल झूठे नकल करने वाले हैं, परंतु वास्तविक माध्यम भी होते हैं. And we religious people, we've got a lot of impersonators on both sides. और हम धार्मिक लोग, हमारे यहाँ दोनों ओर नकल मारने वाले लोग हैं. Now, hold still for a few minutes. Now notice, that Miss Pepper is a real medium.
अब कुछ समय के लिए शांत रहें। अब ध्यान दें कि कुमारी पेपर वास्तविक माध्यम है। And the magazine said, here's one thing that can be assured, that when a man dies, he isn't dead, he's living somewhere, because that woman calls her spirit back and talks to the people. और पत्रिका ने कहा, यहाँ एक बात है, जो कि विश्वास दिला सकती है कि जब मनुष्य मरता है, तो वो मृत नहीं है, वो कहीं और जीवित है, क्योंकि वो महिला उनकी आत्मा को वापस बुलाती है और लोगों से बात करती है। Now what does she do, Brother Branham? Do you believe it? Yes, sir. The Bible says so. That's the reason I believe it. अब भाई ब्रनम वो क्या करती है? क्या आप इसका विश्वास करते हैं? जी हाँ श्रीमान, बाइबल ऐसा ही कहती है। यही कारण है कि मैं इसका विश्वास करता हूँ। And she is of the devil. Spiritualism is the devil's trick. और वो शैतान की है। प्रेतवाद शैतान की चालाकी है। Now notice. Now watch them, and then you ought to see the letters flying to me then when my article followed hers. अब ध्यान दें, अब उन दोनों पर ध्यान दें, और तब आपको देखना चाहिए कि पत्र मेरे पास आने लगे, तब जब मेरा लेख उसके बाद प्रकाशित हुआ। Is it strange that just before the end of time God spoke these things and the Reader's Digest is published in every language under heaven? See? क्या ये आश्चर्यजनक नहीं कि अंत के समय में थोड़ा सा पहले परमेश्वर ये बातें बोला और रीडर डाइजेस्ट आकाश के नीचे हर भाषा में प्रकाशित होती है, समझे? Notice, this is strange, they followed one another. ध्यान दें, क्या ये आश्चर्यजनक नहीं कि ये एक दूसरे के पीछे चलते हैं? Now here come letters that said, Brother Bram, that proves you're nothing but a medium. So that proves it. Look here, you told that woman where she'd go to find. Look at this one. यहाँ पत्र आए, कहा कि भाई ब्रनम कि ये सिद्ध होता है, आप कुछ नहीं केवल एक माध्यम है, ये सिद्ध करता है। यहाँ देखिए, आपने ये बता दिया कि वो महिला कहाँ मिलेगी, इस महिला को देखिए। मैंने कहा, एक मिनट रुकिए, मैंने एक पत्र जारी किया है, मुझे क्षमा करें, लोगों को भेजने के लिए। I said, how little you preachers know. I said, instead of baptize your body, you need your brains baptized. That's right. You don't stop to think of things. You don't try to consider it. मैंने कहा, आप प्रचार को कितना कम जानते हो। मैंने कहा, बजाय इसके कि आप लोग अपने शरीर का बपतिस्मा करें, आपको आवश्यकता है कि आप अपने मस्तिष्कों का बपतिस्मा करें। ये ठीक बात है, आप बातों के विषय में सोचना बंद नहीं करते, आप इस पर विचार करने का यत्न नहीं करते। That's the same way they did in the other days. इसी प्रकार से उन्होंने उन दिनों में किया। They seen Jesus. They know he knew the secrets of their hearts. He knew what they were doing like that. And they said he's the chief of the devils. He's the Beelzebub, the best fortune teller in the world. उन्होंने यीशु को देखा। वे जान गए कि वो कर सकता है। वो उनके हृदय के गुप्त विचारों को जान गया। वो जान गया वे इस प्रकार से क्या कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वो शैतानों का सरदार है। वो बालजबूल है। संसार का सबसे अच्छा भावी बताने वाला। They didn't stop to try to figure out to see that was the Son of God. There was a spiritual enough to know it. उन्होंने इसे ठीक प्रकार से परखने के लिए यत्न नहीं किया कि ये देखें कि वो परमेश्वर का पुत्र है। वे इसे जानने हेतु इतने आत्मिक नहीं थे। That's it. They read over the thing. यही बात है, वे बातों को पढ़ लिया करते थे। Sure, Jesus was supposed to come in Jerusalem riding on a mule and so forth, but they look at it as a second coming. निश्चय ही यीशु को गधे पर चढ़कर यरूशलेम आना ही था और आदि आदि, परंतु वे दूसरे आगमन को देख रहे थे। और आज भी वैसा ही है, वे वास्तविक बात के ऊपर देख रहे हैं। That's right. I know what God's here this afternoon. Not only taking a lot of your time, but you got to see this, friend. Hallelujah. ये ठीक बात है। मैं जानता हूँ कि आज दोपहर पश्चात परमेश्वर यहाँ है, और मैं जानता हूँ कि मैं आप लोगों का काफी समय ले रहा हूँ, परंतु मित्रों आपको इसे देखना है। If I never see you again, you got to know what demons are, you got to know what truth and error is, and it's so close you got to separate the thing. यदि मैं आपको फिर कभी ना देखूं, आप जान लें कि प्रेत क्या होते हैं, आप जान लें कि सत्य क्या है और झूठ क्या है, और ये इतनी समानता में है, आपको इन्हें अलग अलग करना है। Now remember, it ain't going to be out there somewhere over on this side, like the Pharisees or something way back on that side. It's right up here in the door, right near it. Watch it. अब इसमें रखें, क्या ये बात कुछ इस प्रकार नहीं है, जैसे फरीसियों की ओर थी या कुछ इस प्रकार से उस ओर? ये बिल्कुल ठीक यहाँ द्वार पर है, ठीक इसके समीप। इस पर ध्यान दें। Now if I took, let's take them two cases. अब यदि मैं लेता हूँ, हम उन दो मामलों को लें।
If I give you the dollar, now if I give you a bogus dollar, we'll use a parable so you can see it. यदि मैं आपको एक डॉलर लेकर दूं, अब यदि मैं आपको झूठा डॉलर दूं, हम एक उदाहरण लेंगे ताकि आप इसे समझ सकें. The first thing that you do if you're a smart man, if you pick up a dollar and look at it, the first thing you feel it and see what it's made out of. Is that right? पहली चीज जो आप करेंगे यदि आप समझदार व्यक्ति हैं, आप एक डॉलर लें और उसे देखें. पहली बात जो आप अनुभव करेंगे और देखते हैं कि ये किस चीज का बना हुआ है. क्या ये ठीक बात है? You look at what it's made out of. You look at its worthiness. आप देखेंगे कि ये किस चीज का बना हुआ है. आप इसकी गुणवत्ता को देखेंगे. A real dollar is not made out of paper. It's part paper and silk, you see. एक वास्तविक डॉलर कागज का बना हुआ नहीं होता है. ये कुछ कागज और कुछ रेशम का होता है. आप समझे? And the first thing you'll have to look at the value of it. That's the first indication. और पहली बात आप उसके मूल्य को देखेंगे. ये पहला संकेत है. And now let's take her over on this side. And take the Lord over on this side. It's dealing with us. और अब हम उस महिला को इस ओर लें और प्रभु को इस ओर लें. ये हमारे साथ व्यवहार कर रहा है. Now look, the first thing you have to notice, everything, watch your article. अब देखिए, पहली चीज जिस पर आपको ध्यान देना है, हर चीज अपने लेख पर ध्यान दें. In the 50 some odd years of her fortune telling and calling up the spirits of the dead, she hasn't one time mentioned God, Christ, divine healing, deliverance, judgment, or nothing. There's nothing but frolic and folly in it. उस महिला के 50 एक साल जो भावी बताने के हैं और मृतकों की आत्माओं को बुलाने के हैं, उसने एक बार भी परमेश्वर का, मसीह का, दिव्य चंगाई का, छुटकारे, न्याय या किसी बात का उल्लेख नहीं किया. उसमें कुछ नहीं, केवल क्रीड़ा और मूर्खता है. But over on this side is constantly God, judgment, coming of Jesus, divine healing, power of God, deliverance. Look at the value of it. परंतु इस ओर ये निरंतर परमेश्वर, न्याय, यीशु का आगमन, दिव्य चंगाई, परमेश्वर की सामर्थ, छुटकारा है. इसके मूल्य को देखें. You don't see fortune tellers and witches out preaching the gospel? What's the matter with people? आपने कभी भी भावी बताने वालों और जादू करने वालों को सुसमाचार प्रचार करते हुए नहीं देखा होगा. इन लोगों के साथ क्या मामला है? ओहो. Notice, and the real thing to do, if you want to find out what's your real dollar or not, if it looks so much like it, take the numbers off of it and send it back to the mint. ध्यान दें. और वास्तविक चीज जो करने के लिए है, यदि आप जानना चाहते हैं कि वास्तविक डॉलर है या नहीं, यदि ये उसके समान लगता है तो उसका नंबर ले लें और उसे टकसाल भेज दें. And if there's numbers there that correspond with that, there's a silver dollar waiting for it. Is that right? यदि वहाँ पर इसका नंबर मिलान खाता है उस चांदी के डॉलर से जो वहाँ पर है, क्या ये ठीक बात है? Well then, brother, take what she did and take it back to Bible. You'll find it's the witch of Enders. तो ठीक है फिर, भाई वही ले जो महिला ने किया और वापस बाइबल में ले जाएं. आप पाएंगे कि वो इंदौर की जादूगरनी है. You take what she, you'll find it back. It's on the book here in the mint. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. और जो यहाँ है उसे आप लें, उसे यहाँ पुस्तक में टकसाल में पाएंगे. यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है. Certainly his same work. He didn't go on frolic and nonsense with people. He was for some good, to help somebody, to lead them to God. निश्चय ही उसके वही कार्य, वो जाकर लोगों के साथ मूर्खता और अर्थहीन नहीं है. ये लोगों की भलाई के लिए था कि उन्हें परमेश्वर के पास अगुवाई करके ले जाए. Amen. I'm not amen in myself, but amen means so be it. And I believe it. I know it's the truth. Amen. मैं स्वयं आमीन नहीं कर रहा हूँ, परंतु आमीन का अर्थ ऐसा ही है. और मैं इसका विश्वास करता हूँ. मैं जानता हूँ कि ये सत्य है. Now notice, here you are. Now quickly now, because I don't want to keep you no longer. अब ध्यान दें, आप यहाँ हैं. अब जल्दी से, क्योंकि मैं आप लोगों को अधिक देर तक रोके रखना नहीं चाहता. Here, let's give a little picture here, a little mental picture. Here's a stream right through here, right down through this way, coming down through life. यहाँ मैं एक छोटा चित्र दिखाता हूँ, एक समझदारी वाला चित्र. यहाँ से एक धारा निकल रही है, इस मार्ग से होते हुए, जीवन से होते हुए नीचे आ रही है. Now watch the channel. Give me your undivided attention, so you won't miss this. अब ध्यान दें, ये एक विचार दिशा है. अब मेरी ओर अपना पूरा ध्यान दें ताकि आप इसमें चूके ना. Right down like this. Now in this little channel here dwells mortal beings, you and I. इस प्रकार से नीचे, अब इस ओर, छोटे से मार्ग में, यहाँ जीवन है, आप और मैं. Now in there, let's look what it is. It's a mass of frolic and everything else, but once in a while you see a light. अब इसमें
देखें कि ये क्या है, ये मूर्खता और सब बातों का झुंड है, परंतु यदा कदा आप एक ज्योति देखेंगे। You see, blackness and streaks, that's gaiety and carrying on, devils, getting the people. आप कालिक और सड़कें देखेंगे जो कि उत्सव है और बढ़ रहा है, शैतान लोगों को पकड़ रहा है। Oh, they dress fine, mind, highly cultured as they can be, polished scholars, but still the devil. But there's born again sitting in there. Oh, वे शानदार वस्त्र पहनते हैं और ऊंची संस्कृति, जितने की शानदार ज्ञानी, परंतु फिर भी शैतान है, परंतु वहाँ एक नया जन्म पाए हुए बैठा है। Now, these people in this channel is influenced from two different sides. अब ये लोग इस विचार दिशा में दो विभिन्न भागों में प्रभावित हुए। Now, on this side, going this way, there's a trinity. And on this side, going this way, there's a trinity. अब इस भाग में इस मार्ग पर जा रहे हैं, वहाँ त्रिएकता है, और इस भाग में ये मार्ग वहाँ त्रिएकता है। Now the first place on this side is souls of the unjust. When a man dies, he goes into a place waiting judgment. Jesus went and preached to them souls that were in prison there. अब पहले स्थान पर इस वाले भाग में अधर्मी का प्राण है। जब एक व्यक्ति मरता है, वो एक ऐसे स्थान में जाता है कि न्याय की प्रतीक्षा करे। यीशु ने जाकर उन प्राणों को प्रचार किया जो कि वहाँ कैद में थे। The next is demons. The next is the devil in hell. Going up the first. Now them in there is ghosts. Spirits of dead. अगले में प्रेत आत्माएं हैं। इसके अगले में शैतान और अधोलोक है। अब ऊपर पहले वाले में वहाँ पर आत्माएं हैं, मृतकों की आत्माएं। Man that never repented, they're waiting for the judgment. वे लोग जिन्होंने कभी प्रायश्चित नहीं किया, वे न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। The only thing they know is folly and what they did. वे केवल मूर्खता ही जानते हैं और जो उन्होंने किया। Now up here these Christians are influenced from above. अब यहाँ मसीही ऊपर से प्रभावित है। This is parable. ये उदाहरण है। Up here is another ghost, the Holy Ghost. The ghost of a man, Christ Jesus. यहाँ पर दूसरा आत्मा है, पवित्र आत्मा, मसीह यीशु का आत्मा, व्यक्ति का। The Holy Ghost. The Holy Ghost influences his church in this realm of mortals. वो पवित्र आत्मा अपनी कलीसिया को इस मरणहार क्षेत्र में प्रभावित करती है। The devil by these spirits influences man. शैतान इन आत्माओं के द्वारा मनुष्य को प्रभावित करता है। Now look, the next is angels. The next is God. अब देखिए, अगले स्वर्गदूत हैं, उसके आगे परमेश्वर है। Now every mortal here is influenced by one of these worlds. You see what I mean? अब यहाँ हर मरणहार इनमें से किसी एक संसार के द्वारा प्रभावित है। आप समझ रहे हैं मेरा क्या अर्थ है? Now what that woman done? She broke into that realm. अब इस महिला ने क्या किया? वो उस क्षेत्र में गई। And she's speaking to those demon-possessed men. Who were beginning the spirits of those fallen angels that repented not back in the beginning and allowed their beings to be possessed with them and they're waiting for judgment. और वो उन प्रेतग्रस्त लोगों से बात कर रही है जो कि आरंभ में गिरे हुए दूत थे, जिन्होंने आरंभ में प्रायश्चित नहीं किया था और अपने जीवन को उनसे ग्रस्त होने दिया, और वे न्याय के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। And these over here are influenced and born again by the Spirit of God. और यहाँ जो हैं, ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रभावित और नया जन्म पाए हुए हैं। And the devil has his prophets and God has his. और शैतान के पास उसके अपने और परमेश्वर के पास उसके अपने भविष्यद्वक्ता हैं। See what I mean? It's influence. There we go. Stop the separated. समझे मेरा क्या अर्थ है? ये एक प्रभाव है और वहाँ हम जाते हैं, उसे अलग करने से रुक जाते हैं। Jesus, when he was here on earth. Now today he cannot break into that realm and get a righteous man out of that realm. यीशु जब वो यहाँ पृथ्वी पर था, अब वो उस क्षेत्र में घुसकर उस धर्मी व्यक्ति को नहीं ला सकते। He couldn't do it. Those righteous men are not in there where they used to be in paradise. वो ये नहीं कर सकता क्योंकि धर्मी व्यक्ति अब वहाँ नहीं है जहाँ वे हुआ करते थे अधोलोक में। No, sir. Paradise was done away with when the blood of Jesus took it away. नहीं श्रीमान, अधोलोक अब समाप्त हो गया है जब यीशु के लहू ने उसे अलग कर लिया। Look here, my. If I could think of how that Jesus, when he died, he went and preached to the souls that were in prison. यहाँ देखिए, ओ,
यदि मैं ये सोच सकता कि कैसे यीशु जब मरा और वो उन प्राणों को जो कैद में थे प्रचार करने गया। He died a sinner, knowing no sin, yet our sin was on him. And God for his sin sent him to hell. वो एक पापी मरा जो पाप को जानता भी नहीं था, तो भी हमारे पाप उस पर थे और परमेश्वर ने उसके पापों के कारण उसे अधलोक में भेज दिया। The Bible said he went and preached his oath. बाइबल ने कहा कि उसने जाकर प्राणों को प्रचार किया। Some people said, Brother Bam, I can't understand. They said Jesus rose on the third day. He died Friday afternoon, rose up on Sunday morning. Why, he's only dead one day. कुछ लोग कहते हैं भाई ब्रैनम हम इसे नहीं समझ सकते हैं, कहा कि यीशु तीसरे दिन जीवित हो उठा, वो शुक्रवार दोपहर बाद मरा और रविवार प्रातः जी उठा, क्यों वो तो केवल एक दिन मृत रहा। He said within them time, for he had one scripture in the Bible that he could stand on. उसने कहा इसी समय के भीतर, क्योंकि बाइबल में एक पवित्र लेख है जिस पर कि वो टिक सका। For David, a man of that sin later, but he was saved. But a prophet, under the inspiration of God, said, "I'll not leave his soul in hell, neither will I suffer my holy one to see corruption." क्योंकि दाऊद एक मनुष्य जो कि बाद में परमेश्वर से पिछड़ गया था, परंतु वो बचा लिया गया, परंतु भविष्यद्वक्ता ने परमेश्वर की प्रेरणा में होकर कहा कि मैं उसके प्राण को अधलोक में नहीं छोड़ूंगा, न ही मैं अपने पवित्र जन को सड़ने दूंगा। And he knew 3 days and nights that that body would set in corruption, and God had done said to the prophet, he will not see corruption. So... और वो जानता था कि 3 दिन रात में वो शरीर सड़ जाएगा, और परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कह दिया कि वो सड़हाट को नहीं देखेगा। हालेलुया, उसने परमेश्वर के वचन को लिया और हर बार उस पर शैतान को हराया। हालेलुया, And he died a sinner, my sins and your sins upon him. He went down, I can see him knock at that door there, and then the lost souls come out and said, "Well, who are you?" उसने मृत्यु को हराया, और जब उन्होंने उसे मार डाला, और वो एक पापी मरा, मेरे और आपके पाप उस पर थे, वो नीचे गया, मैं उसे वहाँ द्वार को खटखटाते हुए देख सकता हूँ, और वे नष्ट प्राण बाहर आए और कहा कि तुम कौन हो? Said, "Why didn't you listen to Enoch? Why didn't you listen to those other prophets that preached? They was condemned." उसने कहा, तुमने हनोक की क्यों नहीं सुनी? तुमने उन दूसरे भविष्यद्वक्ताओं की क्यों नहीं सुनी जिन्होंने प्रचार किया? वे दोषी थे। I'm the son of God that once lived. My blood's been shed. I come to tell you, I'm fulfilled what the prophet said I'd do. मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ जो कि एक समय जीवित था। मैं मेरा लहू बहाया गया, मैं तुम्हें बताने आया हूँ जो कुछ भी भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था मैंने पूरा कर दिया, मैं करूँगा। सीधे नीचे पुराने प्रेतों के पास, नीचे अधलोक में शैतान से मृत्यु और अधलोक की कुंजियां ले रहा है जो कि उसके एक और लटकी हुई थी, लेकर वापस चल दिया। Hallelujah. Did early in the morning. Hallelujah. Let's draw a little picture here. Early in the morning. There's another group laid over here in paradise. प्रातः भोर को उठ रहे हैं। Hallelujah. एक छोटा चित्र बनाएं। बहुत ही प्रातः वहाँ एक और झुंड है जो कि वहाँ अधोलोक में था। Not there now. Now you good Catholic friends of these intercession saints, if you're talking to a saint in your church, that man is a sinner. He's in hell or waiting out for his judgment. वे अब वहाँ नहीं है। अब आप जो बड़े कैथोलिक मित्र हैं, जो कि संतों की बिचवाई में विश्वास करते हैं, यदि आप अपनी कलीसिया में संतों से बातें करते हैं तो वो मनुष्य पापी है, वो अधलोक में है या फिर आने वाले न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। और यदि वो संत था तो वो परमेश्वर की महिमा में है और वापिस नहीं आ सकता, ये ठीक बात है, मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ। बैलों का लहू पाप को नहीं ले जा सकता था, परंतु यीशु के लहू ने पापों को अलग कर दिया। Abraham, Isaac, and Jacob, and them in there, Samuel and all the rest of them in there.
finger and knock at the door. मैं देख सकता हूँ कि यीशु वहाँ गया जहाँ अधोलोक में वे पुराने अब्राहम, इसहाक और याकूब वे वहाँ हैं, सैमुएल और बाकी वे वहाँ हैं। मैं उसे द्वार पर खटखटाते हुए सुन सकता हूँ। आमीन। Oh, I love this. I'm getting right. Feel kind of religious now. आमीन। ओ, मुझे ये अच्छा लगता है। मुझे धार्मिक अनुभूति सी हो रही है। I can see him look over there. I hear him say, "Who's out there? Who's there?" मैं उसे वहाँ देखते हुए देख सकता हूँ। मैं उसे कहते हुए सुन सकता हूँ, वहाँ बाहर कौन है? वहाँ कौन है? This is Abraham talking. Who is it? I'm the seed of Abraham. Amen. उसने कहा, मैं ये अब्राहम बोल रहा हूँ। कौन है ये? मैं अब्राहम का वंश हूँ। आमीन। I see Abraham come to the door, open up the door. He said, I'm the seed of Abraham. मैं देख सकता हूँ, अब्राहम द्वार पर आता है, द्वार खोलता है। उसने कहा, मैं अब्राहम का वंश हूँ। Daniel said, look there. There's a stone. I saw you down the mountain. डैनियल ने कहा, वहाँ देखो, वहाँ वो पत्थर है जिसे मैंने पहाड़ पर से खुद कर निकलते हुए देखा था। मैं सुन सकता हूँ, हिस्केल कह रहा है, ये वो है जिसे मैंने पैरों की तले की धूल के समान देखा था, चलते हुए बादल, जब मेड़े पत्तियों ने जब अपने हाथों से तालियां बजाई थी और वे सब चिल्लाए। ओ, मैं विभिन्न लोगों को अधोलोक में देख सकता हूँ जो उसके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं उसे कहते हुए सुन सकता हूँ, आओ, यरूशलेम में पाव फट रही है, हमें यहाँ से बाहर जाना है। We're going up because you trusted in the blood of the bulls and goats, waiting for the time that my blood's been shed up there on Calvary. I am the incarnate Son of God, all sin, debts, and pain. We're on a road out. हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि तुमने बैलों और बकरों के लहू पर विश्वास किया, मेरे लहू के लिए प्रतीक्षा की। मेरा लहू कलवरी पर बहाया जा चुका है। मैं परमेश्वर का अवतरित पुत्र हूँ। पाप का कर्ज भर चुका है। हम अपने मार्ग पे हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। मैं देख सकता हूँ, अब्राहम ने सारा को हाथ से पकड़ा और यहाँ वे बाहर आ गए। मत्ती 27 में जब वो बाहर आया, मैं उन्हें सुन सकता हूँ कि उन्होंने वहाँ यरूशलेम के आसपास थोड़ा सा रुके। I can see Caiaphas and them standing on the street saying, tell me that guy rose. I said, who is that guy going there? That young fella. That young girl. और पहली बात आप जानते हैं, मैं कैफा को देख सकता हूँ और वे सड़क पर खड़े कह रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वो व्यक्ति जी उठा है और कहा, वो कौन व्यक्ति वहाँ जा रहा है? वो नवयुवक, वो नवयुवती। Not old no more. That was Abraham and Sarah. अब और बूढ़े नहीं, वे अब्राहम और सारा थे। And they vanished. They looked somebody watching. और वे अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने देखा, कोई हमें देख रहा है। They could have vanished just like he went through the wall. The same kind of a body. Hallelujah. Right? वे वैसे ही अंतर्ध्यान हो गए जैसे वो दीवार में से होकर निकल गया, उसी प्रकार की देह। हालेलुया, ठीक है। यहाँ सारे भविष्यद्वक्ता और वे सारे चारों ओर घूम रहे हैं, नगर को देख रहे हैं। And Jesus led God on up in up over the stars, moon, clouds, and let captive give death, gifts unto man. और यीशु ने उनकी सितारों और चांद और बादलों के ऊपर अगुवाई की, बंधुआई को बांध ले गया, मनुष्यों को दान दिए। Jesus sits today at the right hand of the Father, climbed up there, sat down to all his foes, he made his footstool. आज यीशु पिता की दाहिनी ओर बैठा है, ऊपर चढ़ गया और बैठ गया, जब तक कि अपने शत्रुओं को अपने पैरों की चौकी न बना ले। And today, my dear Christian friends, demons are working on every hand, and God's Spirit's moving right out on the other hand to counteract it every time. और आज मेरे मसीही मित्रों, प्रेत हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और दूसरी ओर परमेश्वर का आत्मा गति में है कि हर बार विरोध में कार्रवाई करे। Hallelujah! There you are. Newspapers and digests and everything else is declaring it. They're watching. They can't see what it is. Hallelujah! आप वही हैं, अखबार और पत्रिकाएं और सब चीजें इसकी घोषणाएं कर रही हैं। वे देख रहे हैं, ये क्या है? वे नहीं देख सकते। What is it? It's the foreshadow of the great showdown. It's coming pretty soon between God and devil. Get on God's side and be right in your heart. Amen.
ये क्या है? ये उस और महान छाया कि जो जल्द आने वाली है उसकी छाया है। परमेश्वर और शैतान के बीच परमेश्वर की ओर आ जाओ और अपने हृदय में सही हो जाओ। आमीन। यहाँ बहुत समय नहीं हुआ, मैं टोलिडो ओहियो में सभा कर रहा था, मैं बंद कर रहा हूँ। You see what I mean by demons? They are working. They are very religious. आप देखिए, प्रेतों के विषय में मेरा क्या अर्थ है? वे कार्य कर रहे हैं, वे बहुत ही धार्मिक हैं। Just as religious, oh, they go to church every Sunday. Repeat the Apostles' Creed and sing the doxology. Hey, oh my. Just as religious as they can be. ऐसे ही धार्मिक, वे हर रविवार आराधनालय में जाते हैं, प्रेतों के विश्वास को दोहराते हैं, परमेश्वर की महिमा के संक्षिप्त भजन गाते हैं। ओ, कितने धार्मिक हो सकते हैं वे। Brother Branham, you mean that's the truth? भाई ब्रणम, आपका अर्थ है कि ये सत्य है? That's the kind of a spirit that hung Jesus Christ to the cross, and Jesus said, "You're of your father the devil." इसी प्रकार की आत्मा जिसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ लटका दिया, और यीशु ने कहा, "तुम अपने पिता शैतान से हो." Now someone said, "Oh, Russia's the Antichrist." Never. अब कुछ ने कहा, "ओ, रूस मसीह विरोधी है." कभी नहीं। Russia's not the Antichrist. The Antichrist will be so religious it'll fool the very elect if possible. रूस मसीह विरोधी नहीं है, मसीह विरोधी इतना धार्मिक है जब तक कि हर चुने को मूर्ख ना बना दे, यदि संभव हो तो। स्मरण रखें, परमेश्वर अपने मनुष्य को बुला लेता है परंतु अपनी आत्मा को नहीं। शैतान अपने व्यक्ति को बुला लेता है परंतु अपनी आत्मा को नहीं। Now there they are. Suit yourself. I'm only responsible for truth. अब वे वहाँ हैं, स्वयं को जांचें, मैं केवल सत्य बताने के लिए उत्तरदायी हूँ। Demons working yesterday Adam in the physical realm. Today I'm showing you in the spiritual realm, where they are in the religious realm. प्रेत कार्य कर रहे हैं, बीते कल मेरे पास वे भौतिक क्षेत्र में थे, आज मैं आपको आत्मिक क्षेत्र में दर्शा रहा हूँ जहाँ की वे धार्मिक क्षेत्र में हैं। Where they are called cancer, they call this, that, the other, but I prove to you by the Bible they are devils. जबकि बाहर वहाँ वे कैंसर कहलाए और वे ये और वो आदि आदि कहते हैं, परंतु मैंने आपको बाइबल से सिद्ध कर दिया कि ये प्रेत हैं। Now over here today, here they are again in the religious realm, very religious, very pious. अब आज यहाँ वे फिर से धार्मिक क्षेत्र में हैं, बहुत धार्मिक, बहुत धर्मात्मा। If you begin, brother, and think, Cain, the very beginning of it, was a very religious man. भाई, यदि आप फिर से सोचना आरंभ करेंगे, केन आरंभ से ही बहुत अधिक धार्मिक व्यक्ति था। Esau was a very religious man. Judas was a very religious man. एसाव बहुत धार्मिक व्यक्ति था, यहूदा बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। It's religion. See, the outside world is right in the ranks. What's that? Demonology. ये धर्म है, ये संसार से बाहर नहीं है, ये यही उच्च समाज में है। प्रेत शास्त्र को ध्यान से देखें। Maybe a little later on sometime I can get to it a little more. We're getting late. हो सकता है कुछ देर पश्चात कभी मैं इसे थोड़ा सा और ले सकता हूँ, हमें देर हो रही है। Condemn no one. Love everybody. If you can't love from your heart, then Christ is not with you. किसी को दोषी ना ठहराएं, सबसे प्रेम करें। यदि आप हृदय से प्रेम नहीं कर सकते तो मसीह आपके साथ नहीं है। At Toledo, Ohio, I went into a little restaurant. I've been eating at a place, a little dunkard place, lovely little place. There was so nice. टोलेडो ओहियो में मैं एक बार रेस्टोरेंट में गया, मैं एक मदिरा वाले स्थान में खा रहा था, छोटा सुंदर सा स्थान, वे बहुत अच्छे भले थे। That afternoon, they'd closed up to go to Sunday school, and when they did, I had to go across the street to a whirly little old place, and I walked in there. उस दोपहर पश्चात उन्होंने उसे बंद कर दिया ताकि संडे स्कूल जा सकें, और जब उन्होंने ऐसा किया तो मुझे सड़क पार जाना पड़ा उस पुराने सांसारिक स्थान में, और मैं वहाँ गया। State police with his arm around a girl, his hand hanging here on her bosom, playing a slot machine. और मैं जानता हूँ कि वो मान्यता प्राप्त ओहियो का जुआ घर है, और यहाँ एक प्रांतीय पुलिस वाला एक लड़की के गले में हाथ डाले खड़ा था, उसका हाथ उसके वक्ष पर लटक रहा था, सिक्का डालने की मशीन चला रहा था। The law of our state and nation, all gone, pitiful. हमारे प्रांतों का नियम और राष्ट्र सब समाप्त हो गया, दयनीय। I trust on Christ the solid rock, I stand all of the ground is sinking sand. Nothing else left. That's right. मैं मसीह उस ठोस चट्टान पर विश्वास करता हूँ और खड़ा हूँ, बाकी सारी भूमि धसने वाली रेत है, कुछ भी नहीं बचा। ये ठीक बात है। I looked back there and there was a beautiful young lady, probably in her teens, 19, 18, 19 years old.
and what they were doing, them boys back there around a table. It was horrible. मैंने पीछे वहाँ पीछे देखा, एक सुंदर नवयुवती थी, अपनी 18-19 वर्ष की अवस्था में थी, और वहाँ वे लड़के टेबल के चारों ओर क्या कर रहे थे, वो भयानक था। Well, I sat down there, and now to my surprise, sitting right here where a lady came over said, "Will you have a chair?" I said, "Thank you, I want breakfast." मैं वहाँ बैठ गया, मुझे आश्चर्य हुआ, जहाँ मैं बैठा था, वो महिला आई और बोली, क्या आपके पास कुर्सी है? मैंने कहा, धन्यवाद, मैं नाश्ता चाहता हूँ। And sitting in a chair here sat an elderly lady as old as my mother, 55-58 years old. She had a little pair of those little ungodly clothes they wear. यहाँ कुर्सी में बैठा हुआ था, वहाँ एक अधेड़ महिला बैठी थी, लगभग मेरी माँ जितनी बूढ़ी, 55 या 58 वर्ष की आयु की थी, और उसने असभ्य वस्त्रों का छोटा सा जोड़ा पहन रखा था जो वो पहनते हैं। They claim it's cool. Science says you're crazy. वे दावा करते हैं कि ये ठंडे होते हैं, विज्ञान कहता है आप सनकी हैं। Certainly it's not. You just want to show your naked self. It's a shame, a disgrace. निश्चय ही ये नहीं है, आप केवल अपने को नंगा दिखाना चाहते हैं, ये लज्जा और अशोभनीय है। The lady won't put them on. A woman will, but a lady won't. एक सभ्य महिला इन्हें नहीं पहनेगी, एक भद्र महिला पहनेगी, सभ्य महिला नहीं। And then, so then they, there she was sitting there. Her poor flesh was flabby. और फिर वो वहाँ बैठी थी, उसका बेचारी की मांसपेशियां ढीली ढीली थी। She had that kind of an arched looking manicure or what you call it on her lips. उसके होठों पर का श्रृंगार शुतुरमुर्ग जैसा दिखाई पड़ रहा था, जैसे कि आप लोग कहते हैं। And a little bitty hair cut like a man that fuzzed all up with the Bible said, which is a disgrace. और पुरुषों जैसे छोटे छोटे कटे हुए बाल जो कि पतले पतले हो रहे थे, बाइबल ने क्या कहा, जो कि अशोभनीय था। And a woman that a man, the Bible claims if a woman cuts her hair, a man's got a right to put her away in divorcement because she's not honest with him. और एक स्त्री जो कि पुरुष, बाइबल दावा करती है यदि स्त्री अपने बाल कटाती है तो पुरुष को अधिकार है कि उसे त्याग दे, क्योंकि वो उसके प्रति ईमानदार नहीं। We have to now preach the Bible here some of these days. हमें जाकर इन दिनों में बाइबल का प्रचार करना चाहिए। Said if she bobs her hair, she dishonors her husband. If she's dishonorable, she ought to be put away. कहा यदि वो अपने बाल कटाती है तो अपने पति का अपमान करती है, उसे त्याग देना चाहिए। You can't marry another, but you can put her away. आप दूसरी से विवाह नहीं कर सकते, परंतु आप उसे त्याग सकते हैं। Boy, that's going hard. I can feel it. But that's the truth. ओ लड़कों, मैं अनुभव कर सकता हूँ कि ये कठोर हो रहा है, परंतु ये सत्य है। Oh, used to be we had it in the Holy Ghost realms, but we let down the bars. ओ हुआ करता था, ये हमारे पवित्र आत्मा के क्षेत्र में था, परंतु हमने रोक लगा दी। Oh brother, you say we let down the bars, we let down the bars, we compromise with sin. We let down the bars, the sheep got out, but how did the goats get in? पुराने भाई कहा करते थे, हम थोड़ा नम्र हो जाएं। हमने पाप के साथ समझौता कर लिया, हमने रोक हटा ली, भेड़े बाहर निकल गईं, परंतु कैसे बकरियां अंदर आ गईं? You let down the bars, that's all you let down the bars. The world and the church mixed together. आपने रोक हटा ली, यही कारण है आपने रोक हटा ली, संसार और कलीसिया आपस में मिल गए हैं। Just like the Moabs and the so forth and Balaam, how he married among them, that's just exactly the same thing today. जैसे कि मोआब और आदि आदि और बालाम, कैसे उसने उनमें विवाह करवाए, बिल्कुल वैसे ही आज है। The church is all polluted and the Pentecostal age is the Laodicean age which gets lukewarm and spurred out of God's mouth. और कलीसिया दूषित हो गई और पेंटिकोस्टल लुदिकिया युग हो गया जो कि गुनगुना हो गया और परमेश्वर के मुख से थूक दिया गया। And how the whole group God calls his remnant takes her home. Exactly right. Exactly, through the resurrection. और सारे झुंड में से परमेश्वर अपने बचे हुओं को उसके दुल्हन के घर ले जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक बात है, ठीक पुनरुत्थान में से होते हुए। And there she was sitting there, lips, manicure all over her face, and it was all like that. और वो वहाँ बैठी हुई थी, उसके होंठों का श्रृंगार सारे मुख पर फैल रहा था और इस प्रकार से सारे में था। And she had this sheer black stuff over her eyes and she's sweating is running out and a poor old thing my great grandchildren. और यहाँ उसकी आँखों पर काला काला लगा हुआ था और उसे पसीना आ रहा था, वो नीचे की ओर बह रहा था और उस बेचारी बूढ़ी के पास पोते पोतियाँ हो सकते होंगे। And she's sitting there with two old men and one of them with a big old scarf around his neck knitting June. Sitting there. और वो वहाँ दो बूढ़ों के साथ बैठी थी, उनमें से एक के गले में पुराना बड़ा सा मफलर था और ये जून में वहाँ बैठे थे। And he got up and was kind of drinking and she was drinking too and she was looking around. और वो उठा और कुछ पिए हुए था और वो भी पिए हुए थी और वो चारों ओर ताक रही थी। I thought, oh God, God, why don't you just wipe the thing off the map? मैंने सोचा, ओ परमेश्वर, आप क्यों नहीं इस चीज को नक्शे पर से मिटा देते हैं? आप क्यों नहीं?
My little Sharon, my little baby, my little Sarah, and my little Rebecca have to be raised up in that generation to come to say such stuff as that. क्या मेरी छोटी शेरोन, मेरी छोटी बच्ची, मेरी छोटी सारा और मेरी छोटी रिबेका को भी इसी पीढ़ी के साथ बड़ा होना है और इस प्रकार की चीजों का सामना करना है? मैंने सोचा यहाँ इन पार्कों में देखो और आदि आदि क्या हो रहा है। मैंने सोचा ओ परमेश्वर, ओ मैं प्रसन्न हूँ कि आपने शेरोन को ले लिया, यदि वो आपकी इच्छा थी। क्या मेरी छोटी रिबेका और छोटी सारा को ऐसी चीजों के वातावरण में बड़ा होना पड़ेगा, जैसे कि ये है जो कि और लोगों ने बुलाते हैं कि समूह में गाना गाएं और आदि आदि। और मैंने सोचा क्या ये लज्जा की बात नहीं है? मैंने सोचा परमेश्वर, आपका पवित्र धर्मी कैसे खड़ा रह सकता है? ऐसा प्रतीत होता है कि आपका धर्मी क्रोध इसे उड़ा देगा और इस स्थान को फूंक देगा। और मैंने सुना प्रभु के दूत ने कहा इधर एक और आ जाओ। मैं वहां गया और जब वो मेरे जीवन से होकर निकला मुझे एक भिन्न व्यक्ति का सा अनुभव हुआ। तुम उस पर किस बात का दोष लगा रहे हो? मैंने कहा उसे देखो वो कैसी है। और वो क्या है? मैंने एक दर्शन देखा, मैंने संसार को इस प्रकार देखा जो कि दूसरे संसार के चारों ओर है। But this world here, it had a rainbow around it, and that was the blood of Christ that protects God's wrath. परंतु ये संसार जो यहाँ है इसके चारों ओर मेघधनुष है और ये यीशु का लहू था जो कि परमेश्वर के क्रोध को रोके हुए है। You could look upon that. He'd destroy the thing right now because he said the day you get there, that day you die. So he'd do it. वो उस पर दृष्टि नहीं कर सकता, वो चीजों को तुरंत अभी समाप्त कर देगा क्योंकि उसने कहा जिस दिन तुम उसे खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे, इसलिए वो ये करेगा। तब मैंने इस प्रकार से सोचा, मैंने स्वयं को देखा, यद्यपि मैंने वो नहीं किया परंतु जो भी है मैं एक पापी था। और तब यीशु मसीह के लहू ने बम्पर के समान कार्य किया, समझे? ताकि जब मैं पाप करूं मेरे पाप उस पर आघात करें और उसके बहुमूल्य सिर को धड़धड़ा दें, और मैं देख सका आंसू और लहू नीचे बह रहे थे। पिता उसे क्षमा करे, वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। Now do something else and forgive him, Father. और मैं कुछ और करूंगा, और जोर दिया पिता उसे क्षमा करें। If it ever passed him, I'd have been destroyed. यदि ये कभी ना हुआ होता तो मैं नष्ट हो गया होता। And if I never accept his grace and the day my soul sails beyond that, I'm already judged. I've rejected. There's nothing left but judgment. और मैंने उसके अनुग्रह को कभी स्वीकार ना किया होता और उस दिन मेरा प्राण उससे परे निकल गया होता, मेरा न्याय तो पहले ही हो गया, मैंने अस्वीकार कर दिया और अब कुछ शेष नहीं केवल न्याय। न्याय हो गया, मेरा पहले ही न्याय हो गया। परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे, तुमने सही न्याय किया। आज दोपहर पश्चात ये न्याय से हसन तुम्हारी मनोभावना मसीह की ओर। That's right. और तब मैंने सोचा हाँ ये ठीक बात है। और मैंने देखा एक दिन मैं उसके पास घिसटता हुआ गया, मैंने अपनी पुरानी पुस्तक एक पापी की तरह वहाँ रखी देखी, उसमें हर चीज थी। मैंने अपने पापों को देखा कि वे क्या कर रहे थे और मैंने कहा प्रभु क्या आप मुझे क्षमा करेंगे। side, out, said,
sowed it back in the sea of forgiveness, you remember it no more. It was gone forever. अपने हाथ को अपनी पसली की ओर से निकाला, उसमें कुछ लहू लिया और उसके ऊपर आर पार लिख दिया और कहा क्षमा कर दिया, भूल जाने वाले समुद्र में फेंक दिया कि फिर याद ना किया जाए, वे सदा के लिए चले गए। उसने कहा मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ परंतु तुम उस पर दोष लगा रहे हो। इससे मेरा विचार बदल गया। मैंने कहा परमेश्वर अनुग्रह कर। और जब मैं इससे बाहर आया, मैं गया और बैठ गया। मैंने कहा मामा आप कैसी हैं? उसने कहा ओ हेलो। और मैंने कहा यदि आप मुझे क्षमा करेंगी, मैंने कहा मैं रेवरेंड ब्रनम हूँ, एक सेवक। वो बोली ओ मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें रेवरेंड ब्रनम। मैंने कहा महिला, मैंने उसे सारी कहानी सुनाई। मैंने कहा मैं वहाँ खड़ा हुआ था और आपको दोषी ठहरा रहा था और सोच रहा था कि कितनी भयानक बात है, हो सकता है आपके पास बच्चे हों। उसने कहा मेरे पास हैं। मैंने कहा इस गलत मार्ग पर जाने का क्या कारण है, और उसने मुझे सारी कहानी बताई, उससे किसी का भी हृदय दो टुकड़े हो जाएगा। मैंने कहा मैं परमेश्वर से कह रहा था क्यों नहीं आप इस दुष्चरित्र को पृथ्वी पर से हटा देते हैं, यहाँ आप यहाँ इन दो पियकड़ों के साथ हैं और आपने स्वयं भी पी रखी है। और मैंने कहा किसी दिन वो लहू आपके ऊपर से परमेश्वर के क्रोध को रोके हुए है, एक दिन आप मर जाएंगी और अब आप एक स्वतंत्र अभिकर्ता हैं, आप स्वीकार या अस्वीकार कर सकती हैं। मैंने कहा परंतु एक दिन आपका प्राण उस पार जा रहा है जहां कोई अनुग्रह नहीं होगा, और यदि आप अपने पापों में मर गई तो आपका न्याय हो चुका, आप अधोलोक में जा रही हैं। You know like क्या आप जानते हैं वो महिला उस रेस्टोरेंट की कुर्सी छोड़कर चली गई? हमारी एक प्रार्थना सभा हुई जैसे कि आपने कभी भी अपने जीवन में नहीं सुनी, और वो मसीह के पास आ गई। What was it? Don't condemn them. Tell them the gospel. ये क्या था? उन्हें दोषी ना ठहराओ, उन्हें सुसमाचार सुनाओ। They're demon possessed. They're mortals in this realm. They're influenced from over here. Our influence comes from above. Let's see what we can do with our talents to win others to Christ. वे प्रेतग्रस्त हैं, वे इस क्षेत्र में मरणहार हैं, वे यहाँ से प्रभावित हैं, हमारा प्रभाव ऊपर से आता है। हम देखें कि हम अपने सद्गुणों से क्या कर सकते हैं, दूसरों को जीतकर मसीह के पास लाएं। Our heavenly Father, thanking thee for thy goodness and mercy. I'm sorry, Lord, maybe the people I kept them here so long. हमारे स्वर्गीय पिता, आपकी भलाई और अनुग्रह के लिए धन्यवादित हैं। मुझे खेद है प्रभु, लोगों को मैंने अधिक समय रोके रखा। But being the closing of these afternoon meetings like this, I wanted to tell him demons. And I chopped too much of it in one place in one sermon. But maybe they can pick it out here and there and understand what I meant. परंतु आज दोपहर बाद इस प्रकार की सभाओं को समाप्त करते हुए मैं उन्हें प्रेतों के विषय में बताना चाहता था, और मैंने एक स्थान से उपदेश में से बहुत कुछ काट दिया, परंतु होने दे कि ये समझ सकें और समझ सकें कि मेरा क्या अर्थ है। You know, the intentions of my heart are bringing. इसे समक्ष लाने में आप मेरे हृदय के अभिप्राय को जानते हैं। Make people go from here this afternoon, men and women, watch every move they make. संभव है दोपहर बाद लोग यहाँ से जाएं और पुरुष और महिलाएं अपने प्रत्येक कार्य को देखें, परंतु आनंदित और स्वतंत्र रहें। May they know that God has saved them. होने दे कि वे जाने परमेश्वर ने उन्हें बचाया है। And may they look
to Him. Forget about all the isms and things that surround them and live peacefully and soberly and in a fear of God. और होने पाए कि वे उसे देखें और अपने चारों ओर के सारे वादों और सारी बातों को भूल जाएं और परमेश्वर के भय में शांति और गंभीरता से रहें. And then God, when you want to use them for anything, you can speak directly to them and send them wherever you want them to go or whatever you want them to do. और तब परमेश्वर जब आप उन्हें किसी भी चीज के लिए उपयोग करना चाहें, आप उनसे सीधी-सीधी कह सकें और जहां आप चाहें उन्हें वहां भेजें या आप जो उनसे कराना चाहें. May people be humble and find Christ in their heart. होने दें कि लोग नम्र हों और अपने हृदय में मसीह को पाएं. Forgive us, Lord, of our shortcomings, every one of us. प्रभु हम में से प्रत्येक की कमी घटी को क्षमा करें. And we know that the Satan's gone about like a roaring lion everywhere, devouring what he will, wearing religious cloaks. और हम ये जानते हैं शैतान एक दहाड़ने वाले सिंह की नाई निकला हुआ है और धार्मिक वस्त्र पहनकर जिसे चाहे खा जाए. Oh God, these poor little children, look at them. Everywhere they're open and exposed to the people. ओ परमेश्वर, ये बेचारे छोटे बालक हर ओर इनकी ओर निहारें, ये लोगों में खुले और प्रकट हैं. And I pray thee, God, to be merciful to them and save all the lost, heal the sick. और मैं परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि इन पर अनुग्रहकारी हो और सब खोए हुओं को बचा ले, बीमारों को चंगा करें. God, we realize that these old devils of sickness coming up on your children, that you have an atonement laying under to take care of that. और परमेश्वर हम अनुभव करते हैं कि बीमारी के ये पुराने प्रेत जो आपके बालकों के ऊपर आ रहे हैं, आपके पास एक छुटकारा है जो सामने है कि उसकी चिंता करें. And all the devils that would cause them to sin, you got an atonement laying under to take care of it. And I pray that you'll grant it in Jesus' name. Amen. और वे सारे प्रेत जो उनसे पापों को करवाने के कारण हैं, आपका एक छुटकारा है जो सामने रखा है, वो इसकी चिंता करेगा. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ये यीशु के नाम में प्रदान करेंगे. आमीन. मुझे आश्चर्य है यदि वहाँ